अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, राजी बाजी होंगे। मैं हूँ आपका आपका अनप्लग, और आप देख रहे हैं मल्टी गेमर रमजान लीग प्रेजेंटेड बाय मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स। रमजान सबको बहुत बहुत मुबारक, रमजान मुबारक तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह हमें इस माह रमजान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अगर रमजान करीम की बात की जा रही है और यहाँ पे अगर और पबजी लवर्स रमजान टूर्नामेंट की बात ना की जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बड़े नाम इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होगा, जोन की करवटें होंगी, क्लचेस देखने को मिलेंगी, बहुत सी एक्साइटिंग फाइट्स देखने को मिलेंगी। अभी कुछ ही देर बाद हम इंशाल्लाह मैप्स की जानेब बढ़ेंगे, हम जोन का जिक्र करेंगे, हम काफी जोन की करवटें हैं उनको देखेंगे, किसके हक में जा रहा है, किसके हक में नहीं जा रहा, ये सब चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा अभी कुछ ही देर में। सबको आपको सब हमारे सामने इनको बहुत बहुत एक बार फिर से वेलकम है जी। हमारे सामने स्लॉट लिस्ट क्वालिफाइड ग्रुप ए जो है उनकी स्लॉट लिस्ट आ चुकी है, जिसको हम एक सरसरी से हम नजर यहाँ पे डालेंगे। इसमें नंबर वन पे हमारे टीम वाइल्ड टाइगर्स हैं, देन YTF ई-स्पोर्ट्स हैं, PK लीड्स हैं, देसी ऑफिशियल हैं, टैग मोबाइल हैं, KNK ऑफिशियल है, कट थ्रॉट्स हैं, DSP ऑफिशियल, VRS ई-स्पोर्ट्स, रेक्स ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल, विक्ट्री सीकर्स, RE एलीट्स, NA7 ऑफिशियल, Four Rivals, ESR official, Sir Disaster Team, XRS and Black official हमारे साथ इसमें होंगी। बड़े नाम हमारे साथ इस टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं जी। लेकिन अब इसमें यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं, जिसके बिहाफ पर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरफ जो आपकी टीम का करवट होगी, क्या आपकी रोटेशन हो सकती है, किस तरह आपने अपनी टीम को अपने आइडियल किस तरह आप टीम को लेकर चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे सामने डे स्क्वेजुअल मैप का यहाँ पर मैप की यहाँ पे एक नाम हमारे आ चुके हैं कि किस सीक्वेंस में मैप होने वाले है। फर्स्ट है हमारा रेंगल द वन ओनली, एक मशहूर यहाँ पर, उसके बाद मेरा मार सैनहॉक, देन अगेन हमारा लास्ट जो मैप होगा वो हमारा मेरा मार होगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे यह देखने को मिला कि अगर किसी टीम के पास की एक्सपर्टीज है मेरा मार के मैप को लेकर तो उनको एक खासा यहाँ पर फायदा होने वाला है। लेकिन पहला मैप चूंकि यहाँ पे रेंगल है, तो रेंगल एक अगर हम सरसरी सी बात की जाए, अगर नॉर्मल डेज में भी, एक रैंडम डेज में भी अगर एक टीम रेंगल को प्रेफर करती है या मैच खेलने के लिए, आप यहाँ पे रैंक पुश के लिए, यहाँ पे जस्ट फॉर फन के लिए भी, रेंगल में लगभग सभी टीम्स को अंदाजा है कि यहाँ पे रिजेस कहाँ पर है, यहाँ पर कि आपकी रोटेशन आपको कैसी होनी चाहिए, खासा यहाँ पे नॉलेज है। लेकिन सैनहॉक चूंकि यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे दो दफा ये मैप लगेगा, तो यहाँ पर वो लोग जिनके लाइनअप में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास मेरा मार की नॉलेज है, मेरा मार की रोटेशन का अंदाजा है, मेरा मार की जो जोन किस तरफ करवट ले सकता है, क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है यहाँ पे जोन के बनने की, उनको काफी खासा फर्क पड़ेगा। या उसके पास सैनहॉक की बात की जाए तो सैनहॉक में हो और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है सैनहॉक, जैसे किसी ने गिली सूट पहन लिया और वहां पे बिल्कुल आंख ओझल, पहाड़ ओझल वाला यहाँ पे सिनेरियो बन जाता है, वो हमारा तीसरे नंबर पे, देन अगेन लास्ट पे हमारा मीरामार मैप होगा। आज के दिन में ये चार मैप होने वाले हैं, इंशाल्लाह बहुत ही टक्कर के मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके जी, यहाँ पे क्वालिफायर ग्रुप के हमने जिक्र कर लिया, हमने यहाँ पे टीम्स का जिक्र कर लिया, हमने यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेक्ट्स का जिक्र कर लिया। अगर हम इन सब चीजों को मद्देनजर रखें तो यहाँ पर अगर सब चीज मद्देनजर रखें तो एक चीज आप लोगों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो आप चैट में बता सकते हैं जी, अपनी फेवरेट टीम का नाम लिख सकते हैं, और अगर ये अगर आप देखते हैं कि किस बिहाफ पर कि क्या वो मेन रीजन है, क्या वो एक वजह है जिस बिहाफ पे आपको लगता है ये टीम जो है ये यहाँ पे डोमिनेंट रहेगी आज के दिन में रेंगल में मेरा मार में, तो वो रीजन अगर लिख दें तो हमारे लिए काफी ज्यादा एक काफी यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिससे हम आपकी राय भी मद्देनजर रखेंगे, कुछ अपनी प्रेडिक्शन भी देंगे, कुछ पबजी की मैप की लिहाज से भी देखेंगे कि पबजी में यहाँ पे आज के दिन क्या सिनेरियो बनने वाला है। कुछ ही देर में हम अपने पहले मैप की जानिब बढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
एक तो फिर से सबका वेलकम बैक रूम किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से दोबारा से री हो रहा है। जब तक रूम रीस्टार्ट होता है, जब रूम दोबारा बनता है, टीम ज्वाइन दोबारा करती है, तब तक हम थोड़ा सा और इस चीज पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैप को हम लेके बात कर रहे थे, और मैप से पहले अगर हम अपने स्पॉन्सर का जिक्र करें, ऐसा हो नहीं सकता। स्पॉन्सर्स को देखा जाए तो हमारे साथ हमारे इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने वाले जो बड़े नाम SRIR Narcos and Pro Noob is live. Huge respect for our sponsor for arranging such a tournament. एक दो फिर से बहुत बहुत यहाँ पर एक appreciation, एक respect. अब वापस से अगर हम मैप की जाने पाए तो रेंगल मेरा मार सैन हॉक इनके बारे में मैं बात कर रहा था। रेंगल एक ऐसा मैप है जिसमें आप एक आपकी एक्सपर्टीज होती हैं, आपके पास अगर आप स्क्वाड है, स्क्वाड में से एक एक प्लेयर को अंदाजा है, काफी ज्यादा खेले जाने वाला मैप है। मिरामार और सैनहॉक को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एम्फेसाइज करूंगा इन दो मैप में, क्योंकि मिरामार एक ऐसा मैप है जिसमें आपके पास एक एरिया ज्यादा है, आप यहाँ पर अगर ऐसे ड्रॉप पे उतरते हैं तो आपकी अर्ली स्टेजेस पे फाइट होना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं, और इवन कि अगर यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 से 4 जोन ऐसे होते हैं, अगर आप आउट ऑफ जोन भी रहें तो आपको इतना डैमेज नहीं मिलता। लेकिन एक मिरामार में प्लस पॉइंट अगर आपको एक ऐसी टीम है जो ऑलरेडी जोन में है, जिन्होंने यहाँ पे हाइट ऑलरेडी ले चुके हैं, अगर वो आपको जोन में आता देखेंगे तो यहाँ पे गोलियों के बौछार आपकी गाड़ी को, यहाँ पे व्हीकल को ब्लास्ट जरूर कर सकती है। मिरामार में इस तरह की काफी एक्साइटिंग चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे सैनहॉक का जिक्र ही बहुत जरूरी है। सैनहॉक के बारे में बात की जाए तो सैनहॉक में एनिमी स्पॉट करना वो कतरे मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू रेंगल, एज कम्पेयर टू मिरामार, क्योंकि सैनहॉक में एक वहां पे ग्रास होने की वजह से और कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट सही से स्पॉट नहीं कर पाते, और इवन कि आपके बिल्कुल बगल में बच्चा ढंडोरा शहर में वो वाला यहाँ पे सीन यहाँ पे हो जाता है। आपके पास में लेटा एक एनिमी आपके पूरे स्क्वाड को वाइप कर सकता है। सैनहॉक में इस तरह के कई जो यहाँ पे क्लचेस देखने को मिले हैं। देन अगेन यहाँ पे चौथा मैच आपका फिर से मिरामार होगा, तो मैं एक अपनी उसी बात को दोहराऊंगा, अगर किसी टीम के पास एक प्लेयर या दो प्लेयर ऐसे हैं जिनकी मिरामार में या सैनहॉक में एक्सपर्टीज है, तो वो उनके लिए आज के दिन उनके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है। और क्योंकि आज का टूर्नामेंट बेहतरीन है तो डेफिनेटली हमारे स्पॉन्सर भी बहुत बेहतरीन है, प्रोनूब इज लाइव और SRIR Narcos। एक बार फिर से जिक्र करेंगे स्पॉन्सर्स का जिनकी वजह से आज ये टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगेन बहुत बहुत रिस्पेक्ट स्पॉन्सर्स के लिए, क्योंकि डेफिनेटली हम एक कम्युनिटी है, हम गेमिंग कम्युनिटी में पाकिस्तान में इसको फरोग देने में जो हमारे स्पॉन्सर है इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और वंस अगेन ह्यूज रिस्पेक्ट। और यहाँ पे ग्रुप एक हमने जिक्र कर लिया, रेंगल मैप का हमने जिक्र कर लिया। अगर हम साथ ही साथ में अगर हम जिक्र करें टीम्स का, तो टीम्स को अगर एक अगर टीम्स का हमारे सामने दिखाया जाए स्क्वेजुअल, किस टीम यहाँ पे स्लॉट्स दिखाई जाए, तो यहाँ पे टीम्स के वाइल्ड टाइगर्स हैं, वाइट ई स्पोर्ट्स हैं, वीके लीव्स हैं, यहाँ पे काफी ऐसे नाम ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने इनको एक बड़ी स्क्रीन पे देखा है, बड़े मैचेस में देखा है, यहाँ पे टूर्नामेंट जीतते हुए देखा है। और अगेन आज के दिन एक हमारी आंखों के सामने फिर से यहाँ पे डेफिनेटली फाइट में होंगे, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। यहाँ पे बहुत सी चीजें हमें आज देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे एक्साइटेड यहाँ पे क्लचेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनके जो क्लचेस जो हैं, जो प्रीवियस क्लचेस, जो प्रीवियस टूर्नामेंट्स में जो क्लचेस जो हैं वो मेरी आंखों के सामने आ चुके हैं, और काफी एक्साइटमेंट यहाँ पे वाइल्ड टाइगर्स की। अगर उसके बाद डीएसपी ऑफिशियल की बात की जाए, कंटिन्यू VRX ई-स्पोर्ट्स, रेक्स ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल, विक्ट्री सीकर्स, RE एलीट्स, NA7 ऑफिशियल, 4 राइवल्स, ESR ऑफिशियल, सर डिजास्टर, टीम XRS और ब्लैक ऑफिशियल। यहाँ पर कुछ नए नाम, कुछ ऐसे नाम जो यहाँ पर इस ग्रुप में शायद ऐसे हों जो यहाँ पे नामवर जो स्क्वाड्स हैं उनको यहाँ पर एक दबाते हुए पहले पायदान पे आ जाएं। जिस चीज ये आप कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस तरह जोन करवट लेता है इस तरह आपके एक एक किल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको अंदाजा है कि आपका एक एक किल, आपका एक एक एनिमी यहाँ पे और यहाँ पे आपका एक एक स्क्वाड मेंबर है कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपके सामने एक कोई प्लेयर नॉक अगर नजर आए तो डेफिनेटली वो तो वहां से बिल्कुल बच के नहीं जाएगा। और अगेन मैंने सैनहॉक की बात की, तो सैनहॉक में मैंने एक बात जिक्र किया कि आपके बिल्कुल पास में एनिमी यहां पे हाइड होता है और आपको अंदाजा नहीं होता, तो वहां पर एक जख्मी शेर की तरह वो होता है। जख्मी शेर आपको पता है, जख्मी शेर
यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक चीज का नाम है जख्मी शेर। और यहाँ पर अगेन हमने मैप का जिक्र किया, हमने यहाँ पे टीम्स का जिक्र किया, हमने स्पॉन्सर्स का जिक्र किया और ये टूर्नामेंट। और अगेन रमदान है जी, रमदान की आमद क्या, रमदान आ चुका, माह रमदान आ चुका है और टूर्नामेंट भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ ही देर में हम अपने मैप की तरफ जाएंगे, अपने मैप की सरजमीन, पहला मैप जो हमारा रेंगल होने वाला है उस सरजमीन पर जाएंगे। हम प्लेन पाथ देखेंगे, प्लेन पाथ के बाद हम उसके बाद उसकी यहाँ पे जोन देखेंगे, जोन किस तरह बन रहा है। अगर हम प्लेन पाथ यहाँ पे जो है प्लेन पाथ, डेफिनेटली प्लेन पाथ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी यहाँ पे अपना लैंडिंग स्पॉट जो है वो आपको कितनी करीब पड़ती है। अगर दूर है तो डेफिनेटली आपको व्हीकल का सहारा लेना पड़ता है और वहां पे आपके अर्ली स्टेजेस पे फाइट भी देखने को मिल सकती है। अभी से कुछ ही देर बाद हम होंगे यहाँ पे रेंगल की सरजमीन पे। कहीं मत जाइएगा, अपनी सपोर्ट चैट में दिखाएं, अपनी सपोर्ट चैट में दिखाएं, अपनी फेवरेट टीम को आप यहाँ पे चैट में जरूर जिक्र कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद हम वापस से आप जुड़ते हैं, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
ओके जी, वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से जी। अभी कुछ देर बाद हम बढ़ेंगे अपने या पहले मैप की जानेब, जिसमें हम डेफिनेटली, मैंने पहले कहा कि हम जिक्र करेंगे प्लेन पाथ का। और प्लेन पाथ पर यहां पर ठीक है जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बढ़ते हैं अपने पहले मैप की जानेब। और पहले मैप में हम डेफिनेटली हम यहाँ पे प्लेन पाथ देखेंगे। प्लेन पाथ के बाद यहाँ पे यहाँ पर जॉर्जियो से यहाँ पर प्लेन पाथ जो है यहाँ मिलिट्री बेस की जानेब जाता हुआ, और यहाँ पर टीम जो है वो अपने लैंडिंग स्पॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जंप कर चुकी है। प्लेन पाथ को देखा जाए टोटली मैप का वन साइड, एक तरफ बिल्कुल यहाँ पे डायगनली यहाँ पे कट नहीं कर रहा, एक झुकाव है यहाँ पे मिलिट्री बेस की जानेब यहाँ पे गटका वाली साइड पर। और यहाँ पर डेफिनेटली जिस टीम ने यहाँ पे लिपोव का प्रिजन या मेंशन की तरफ उतरना है या वो भी उनके स्पॉट्स अगर यहाँ पे लैंडिंग स्पॉट्स या प्लेन से काफ़ी दूर है तो उनको अपने मंजिल तक जाने के लिए व्हीकल्स का सहारा लेना पड़ेगा। और शायद हमें यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज पे अर्ली फाइट देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ व्हीकल। यहाँ पे आपको व्हीकल की भाग दौड़ नजर आएगी, व्हीकल आपको चाहिए होगा, आपने प्लानिंग स्पॉट पे जाना है। और कोशिश डेफिनेटली यहाँ पे हर टीम की यही होगी कि हम स्टार्टिंग में किसी किस्म का भी यहाँ पर फाइट ना ले, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्लेयर आपका इंपॉर्टेंट है। एक प्लेयर भी यहाँ पे गवा दिए क्योंकि आपका एक प्लेयर यहाँ पर पूरे स्क्वाड के बराबर है। आपका एक प्लेयर यहाँ पे 1v4 1v3 क्लच करने के यहाँ पे सलाहियत रखता है, क्योंकि एक एक प्लेयर यहाँ पर बहुत ही उम्दा खेलने वाले, और यहाँ पर एक एक प्लेयर यहाँ पे मजा हुआ प्लेयर है। और इस चीज का अंदाजा हर टीम को ऑलरेडी है। यहाँ पे टीम्स अपने अपने स्पॉट तरफ जाती हुई यहाँ पर एक काफी ज्यादा ओके यहाँ पर अगेन जो कुछ जो रेंगल का ऊपर कैसे जो स्टेलबर्ग अकमेशी वाली साइड पर इतना रुझान नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली मैंने पहले कहा कि आपको यहाँ पे व्हीकल ढूंढनी है, व्हीकल ढूंढ के आपको अपने स्पॉट पर जाना है, अपने स्पॉट पर जाके आपको लूट करनी है। और सबसे पहले आपको फाइट यहाँ पर डेफिनेट नहीं लेनी, लेकिन यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्लेयर, तो आप स्टार्टिंग में फाइट लेने से कतराएंगे तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी टीम को लेके चलना है, आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है, आपको यहाँ पे चिकन निकालना है, आपको यहाँ पे किल्स निकालना है, क्योंकि एक एक किल आपको यहाँ पर पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पायदान में पहुंचने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है जी। यहाँ पर जी हमारे सामने स्क्रीन पे सबसे पहले हमारी टीम सीडी का स्क्वाड यहाँ पर जो है यहाँ पे लैंड होता हुआ अगेन यहाँ पे हमें नजर आया केएनके का स्क्वाड। केएनके एक प्लेयर यहाँ पे व्हीकल पे जा रहा है, जैसे ही मैंने पहले कहा था कि जो यहाँ पर टीम जो है यहाँ पे व्हीकल को चाहिए होगा, आपको व्हीकल्स पे जाना है। और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पर बेशुमार टीम्स जो है यहाँ पे आपको व्हीकल्स लेके जाती हुई नजर आएंगी। आपको यहाँ पे लूट करनी है और अर्ली स्टेजेस में फाइट ना हो डेफिनेटली आपको व्हीकल्स लेके अपने स्पॉट पे जाना है, लूट की जाएगी। और लूट के लिहाज से आपको यहाँ पे काफी एक्सटेंसिबल तरीके से आपको यहाँ पे लूट करनी है, आपका स्पॉट यहाँ पे आपने अपने स्पॉट पे जाना है। यहाँ पे सिटी का स्पॉट देखा जाए साथ एक ही स्पॉट पे उतरे, काफी हमें एक नॉर्मल जो अपना एक बिहेवियर देखने को मिलता है स्क्वाड का, क्या कोई ना कोई एक प्लेयर जो होता है उसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, एक अलग स्क्वाड पे उतारते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे सेफ रखने के लिए। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होती है, अगर यहाँ पे कोई फाइट होती है, तो यहाँ पे सिटी का स्क्वाड जो है अगेन नेट किया जा रहा है, लगता है यहाँ पे किसी को स्पॉट किया है। और जी हाँ, यहाँ पे नेट किया जाएगा 3-2-1, यहाँ पे एक बेहतरीन नेट किया, बट यहाँ पे देखते हैं जी कि यहाँ पे कुछ नेट का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सिटी रेड नॉट जो है वो वापस यहाँ पर बैक फुट पर जाते हुए, और यहाँ पे अगर वाईटीएफ स्क्वाड की बात की जाए तो वाईटीएफ स्क्वाड भी यहाँ पे मिलता में नजर आ रही है। यहाँ पे अनकरीब कहीं ना कहीं इनकी फाइट देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेजेस पे अगर इनकी फाइट होती है तो एक से बढ़कर तगड़े प्लेयर है यहाँ पर, एक तगड़ा स्क्वाड है, दोनों तगड़े स्क्वाड है। आप यहाँ पर किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त यहाँ पे नहीं कर सकते। आप एक प्लेयर अगर आपका यहाँ डाउन होता है, आपका मोरल डाउन होता है, आपका यहाँ पे गेम प्ले डाउन होता है, आपके यहाँ पे एक टोटल पैनिक सिचुएशन बन जाती है। उस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको साथ-साथ करने पड़ेंगे। सिटी रेड नॉट है वो थोड़ा सा और करीब जाते हैं वाईटीएफ के, यहाँ पे फाइट देखने को मिल जरूर सकती है। इस बात का अंदाजा यहाँ पे सिटी स्क्वाड को है, क्योंकि जब ये लैंड कर रहे थे तो काफी स्क्वाड ऐसे थे तो यहाँ पे व्हीकल लेके जा रहे थे, और कुछ स्क्वाड ऐसे थे उन्होंने यहीं पे बसेरा कर लिया मिलता भी। और अगेन यहाँ पे सिटी रेड नॉट ने यहाँ पे एसकेएस उनके पास, लेकिन उन्होंने अभी तक उस प्लेयर को भी बिल्कुल आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला यहाँ पे सीन नहीं हुआ। उन्हें स्टिल वो यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेयर ऐसा है जो यहाँ पर घात लगाए बैठा है और किसी वक्त उनके स्क्वाड के प्लेयर को डाउन कर सकता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे जिस प्लेयर की बात कर रहा था उसी प्लेयर पे यहाँ पर पीओवी आता हुआ, और पीओवी यहाँ पर आते यहाँ पे सिटी रेड नॉट की मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे अगेन बाइजन से यहाँ पे फाइट यहाँ फायर करते हुए रेड नॉट को अब इनकी लोकेशन कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे ये देखना बाकी कि सिटी का स्क्वाड तो नो डाउट यहाँ पे बीपीआर की जो नैनो ओपी को यहाँ पे उन्होंने घेरे में ले लिया, लेकिन यहाँ पर
नैनो ओपी जो है क्या उनकी टीम जो उनके बाकी स्क्वाड की जो है वाईटीएफ की क्या उनको अंदाजा है क्योंकि जहाँ पे काम सिटी मेचर भी यहाँ पे फायर लिया गया लेकिन सिटी मेचर यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को बचाने में कामयाब हो जाएंगे बैकफुट से सिटी रेड नॉट सी रेड नॉट पास लेकिन वाईटीएफ की तरफ से जो यहाँ पर जो घेरा है वो तंग हो रहा है नैनो ओपी जो है वो सिटी विचर को यहाँ पे घात लगाए बैठे सिटी विचर को उन्होंने उनके बाकी टीममेट को देखा हुआ है लेकिन यहाँ पे सिटी रेड नॉट को अंदाजा शायद नहीं है कि वाईटीएफ का स्क्वाड के करीब आ रहा ब्रांड उनके पास पहुंच चुके हैं जी और यहाँ पर अगेन नैनो ओपी को कहीं ना कहीं सहारा क्योंकि टीममेट उनके पास आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही अब यहाँ पे बोल्ड तरीके से अपनी बिल्डिंग से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहाँ पे सिटी को यहाँ पे स्क्वाड के लिए सिटी फ्यूरी उनके सामने और सिटी फ्यूरी यहाँ पर आई थिंक सिटी फ्यूरी ने अंदाजा और सिटी रेड नॉट की कॉल को यहाँ पे मद्देनजर रखा हुआ है कि सिटी रेड नॉट ने कहा है कि सिटी फ्यूरी को कि यहाँ पे नैनो ओपी है पिछली बिल्डिंग में और यहाँ पर लेकिन सिटी फ्यूरी को अंदाजा ये नहीं है कि यहाँ पे जो वाईटीएफ का स्क्वाड भी उनके करीब आ रहा है हियरिंग डेफिनेटली होगी अगेन सिटी फ्यूरी जैसे कि मैंने कहा था रेड नॉट की तरफ से कॉल आ चुकी है कि यहाँ पे नैनो इस बिल्डिंग में है तो आप थोड़ा सा वहाँ से कवर करें क्योंकि अगर यहाँ पर अगेन क्लोजिंग की ये रेड नॉट ने यहाँ पे फुल स्टेप यहाँ पे नैनो के फ्यूरी को डाउन कर दिया गया फ्यूरी का नुकसान यहाँ पे बैकफुट से वाईटीएफ है वाईटीएफ को यहाँ पे खतरा कुछ रेड नॉट डाउन किया कि यहाँ पे आईजीएल को फुल फिनिश किया जाएगा यहाँ पे किसी किस्म का मौका नहीं दिया जाएगा मैंने पहले कहा अगर आपके सामने एक प्लेयर नॉक पड़ा है नॉक पड़ने के पड़ा होने के बाद यहाँ पर फुल फिनिश ही करने की आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अगेन सिटी फ्यूरी यहाँ पे डाउन है सिटी के दो प्लेयर को आपको नुकसान उठाना पड़ेगा नैनो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दो प्लेयर को डाउन किया यहाँ पे जो वाईटीएफ का स्क्वाड है उन्होंने बैक से यहाँ पे भरम बनाए रखा है यहाँ पे उन्होंने काफी ज्यादा अगेन सिटी फ्यूरी का किल यहाँ पे कन्फर्म किया मैंने स्टार्टिंग में हमने इस चीज को हमने यहाँ पे जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे अगर आपको प्लेयर कोई नॉक नजर आता है तो ऐसा ये मैप है ऐसा एक मैच है जहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग में आपको पोजीशन देनी है आप अपना टूर्नामेंट का स्टार्ट है यहाँ पे आपने अपने पोजीशन लेनी किल्स यहाँ पे निकालना है यहाँ पे कोई ना कोई आपको पायदान पे आना है अगेन नैनो ओपी यहाँ पर दो किल्स निकालने में कामयाब दो बड़े स्क्वाड के बड़े नाम मैंने पहले कहा कि अगर एक प्लेयर भी डाउन हो तो आपकी टीम पैनिक सिचुएशन में आ जाती है और यहाँ पे दो प्लेयर सिटी के स्क्वाड के डाउन हो चुके हैं अगेन सिटी विचर है और सिटी जैनी जो है वो यहाँ पर अगेन सिटी जैनी विचर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और वो अब किसी किस्म का भी फ्रंट फुट पे आना नहीं चाहेंगे क्योंकि अगेन दो प्लेयर गवा चुके हैं और वाईटीएफ को इस चीज का अंदाजा है कि अगर पास में सिटी का स्क्वाड होता तो उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है वाइजियन के स्क्वाड की तरफ आया जाए तो वो किसी किस्म के अभी फाइट में नहीं है मैंने स्टार्टिंग में बोला आप स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप यहाँ पे फाइट में से आप इग्नोर करेंगे आप कोशिश की जाएगी स्टार्टिंग में फाइट ना ही लीजिए क्योंकि आपको सर्वाइव करना है आपको यहाँ पे लूट करनी है और लूट करने के बाद ही आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे लेवल 3 है ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको लड़ने के लिए लेवल 1 है तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर हिचकिचाहट होती है नो डाउट आप एक स्क्वाड के साथ सर्वाइव करें वाइजियन का प्लस स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है रॉस वॉक में है जी लेकिन यहाँ पर अगेन जो वाइजियन खान एक्सप्लॉइट है अपनी टीम में थोड़ा सा हट के यहाँ पे लूट कर रहे हैं लेकिन हाइट पे ऑलरेडी एक टीम है अगेन अगर हम रॉस वॉक को देखा जाए वाइजियन के स्क्वाड की बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो वाइजियन अकेले नहीं है वाइजियन को अंदाजा है कि यहाँ पे कहीं ना ESR वाले पास में मौजूद है और TMG भी उनके पास में ESR की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे ESR वाले जो है बैकफुट पे जा रहे हैं थोड़ी सी रोटेशन ले रहे हैं क्योंकि उनको उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्होंने अपना स्पॉट कर लिया होगा रॉस वॉक पे ऑलरेडी दो प्लेयर है और दो टीम्स हैं वहाँ पर TMG की टीम भी है वहाँ पे वाइजियन भी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और वाइजियन जो है वो भी किसी किस्म की फाइट नहीं है और ना पे गेन यहाँ पे बुलेट्स का यहाँ पे बोचवाड़ की जरूरत लेकिन खान वाइटी को बचाने में कामयाब स्पॉट कर लिया गया क्लोजिंग कर ली गई वाइजियन खान वाइटी बैकफुट पे जा रहे हैं कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या सिनेरियो आई थिंक यहाँ पे वन एंड ओनली स्क्वाड है नॉट TMG वन एंड ओनली स्क्वाड है यहाँ पे ओके यहाँ पे अगेन खान वाइजियन खान वाइटी यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं और अगेन only again one only I think ये one and only है ओके यहाँ पे बिल्कुल क्लोज यहाँ पे TMG कैप्टन बिल्कुल वाइजियन खान वाइटी के बिल्कुल पास में टक्कर का मुकाबला हो सकता है क्योंकि यहाँ पर खान वाइटी बैकफुट पे जा जरूर रहे थे लेकिन यहाँ पे गोलियों की बौछार है जिसने यहाँ पे वाइजियन खान को रोक लिया वाइजियन खान यहाँ पे आई थिंक अकेले ही है जो बिल्कुल सामने बाकी बैकफुट से सपोर्ट जरूर आ जाएगी यहाँ पे मॉलिश की जा रही है नेड की जा रही है यहाँ पे खतरनाक हो सकता है वाइजियन खान के लिए कि बिल्डिंग एक है गहरा हो यहाँ पे घेरा तंग किया जा रहा है नेट्स आएंगे मौली आएगी वहां पे अगेन ये घुस चुके हैं यहाँ पर वजीर खान के यहाँ पे क्लच निकाल रहे हैं यहाँ पे एक टेकडाउन खुद यहाँ पर डाउन हो जाएगी और यहाँ पे अगेन तो फुल फिनिश करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर अपनी टीम को भी अपनी टीममेट को भी यहाँ पे रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट दो प्लेयर यहाँ पे डाउन है
यहाँ पे दो वाइजियर की बाकी तीन प्लेयर भी यहाँ पे क्लोजिंग की जा रही है अपना एक टीम मेट का बदला रिवेंज देने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग की जा रही है। यहाँ पे होश न खो दे कहीं जोश में खेलने वाला वो सैनी होगा कि क्लोजिंग की गई यहाँ पे वाइजियर की और यहाँ पे वाइजियर हादी आ चुके हैं। वाइजियर हादी के साथ यहाँ पे टीएमजी का स्क्वाड अगेन नेड किया जा रहा है। नेड अगर सही परफेक्ट अगर यहाँ पे पैनिक रूम में किया गया तो वहाँ पे काफी पता है एक प्ले डाउन यहाँ पे उनके पास अगेन यहाँ पे एक प्ले डाउन किया गया लेकिन खान को बचाने में कामयाब और यहाँ पर बूम एक और प्ले डाउन यहाँ पे वाइजियन जो है अपने एक प्लेयर का यहाँ पे रिवेंज देने वापस आ गए यहाँ पे बैकफुट पे जा सकते हैं सेफ गेम पे यहाँ पे प्रायोरिटी लेकिन यहाँ पर अपने टीम मेट का यहाँ पे रिवेंज को इन्होंने प्रायोरिटी रखा है। खान वहाँ डाउन है वहाँ पे वाइजियन के यहाँ पे हादी डाउन है हादी को यहाँ पे फुल फिनिश कर दिया गया हादी को यहाँ फुल फिनिश किया अगेन वाइजियन फराज जो है वो यहाँ पे एएफके है और यहाँ पे वो किसी किस्म की फाइट नहीं है। यहाँ पे एक जो प्लस पॉइंट एक हो सकता है कि वाइजियन का जो एक प्लेयर जो यहाँ पे एएफके है कहीं ना कहीं उनको इस लिहाज से प्लस पॉइंट हो सकता है कि वो यहाँ पे सर्वाइव शायद उनकी टीम ज्यादा देर कर जाए क्योंकि वो किसी किस्म की मूवमेंट नहीं देंगे तो यहाँ पे स्पॉट करना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। एक प्लेयर का नुकसान टीएमजी फाइटर यहाँ पे हुए फिनिश हो गए तीन प्लेयर यहाँ पे बाकी क्या यहाँ पर टीएमजी फाइटर जो आखिरी उनके चौथे प्लेयर है जो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं क्या इनका नुकसान उनको आखिरी दम तक होगा या नहीं। वाइजियन जो है यहाँ पर उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि तीन प्लेयर नॉक एक प्लेयर एएफके है एएफके बिना अगर हाँ जोन इन पे अगर इन पे बनता जाएगा कंटिन्यूसली अगर इन पे जोन बनेगा तो कहीं ना कहीं वाइजियन जो है यहाँ पर टॉप 10 में या टॉप 5 में शायद आ जाए क्योंकि यहाँ पे इनका एक प्लेयर यहाँ पे एएफके है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम ओनली स्क्वाड की बात की जाए ओनली स्क्वाड ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मौका नहीं छोड़ा यहाँ पे जिस तरह उन्होंने पहला किल निकाला था उसके उस तरह ही उन्होंने बाकी किल्स भी डाउन किए यहाँ पे इमोशनल नहीं हुए यहाँ पे बिल्कुल होश नहीं हुए अपनी गन पावर यूज किया। अगर हम मैप को देखा जाए तो मैप टोटली यहाँ पे लिपोव का या शेल्टर की जाने भी यहाँ पे कवर्ड ले चुका है। डीएसपी का स्क्वाड आउट ऑफ जोन है आपको जोन में आना स्टार्टिंग का जोन है इतना खास यहाँ पे डैमेज तो नहीं यहाँ पे पड़ेगा लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा था वाइजियन फराज की बात कर रहा था वो इज आउट ऑफ जोन अगर इस तरह एएफ के रहे तो यहाँ पे वाइजियन का स्क्वाड यहाँ पे इलिमिनेट हो सकता है। यहाँ पर अगर एक हार्ड एक्स के स्क्वाड की बात की तो वो भी आउट ऑफ जोन है लेकिन अगर हम विद इन जोन की बात की जाए जोन में जैसे ही जोन ने करवट लिया यहाँ पर जो टीम्स हैं उनकी भी यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी टीएमजी कैप्टन जो अभी रिसेंटली इनके स्क्वाड अभी फाइट पे थे अभी वापस से यहाँ पे एक गेन रोटेशन ले रहे हैं लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं उनके सामने ईएसआर है गेन यहाँ पे यू टर्न लिया और यहाँ पे ईएसआर के स्क्वाड यहाँ पे गाड़ियां निकालते हुए और यहाँ पे प्लेयर किया जाएगा क्या यहाँ पे देखा मैं क्या एक ने टीएमजी कैप्टन को गाड़ी से उतार दिया गया यहाँ पे बिल्कुल नाक के पास यू टर्न लिया दो प्लेयर बच के एक प्लेयर का यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा। ईएसआर बीस्ट बेहतरीन स्प्रे यहाँ पे किया और बेहतरीन स्प्रे करने का यहाँ पे एक प्लेयर डाउन किया दो खुद को बचाने में कामयाब। अब उनको और भी सतर्क होके और भी यहाँ पे एक्टिव होके और भी यहाँ पे फोकस होके खेलना पड़ेगा। ईएसआर टीम यहाँ पे गेन वो भी रोटेशन की जाने जाती हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ईएसआर को यहाँ पे अंदाजा यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा जिस तरह टीएमजी के स्क्वाड यहाँ पे उनकी बिल्कुल पास रोटेशन की या यहाँ पे ईएसआर के साथ भी वो स्नैरियो ना हो जाए। ईएसआर को अंदाजा जरूर है कि यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन किया लेकिन वो अगेन वापस नहीं गए उनके साथ फाइट लेने के लिए कि यहाँ पे आपको सरवाइव भी करना है आपको पॉइंट एक मिला आपको यहाँ पे आपको चिकन को भी निकालना है यहाँ पे चिकन के लिए भी खेल रहे हैं नॉक जहाँ पे निकलेगा वापस नॉक के लिए खेलेंगे। तीन यहाँ पे किल्स अपने बैक पैक में डाल चुके हैं ओनली का स्क्वाड लेकिन यहाँ पर अगेन दो प्लेयर्स जो हैं उनका भी यहाँ पे नुकसान उठा लिया टीएमजी कैप्टन टीएमजी फाइटर यहाँ पर इलिमिनेट हो चुके हैं अगेन दो प्लेयर यहाँ पे बहुत ही अब इनको फोकस होके खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि अब ईएसआर की अगर बात की जाए जो ईएसआर जिन्होंने यहाँ पे टीएमजी कैप्टन को डाउन किया उनको अंदाजा था कि एक प्लेयर को डाउन किया लेकिन उन्होंने बैक रश नहीं किया। बैक रश करने से यहाँ पे डेफिनेटली एक ही चीज जो मैसेज कन्वे होता है वो ये है कि दे आर प्लेइंग फॉर चिकन डिनर यहाँ पर किल निकल आया तो यहाँ पे एक वो एक गनीमत है लेकिन एंड जोन में फाइट जरूर होंगी। यहाँ पे अगर हम मैप पर देखा जाए मैप जो है लिपोव का और शेल्टर की तरफ यहाँ पे स्क्वीज होता हुआ यहाँ पे देसी का स्क्वाड यहाँ पे गेंद देसी के स्क्वाड की अगर बात की जाए तो देसी के भी दो प्लेयर यहाँ पे इलिमिनेट है और एक किल अभी तक अपने बैक पैक में डाल चुके हैं देसी सैम वाइट यहाँ पे लूट कर रहे हैं। आई थिंक रिसेंटली ही इन्होंने किसी फाइट में यहाँ पे उन्होंने फाइट की और फाइट के बाद अब लूट और टॉप प्रायोरिटी होगी। आप यहाँ पे लेवल 3 हैं लेवल 3 होने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे आप फाइट लेते वक्त अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा फाइट लेने से पहले ये इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आप लेवल ऑलरेडी आप लेवल 3 पर हैं। ईएसआर की बात कीजिए सेफ पोजीशन पर आ गए
यहाँ पे एक किल निकाल लिया, यहाँ पे एक किल ने कहीं ना कहीं उनका मोराल, कहीं ना कहीं उनको उनका यहाँ पे हौसला यहाँ पे बढ़ा होगा। लेकिन राइट नाउ अगेन ये एसआर पे काफी यहाँ पे एक्टिव होके खेल रहे। मैंने पहले कहा कि इनको यहाँ पर चिकन के लिए खेलना है और वो बातें यहाँ पे हो रही है कि उन्होंने किल करने के बाद टीम के बैक पे नहीं गए। अगेन अगर के एन के स्पॉट जाने में तो के एन के हबशी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे तीन पे यहाँ पे सर्वाइव करे देसी। यहाँ पे सैम वाइटी की बात की जा रही थी कि रिसेंटली अभी फाइट में थे और उन्होंने यहाँ पे अभी प्लेट टूटा है, लेकिन उनको अंदाजा है देसी को कि के एन के भी उनके सामने है और के एन के को अंदाजा है कि देसी का स्क्वाड उनके सामने है। यहाँ पे देसी सैम वाइटी वहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर होगा, उनके दो प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन के एन की के एन के यहाँ पे तीन प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने पहले कहा एक एक प्लेयर आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक प्लेयर यहाँ पे बिल्कुल मैच का सिनेरियो चेंज कर सकता है, मैच का यहाँ पे करवट हो सकती है। देसी सैम वाइटी यहाँ पे एक किल, अगर आप थोड़ा सा अगर मैप को देखें, अगर यहाँ पे मैप को देखें तो मैप लिपोवका की तरफ और शेल्टर को कहीं ना कहीं अपने घेरे में है, तो यहाँ पर देसी और जोन स्क्वीज होगा। यहाँ पे अगेन 16 टीम्स यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, मैप यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, स्टिल काफी ज्यादा यहाँ पे टीम सर्वाइव कर रही है। काफी आई थिंक जो भी किल्स का जो यहाँ पे होगा सीन वो बिल्कुल लास्ट में हमें देखने को मिलेगा। एक काफी यहाँ पे एक गोलियों के बौछार अनकरीब हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे गेन तीन किल्स यहाँ पे लेकर ओनली का स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है और यहाँ पे ओनली हैरी और यहाँ पे क्यूट खान जो है बिल्कुल एक कुछ फासले पर है। अगर ओनली हैरी पे यहाँ पे अगर रश होता है तो वहां से क्यूट खान कोई ना कोई किल्स निकालने में यहाँ पे कोई ट्राई जरूर करेंगे, और अगर क्यूट खान पे अगर कोई रश होता है तो ओनली हैरी वहाँ पे किल निकालने की कोशिश की जाएगी। उनका 12 के उनके पास एक बेहतरीन पटखा यहाँ पर देंगे और यहाँ पर लेकिन डेफिनेटली आपको आपके जिगल है, आपके यहाँ पे स्किल्स हैं, आपके यहाँ पे एक स्क्वाड का एक यहाँ पे आप पे प्रेशर होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी चाहे आपके पास 12 के हो या आपके पास जो भी ऐसा एक रोजा जैसी डेडली गन्स हो, आपका यहाँ पे पैनिक ना होना ही आपकी इस बात की निशानी है कि आप वहाँ क्लचेस निकाल सकते हैं, आप मैच के यहाँ पे टॉप फ्रैगर बन सकते हैं, मैच के यहाँ पे बिल्कुल एक शक्ल ही बदल सकते हैं। क्यूट खान के सामने जो कार जो है जो एनिमीज है रोटेशन ले रहे हैं, लेकिन क्यूट खान को अंदाजा है कि यहाँ पे किसी किस्म का फायर नहीं करना, किसी किस्म की लोकेशन नहीं बतानी, और आई थिंक कहीं ना कहीं जो उनके सामने एक एनिमी ने रोटेशन ली है वो एक बेट बन रहे हैं। अगेन यहाँ पे पिरो वीएक्स जो है जो यहाँ पे बेट अगेन ओनली हैरी को डाउन किया बिना कोई यहाँ पे टाइम जाया किए क्लोज इन कर रहे हैं। क्यूट खान को अंदाजा है कि यहाँ पे पिरो उनके सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन क्यूट खान को डिसएडवांटेज, मैंने पहले कहा था आपका एक एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो प्लेयर यहाँ पे गंवा चुके हैं, यहाँ पे स्क्वाड का रश हो चुका है, मॉली की गई, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोका जाएगा, यहाँ पे पास ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन नेट्स की यहाँ पे बारिश होगी, एक नेट पिरो वीएक्स यहाँ पे नेट कर एक परफेक्ट नेट पैनिक रूम में करना चाह रहे, लेकिन पैनिक रूम में यहाँ मौजूद नेट क्या पैनिक रूम के पास से एलिमिनेट होगी ओनली स्क्वाड। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने डिवाइड एंड कंकर रूल को यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे ओनली हैरी को यहाँ पे डाउन करने के बाद फोरन फोरन रश किया। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे क्यूट खान का पीओ भी देख रहे थे, तो यहाँ पे उनके सामने पिरो ने किस तरह यहाँ पे रोटेशन ली, कहीं ना कहीं उनको बेट बनाने का एक बेहतरीन यहाँ पे एक स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी में कामयाब हुए। अगेन बिल्टा कहीं ना बिल्टा और यहाँ पे शेल्टर के पास की जो टीम्स हैं वो उनकी रोटेशन आसान हो जाएगी, लेकिन आप इस जोन से बाहर है। अगर हम मैप को एक दफ़ा एनालाइज किया करें तो यहाँ पे वाइजियन फ्रास जो है वो यहाँ पे एएफके से आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जोन की बाउंड्री के साथ आ रहे हैं और ये एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है। आपके आपके पास चंद एक कुछ रेज होते हैं जिसके बिहाफ पर आप यहाँ पे गेम प्ले करते हैं, या तो आप ये बिल्कुल जोन की बाउंड्री पर चलते हैं या आप बिल्कुल अपना घुस के फटने वाली आपके एक एक रश गेम पे आपका साइड होता है। तो यहाँ पर जो वाइजियन फराज में वो क्योंकि सोलो है, वाइजियन फराज यहाँ पे एक बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ बिल्कुल जोन के साथ साथ चलते हुए हैं, ज्यादा रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे फोन का डैमेज ना, सिटी का जैनी और विचर भी यहाँ पे फोन की फोन में आने की कोशिश करें। अगेन यहाँ पर जो 4K का स्क्वाड जो है उनके उनकी भी यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है। ESR जो है ESR यहाँ पर 20 FP अपने टीममेट के मॉन्स्टर को यहाँ पे रिवाइव करें। ESR थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की कि उन्होंने जिस तरह TMG के स्क्वाड स्क्वाड आगे आगे नहीं गए, जहाँ पे वो यहाँ पे एक रश गेम देखिए फाइट हो रही है डाउन की जगह। यहाँ पर अगेन यहाँ पे नॉर्थ के स्क्वाड पे इस साल यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से किल्स निकालते हुए 4 किल्स अपने बैक पैन पे डाले हैं, अब इनको यहाँ पर किल्स निकालने हैं।
क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आर या पार ही कंडीशन है। ESR एक बेहतरीन तरीके से अपने पूरे स्क्वाड को यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, इतनी गंद पावर के साथ यहाँ पे खेला चाह रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी इनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें कामयाब होती नजर आ रही है। टैप कर दिया जाएगा यहाँ पे अगेन, लेकिन नॉट ओनली यहाँ पे अपनी यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, स्मोक किया गया उनके पास क्योंकि व्हीकल की बैक में उनका सर्वाइवल चल रहा है, लेकिन ESR जो है उनका स्क्वाड यहाँ पे काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ESR यहाँ पर अगेन 6 kills निकालने में कामयाब। किल्स की बात की जाए तो मैंने पहले कहा था किल्स तो आ ही जाएंगे, लास्ट के जोन में होंगे, तो लास्ट के जोन में उनको लूट भी मिल गई है, लास्ट के जोन में उनको किल्स भी मिल गए। अब आपको यहाँ पे अपने यहाँ पोजीशन के लिए खेलना है, यहाँ पे 6 kills अपने बैकपैक में डाले, उसके बाद आप एक पोजीशन भी दे रहे हैं, साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। आपको यहाँ पे गन पावर नजर आ रही है, यहाँ पे अगेन अगर हम यहाँ पे 4K स्क्वाड की बात की जाए तो 4K यहाँ पे अगेन तीन किल्स निकाल चुके हैं। अगेन ESR की तरह इनकी स्ट्रेटजी भी किल्स पे इतना हार्डेस्ट के प्लेयर भी इनके साथ VK फ्यूरी YT का अगर हम भी देखें, एक किल निकाला है इन्होंने। यहाँ पर अगेन सेफ गेम प्ले, बैकफुट पे रह के खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे पोजीशन भी निकालनी है, आपको यहाँ पे किल्स भी निकालने। किल्स तो बहरहाल लास्ट जोन होगा, जब जोन स्क्वीज होगा तो किल्स तो आपको ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी फाइट में पड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे चिकन के लिए भी तो आपने उस चीज को मद्देनजर रखना है। वाइजन फ्राज को देखा जाए, अगर हम मैप को देखा जाए, मैप हमारे सामने रेक्स का ESR का स्क्वाड है, वो कहीं ना कहीं उनकी पोजिशन कुछ ऐसी है कि वो ओवरऑल अब 360 एंगल से अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। रेक्स आर जो है वो जोन में है, लेकिन यहाँ पे ESR यहाँ पे बिला को यहाँ पे स्पॉट किया गया और एक बेहतरीन यहाँ पे स्पॉट किया गया अगेन, लेकिन यहाँ पे जोन से बाहर है। जोन से बाहर हो तो आपको ESR के अगर देर यहाँ पे स्पॉट करें तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ESR बिला ने यहाँ पे 4 kills अपने बैकपैक में डाली, ESR अपने स्पॉट में, बिला अपने किल्स के लिहाज से देखा जाए यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और डेफिनेटली अभी आप रेक्स के प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट किया, उस लिहाज से हमें बिला की परफॉर्मेंस को हम एक एज अ होल हम काउंट कर सकते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही होगी। अगेन अगर वाइजियन फराज की तरफ देखा जाए तो वाइजियन फराज को यहाँ पे जोन की बाउंड्री पे चलने वाली जो स्ट्रेटजी है उस चीज पता नजर, लेकिन यहाँ पे वाइजियन फराज में उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतनी जल्दी भी जोन के बाहर लोग कहीं ना कहीं स्टे कर रहे हैं। जोन की बाउंड्री पे सिर्फ वो खुद नहीं खेल रहे, और भी लोग एक करवट ले चुका है जहाँ पे बिल्कुल जोन बिल्टा को भी यहाँ पीछे छोड़ते हुए, प्रिजन शेल्टर को भी यहाँ पे बिल्कुल साइड पे करते हुए, बिल्कुल एक यहाँ पे रिजिस यहाँ पर आ चुकी हैं। छोटे छोटे शेक आपको नजर आएंगे, छोटी छोटी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे कुछ घर नजर आएंगे, आपको प्रॉपर यहाँ पे एक कोई जोन नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको रिज है, कोई अप्स एंड डाउन यहाँ पर है, आपको यहाँ पे दरख्त का यहाँ पे कवर है, यहाँ पे पत्थर का कवर है, इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम लावा हार्डेस्ट स्पॉट बात की जाए, ठीक है, उसके भी दो प्लेयर यहाँ पे डाउन है, दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। बात है सारी रोटेशन की, बात है सारी यहाँ पर आपके फोन के करवट लेने की। आप यहाँ पर रोटेशन ले रहे हैं, रोटेशन लेते हैं आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका बिल्कुल रोटेशन के दौरान कोई आपको स्पॉट ना करे, वरना यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर फोन से बाहर हैं, अगर आप फोन से बाहर हैं और आप फोन में जाना चाह रहे हैं और आप स्पॉट कर लिया गया तो वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा गेंद यहाँ पे पावा को यहाँ पे अंदाजा हो चुका था कि सामने टीम है, फोन में भी आपको जाना है और बिल्कुल यहाँ पे ब्लिंक ऑफ एन आई क्या कहना चाहूँगा कि आपको फौरन आपको यहाँ पे रोटेशन लेनी है, फौरन एनिमी स्पॉट करके फौरन आपकी गेंद यहाँ पे लावा भी आप पहुँच चुके हैं जी। ओके, यहाँ पर स्क्वाड का रश होने वाला है कि लावा को भागते चोर की लंगोटी से आपको यहाँ पे 2-3 घर मिल तो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ ही देर में अगर आप पे बाकी स्क्वाड्स का भी रश होने वाला है। ESR अपने पूरी गन पावर के साथ अभी तक सबसे यहाँ पे बेस्ट रोटेशन जो है इनकी जान से देखने को मिल रही है, अपनी टीम को भी यहाँ पे सर्वाइव करवा रहे हैं, अपने यहाँ पे किल्स भी अपने बैक पैक डाले। किल्स के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक के टॉप स्कोरर जो अभी किल्स के लिहाज से ESR को काफ़ी एडवांटेज है। अलावा को यहाँ पे कर दिया गया डाउन, और यहाँ पे अगेन ESR मैंने पहले कहा था आप थोड़ी देर के लिए जोन में सेफ करिए, फाइट यहाँ पे पावा की, अगेन लावा तो यहाँ पे एलिमिनेट, लेकिन पावा यहाँ पर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए। और ESR बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बिल्कुल मक्खन में बाल की तरह यहाँ पे टीम्स को यहाँ पे एलिमिनेट करती हुई और खुद यहाँ पे सर्वाइव करती हुई। अगर मैंने पहले कहा किल्स के लिहाज से देखा जाए तो किल्स तो अच्छे खासे अपने समेट चुके हैं, बैक पैक में डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट है पूरे स्क्वाड के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर टीम्स अगर हमें दिखाई जाए कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है और नंबर ऑफ टीम इससे अब टीम्स में से कौन कौन सर्वाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखने में हमें ज़्यादा आसानी हो सकती है कि ESR के अलावा कौन कौन सी अपनी गन पावर के साथ यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। ESR तो फिलहाल अगर देखा जाए ESR तो अपने
गन पावर साथ है ही है, लेकिन यहाँ पे अगेन आई थिंक डीएसपी के सामने के यहाँ पर डीएसपी का आई थिंक स्क्वाड के सामने थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी इशू, लेकिन यहाँ पर बैक फुट से बीके का स्क्वाड कभी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। ईएसआर बहुत खूबसूरत तरीके से 360 एंगल पे यहाँ पे देखती हुई यहाँ पर बीके का स्क्वाड को मद्देनजर रखना है। अगेन यहाँ पर ईएसआर जो 20 एफपी है बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अपने टीम को यहाँ पे होल्ड करते हुए मोस्टर थोड़ा सा अपनी टीम साइड की, मैंने पहले कहा कि कोई ना कोई एक प्लेयर ऐसा जरूर होता है आपकी टीम में जिसको आप उसके साथ रश करते हैं, थोड़ा सा बैक फुट पे रखते हैं, उसको थोड़ा सा अलग ही आप गाइड करते हैं ताकि आप वीडियो भी देख सकें। अगेन यहाँ पे ESR मॉन्स्टर यहाँ पर उनको यहाँ पे वीके का भी पीओवी मिल सकता है। अगर ESR के स्क्वाड पे अगर कोई रश होता है यहाँ पे ESR मॉन्स्टर जो है वो कहीं ना कहीं से दूर से उनको पैनिक कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रबल यहाँ पे दे सकते हैं। अगेन जोन की बिल्कुल बाउंड्री नेट किया जा रहा है, क्या नेट यहाँ पते पर लगेगा या नहीं। अगेन ESP यहाँ पे जो बाबा नेट DSP बाबा यहाँ पे DSP का स्क्वाड, जी बिल्कुल यहाँ पे मेरा अंदाजा ठीक, DSP का स्क्वाड के सामने DSP का स्क्वाड किसी किस्म का भी किल्स तो नहीं निकाल पाए, लेकिन DSP का स्क्वाड अपने पूरी गन पावर के साथ यहाँ पे सर्वाइव जरूर कर रहा है। यहाँ पे DSP का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल अगेन ESR यहाँ बिला को देखा जाए, बिला यहाँ पे डाउन है, जो अभी तक मैक्सिमम किल्स बटोरने में जो कामयाब हुए थे वही प्लेयर यहाँ पर नॉक फिनिश हो गए। अब यहाँ पे तीन, लेकिन जिस सिचुएशन में जिस सिनेरियो में जिनका एक प्लेयर डाउन हुआ है यहाँ पर यहाँ तक सर्वाइव कर जाना अपनी पूरी गन पावर के साथ पूरे स्क्वाड के साथ, ये बहुत बड़ी बात। बीके का स्क्वाड जोन में ESR जो है उनका स्क्वाड भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे एफर्ट के बाद जोन में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वाइजर फराज को एलिमिनेट कर दिया। फराज यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ थे, अब है जी लॉबी की नजर हो चुके हैं और यहाँ पर वीके का स्क्वाड फ्यूरी के यहाँ पे दो किल, अगेन वीके का स्क्वाड हार्डएक्स के स्क्वाड प्लेयर जो है वो भी यहाँ पर के साथ शमूलियत, एक प्लेयर किल उनका वीके, बाकी तीन किल्स वीके, दो एक यहाँ पे चार किल्स अपने बैक पैक ला चुके हैं। DSP का स्क्वाड अब उनको जोन में आना है, एक प्लेयर का यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा, एक प्लेयर का यहाँ एक प्लेयर का नुकसान उठाना पड़ा, जोन में आना है। DSP बाबा जो है वो कहीं ना देसी सैम पे चले गए, देसी सैम और DSP बाबा की आपस में फाइट है, DSP सैम और एक यहाँ पे फाइट, लेकिन KNK की भी यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक प्लेयर अकेला प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहा, तीन प्लेयर यहाँ पे डाउन है और उनके सामने सिटी ज़ेनी, अपना सिटी का स्क्वाड स्टिल दे आर सर्वाइविंग, ज़ेनी यहाँ पे डाउन है, इट मींस कि यहाँ पर जो सिटी विचर में वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि सिटी ज़ेनी फुल फिनिश नहीं हुए और सिटी ज़ेनी को फुल फिनिश नहीं किया। अगेन यहाँ पे जोन का डिसएडवांटेज आपके MK का जरूर, आपके पास MK गन पावर है, लेकिन आपको सिटी विचर को भी डाउन किया गया, यहाँ पे बैक से वीके का स्क्वाड आ गया और यहाँ पे सिटी विचर जो है वो यहाँ पे बीच में सैंडविच होते हुए और सिटी का स्क्वाड का भी सफर इस मैप में बस यहीं तक था। बीके का स्क्वाड बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए और यहाँ पे अगेन चार यहाँ पे चार किल्स निकाले हैं, वीके फ्री के दो किल्स हैं और इसके बाद DSP के स्क्वाड को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया। DSP के स्क्वाड जो है वो यहाँ पे जोन खेल रहे हैं, उनका एक प्लेयर का उनका नुकसान जरूर हुआ, आई थिंक देसी सैम ने एलिमिनेट किया, जोन बिल्कुल यहाँ पे श्रिंक हो चुका है। यहाँ पे बीके का स्क्वाड, DSP का स्क्वाड, ESR का स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग से जिन्होंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत से रोटेशन यहाँ पे जिन टीम से देखने को मिली है वही टीम जहाँ पे आपको लास्ट तक देखने को मिल रही है। पीरो की बात की जाए, 5 किल्स के साथ यहाँ पे पीरो किल्स और उनके साथ जो है टीममेट 7 किल्स के साथ यहाँ पे 13 किल्स ओवरऑल इनकी टीम ने यहाँ पे बटोर लिया और किल्स के लिहाज से अभी तक की सबसे यहाँ पर मैक्सिमम किल्स इन्हीं के स्क्वाड के जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको चिकन के लिए निकाल खेलना है, अब यहाँ पे आपको पोजीशन के लिए खेलना है। DK का स्क्वाड अपनी पूरी गन पावर के साथ है, प्लस पॉइंट है, आपको किस एंड पे डेफिनेटली मिलेंगे, आपके बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ स्पॉट या फिर VX को स्पॉट किया गया, यहाँ पे BK का स्क्वाड के पास प्रॉपर गन पावर है, गन पावर यहाँ पे बिल्कुल, कहने का मतलब ये कि पूरी स्क्वाड जब सर्वाइव कर रही है, आपको पता अंदाजा है कि आपका पूरा स्क्वाड हो तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल ये अलग लेवल पे होता है। ESR का एक प्लेयर डाउन हुआ, एक प्लेयर नॉक है, एक प्लेयर फुल फिनिश है और नो मर्सी के यहाँ पे तीन किल्स है। अगेन यहाँ पर क्लोजिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ESR के साथ यहाँ पीरो का स्क्वाड भी है, पीरो के साथ VK का स्क्वाड भी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक यहाँ पे स्लो को कहीं पर सर्वाइव करता नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे दो तीन या चारों प्लेयर ही सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नो मर्सी रिवाइव कर रहे हैं, जोन के बाहर है, डैमेज पड़ेगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पे 20 FP जो है उनको सर्वाइव करते हैं, लेकिन जोन में यहाँ पे ESR का स्क्वाड यहाँ पे फिनिश होगा। बहुत खूबसूरत गेम प्ले, यहाँ पे जोन का डिसएडवांटेज मैंने पहले कहा, आपकी गेम प्ले यहाँ पे एक अलग साइड पे होती है, लेकिन जोन का यहाँ पे करवट लेना बहुत मैटर करता है। यहाँ पे पीरो को यहाँ पे स्पॉट किया गया, VK के स्क्वाड पूरे गन पावर के साथ चारों प्लेयर यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं,
चारों प्लेयर्स को अंदाजा है कि यहाँ पर अगर एक प्लेयर ग्राउंड पर तो कवर फायर आ सकते हैं जी। यहाँ पे वीके वर्सेस यहाँ पे डीएसपी एहतिशाम है जी। डीएसपी आई थिंक सोलो है। अगर डीएसपी की तरफ से पीओवी दिखाया जाए तो यहाँ पे काफी प्लस पॉइंट हो सकता है। डीएसपी की तरफ से अगर पीओवी दिखाया जाए डीएसपी सोलो है। डीएसपी यहाँ पे अगेन डीएसपी शाम की जीरो खेले। वीके फिर यहाँ पे क्लोज जा रहे हैं। डीएसपी शाम नेट को किया लेकिन नेट को करना यहाँ पे उनको महंगा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है। नेट जहाँ पे ज्यादा देर आप सर्वाइव कर पाएंगे अगेन गाड़ी के साथ है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर 3-2-1 यहाँ पर बहुत निकालते हुए बहुत ही बेहतरीन हार्डेस्ट यहाँ पे वीके आरजीआरएस अली के एक इलिमिनेशन। फ्यूरी ने 5 इलिमिनेशन यहाँ पे और डेफिनेटली जिस तरह फ्यूरी यहाँ पे डीएसपी एहतिशाम पे यहाँ पे रश कर रहे थे तो उनके अब किल्स इलिमिनेशन की ब्याह पे आप नोट कर सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही था। ऊपर से अब थर्ड पायदान पे देखें गूगल गेमिंग 8 इलिमिनेशन के साथ इलिमिनेशन तो आपके पास ठीक ठाक यहाँ पे समेट लिए। ईएसआर ने भी समेट लिए, गूगल ने भी समेट लिए लेकिन यहाँ पे पोजिशन निकालने में यहाँ पर डीएसपी हार्डेस्ट का वीके स्क्वाड यहाँ पे कामयाब। 5th पे केएन की है, 6th पे सिटी का स्क्वाड है जी, 7th पे यहाँ पर देसी का स्क्वाड यहाँ पर नजर आ रहा है। और आज का पहला मैच यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे टीम ने सरवाइव किया। जो टीम्स यहाँ पर लग रहा था जिस तरह गन पावर के साथ वो एंड तक सरवाइव कर रही हैं, जिस तरह वो जोन टू जोन जा रही हैं, जिस तरह रोटेशन ले रही हैं उसी तरह, लेकिन रिजल्ट टोटली यहाँ डिफरेंट। वीके के स्क्वाड ने बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे चिकन निकाला है जी। आज का यह पहला मैच यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ कुछ ही देर में हम बढ़ेंगे आज के दूसरा मैच जो कि मिरामार होने वाला है। टोटली अलग सिनेरियो, टोटली अलग मैप, टोटली अलग रिजेस हैं। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी, यहाँ पे आपकी थिंकिंग, यहाँ पे आपके स्पॉट्स डिफरेंट होंगे। अभी कुछ देर बाद हम मिरामार मैप भी जाने बढ़ते हैं, हम लेने जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक, कहीं मच जाएगा, हम हाजिर होते हैं दोबारा।
एक दो फिर से वेलकम बैक है सबका। पहला मैच यहां पर हम सबके सामने हुआ, रोटेशन देखने को मिली यहां पर जोन की कर्विटी। मैंने पहले कहा था जोन में आपको जाना है, ख्वाह कितने ही आपके यहां पे टीममेट्स अलाइव हो, ख्वाह कितने ही आपके पास गन पावर हो, अगर आप यहां पे सही से रोटेशन नहीं कर पाते या आप रोटेशन को कहीं ना कहीं गलत प्रेडिक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे अगर जोन आपके हक में नहीं जाता तो आपकी वहां पे काफी ज्यादा हमें जो नतीज जो है वो यहाँ पे बिल्कुल एक अलग ही यहाँ पे नजर आते हैं। जैसे हम अगर बात की जाए एरेंगल मैप की, तो ESR ने यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पे रोटेशन दी, एक अच्छा यहाँ पे सर्वाइव किया नो डाउट। लेकिन यहाँ पे अगेन दूसरी जाने VK भी कुछ उसी स्ट्रेटजी पे चल रही थी, कुछ उसी अंदाज से यहाँ पे गेम प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। और अब हमारा नेक्स्ट मैच जो हमारा मैप होने वाला है कुछ ही देर में, हम मिरामार की तरफ बढ़ेंगे और मिरामार एक टोटली अलग ही यहाँ पे होने वाला है। एरेंगल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप एक नॉर्मल रूटीन में आप खेल खेल के आप कहीं ना कहीं अंदाजा होता है। मिरामार भी उनमें से एक है जरूर, उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैप जरूर है, लेकिन एरेंगल के बाद ही यहाँ पर अगर बाकी मैप आते हैं तो मिरामार, क्योंकि अब सेकंड मैच पे मिरामार, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा जो टीम्स एरेंगल में परफॉर्म कर रही थी क्या मिरामार भी वैसे ही यहाँ पे अपने जौहर दिखा पाएंगी, वैसे ही गन पावर, वैसे ही यहाँ पे अपना जो उनके टीम मेट्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। रोटेशन मिरामार का बैकबोन है जी, अगर क्योंकि आपको अंदाजा है मैप पड़ा है, आप किसी कोने में भी उतर सकते हैं, किसी जगह भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 से 4 जोन ऐसे होते हैं, अगर आप मैप से बाहर हो, जोन से बाहर हो तो आपको अंदाजा है कि आपकी उस तरह हेल्थ नहीं जाती, क्योंकि आप पे जोन का यहाँ पे स्क्वीज होने का टाइम भी, श्रिंक होने का टाइम भी यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे स्पीड भी कम होती है और आपको जोन में आने का काफी आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल अब इस यहाँ पर टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में मैंने बात की कि मिरामार में जिसने स्टार्टिंग में हाइट पकड़ ली, जिसने स्टार्टिंग में अपने यहाँ पर पंजे गाड़ लिए, तो एक यहाँ पे गोलियों की बोछार जो व्हीकल को यहाँ ब्लास्ट करने में जो अहम किरदार अदा करती है वो यहाँ पर मिरामार में देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ बिलफर्ज अगर किसी टीम में कोई एक प्लेयर ऐसा है जो यहाँ पे मिरामार का एक्सपर्ट है तो उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद होगा। यहाँ पर अगेन स्लॉट लिस्ट में जो हमारे साथ ग्रुप ए में जो टीम्स आज के दिन हमारे साथ जो खेल रही हैं, इधर फिर से अगर उनको देखा जाए तो वाइल्ड टाइगर्स, YTF स्पोर्ट्स, VK लीड्स, देसी ऑफिशियल, टैग मोबाइल, यहाँ पे KNK ऑफिशियल, कट फ्रॉट्स, DSP ऑफिशियल्स, जो यहाँ पर VRSE स्पोर्ट्स, रेक्स ऑफिशियल, और यहाँ पे RE लीड्स हैं, NA7 ऑफिशियल हैं, यहाँ पे नॉट ऑफिशियल हैं, विक्ट्री सीकर्स हैं, ESR ऑफिशियल, सर डिजास्टर, टीम XRS और ब्लैक ऑफिशियल हमारे साथ इस ग्रुप ए में मौजूद हैं। और यहाँ पर अभी यहाँ पर हम ग्रुप ए को देख रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई अंदाजा नहीं हम लगा सकते। रेंगल में तो नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे VK के स्क्वाड ने, DSP के स्क्वाड यहाँ पे दूसरे पायदान में आने में कामयाब हुए। लेकिन यहाँ पे अब ग्रुप ए जी हमारे सामने स्लॉट बनी हुई है, इसमें हम जिस नंबर पे टीम है 16th पे ESR है, हम इस नंबर के ब्याह पे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो नंबर वन पे जो है, नंबर टू पे जो टीम है वही यहाँ पे कुछ हाईएस्ट परफॉर्मर है। ESR ऑफिशियल 16th नंबर पे है, लेकिन जस्ट गेम लाइक अ बग्स बनी और यहाँ पर आके यहाँ पे थर्ड अपना यहाँ पे एक अच्छी खासी पोजिशन यहाँ पे निकाली। किल्स की बात की जाए तो ESR के पास एक अच्छी खासी किल्स बटोरने में कामयाब हुए। VK की बात की जाए, किल्स के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर चिकन डिनर भी निकाला। मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे DSP अतिशाम बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही यहाँ पे फोकस होके और लास्ट तक सर्वाइव किया, उन्होंने एक थर्ड पोजिशन प्ले का पोजीशन एक यहाँ पे चले किल्स के यहाँ पे पॉइंट्स वो उतना हासिल ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे पोजीशन निकालने में और पोजीशन के पॉइंट्स निकालने में कामयाब जरूर होंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर DSP की जानब से हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में स्ट्रेटजी चेंज हो, किल्स की तरफ भी ये बढ़े, लेकिन यहाँ पर आपको जो चिकन डिनर पे आपको जो पॉइंट्स आपको जो बूस्ट मिलता है वो एक नेक्स्ट लेवल होता है। अगेन यहाँ पे ग्रुप ए की स्लॉट लिस्ट हमारे सामने और ये सब लोग, ये सब टीम्स जो है वो मिरामार मैप में अब आमने सामने होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपनी ही प्रेडिक्शन को अगर थोड़ा सा डिस्कस करूँ कि हाइट पे अगर किसी को मिलती है बिफोर टाइम तो वो एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन आपको वहां पर काफी नुकसान भी हो सकता है, आप लोग स्पॉट भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम वापस हम अपना जो हम पॉइंट टेबल की जानेब है, यहाँ पे VRX e-sports में
बोल कि यहाँ पे चिकन तो नहीं निकाला, लेकिन पॉइंट्स अगर टेबल टोटल पॉइंट्स देखे जाए तो 19 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे पहले पायदान में आने में कामयाब। मैंने पहले कहा था यहाँ पर आपको किल्स, एक एक किल कितना इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स टेबल देख ज्यादा हो ही गया होगा। एक प्लेयर अगर आपको बस सामने नॉक पड़ा तो आप फुल फिनिश करोगे, क्योंकि जिस तरह VRX स्पोर्ट्स नंबर 1 पोजीशन पे आई है यहाँ पर पॉइंट्स के लिहाज से, यहाँ पे VK एलीट्स जिन्होंने चिकन जरूर निकाला है, आप देख सकते हैं चिकन उनके पास एक है, लेकिन ओवरऑल टोटल पॉइंट जो अपने बैकपैक में डाल सकी है वो 18 पॉइंट्स है। चिकन के साथ पॉइंट्स किल्स भी निकाले, स्टिल सेकंड उसके बाद ESR ऑफिशियल जो कि इस मैच में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रही है अपनी रोटेशन को लेकर, यहाँ पे तीसरे पायदान पे सो ऑन। यहाँ पे बाकी टीम्स ने भी बहुत ही उम्दा खेला, लेकिन इरेंगल के खाली पॉइंट्स टेबल के बाद हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। यहाँ पे VK एलीट ने परफॉर्म किया, देखिए पॉइंट्स के लिहाज से VK स्पोर्ट्स यहाँ पे टॉप पे है, पॉइंट्स टेबल यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं जी अपने अपने यहाँ पर, उसके बिहाफ पे डेफिनेटली अपने पॉइंट्स टेबल के बिहाफ पर आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, आप अपना एक विजन, अपना एक फोकस, अपना एक गोल चेंज कर सकते हैं, अपनी एक टोटली यहाँ पर अपनी लाइनअप यहाँ पे उसमें चेंजेस ला सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल के बिहाफ पे। अगर आपको किल्स के बिहाफ पर अगर हम कट थ्रॉट्स की बात कीजिए वो छठे पोजिशन पर हमें नजर आती है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल अर्ली फाइट्स में कट थ्रॉट्स यहाँ पे एलिमिनेट हुए, लेकिन स्टिल दे आर ऑन सिक्स यहाँ पे पोजीशन पे। लेकिन ये अगेन वही बात कि ग्रुप यहाँ पे पॉइंट्स टेबल रेंगल के बिहाफ पर है। अभी मेरा मार का मैप होना है, मेरा मैर की बात की जाए, इतने हमने लंबी चौड़ी गुफ्तगु कर ली, लंबी चौड़ी बात कर ली, लेकिन यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी बात के बाद हम अपने स्पॉन्सर्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना कैसे भूल सकते हैं, हमारे साथ जिन्होंने ये टूर्नामेंट जो कि अब स्पॉन्सर किया है, यहाँ पे मल्टी गेमर रमजान लीग प्रेजेंटेड बाय मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करने वाले जो है हमारे SIR नार्कोस और प्रो नूबीज लाइव। थैंक यू सो मच हमारे स्पॉन्सर्स का, जिनकी वजह से हम ये टूर्नामेंट यहाँ पर करवा पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम इस तरह कम्युनिटी में यहाँ पे ग्रो करने का हमें मौका मिल रहा है। इस तरह ही सपोर्ट यहाँ पे आप हमें दिखा सकते हैं चैट में, अपनी टीम का बता सकते हैं यहाँ पे, कोई ये प्रो एंड कॉन्स अपनी टीम की बता सकते हैं, कोई रोटेशन या अपनी राय का इजहार आप यहाँ पे चैट में कर सकते हैं जी। यहाँ पे कुछ ही देर में हम मीरामार मैप की जाने बढ़ने वाले हैं, और जब मैप होगा डेफिनेटली हम आपको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट टेबल हमने देख लिया, मीरामार के हमने डिस्कशन कर ली, अब हम कुछ ही देर में हम जाने वाले हैं मीरामार की सरजमीन पर, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे प्लेन पाथ के बाद हम यहाँ पे रोटेशंस देखेंगे। अगेन जो अर्ली फाइट्स को यहाँ पे इग्नोर करना यहाँ पे पड़ेगा, कि उन्होंने पॉइंट टेबल देखा है, उनकी डेफिनेटली स्ट्रेटजी चेंज जरूर होंगी, लेकिन स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली मैप पे जाने के बाद ही हमें अंदाजा होगा। कुछ देर में हम मीरामार की सरजमीन पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा। अभी कुछ ही पल में यहाँ पे मीरामार मैप स्टार्ट होने जा रहा है। अभी से कुछ ही देर के बाद हम मीरामार मैप यहाँ पे सरजमीन पे जाएंगे, मीरामार के हम यहाँ पे प्लेन पाथ देखेंगे, क्योंकि अगर एरेंगल की बात की जाए तो एरेंगल में टोटली डायगनली कट नहीं किया, क्योंकि डायगनली कट को मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बिल्कुल सेंटर से डायगनली अगर कट किया जाए प्लेन पाथ, तो आपके पास एक आप अपनी जो लैंडिंग स्पॉट होती है वहाँ पे जाने में आसानी होती है, आपको पता होता है कि कितने ही अपना मीटर्स के बाद आपने जंप करना है, आपको आपके अपना एक अंदाजा होता है। लेकिन एक टोटली वन साइडेड अगर प्लेन पाथ हो जाए तो उसके बाद आपकी टोटली आपकी सोच बदल जाती है, आप फौरन अपनी टीम को कॉल करते हो कि हमने इतनी इस जगह उतर सकते हैं, और इस जगह उतरने के लिए आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि उस जगह किसी और टीम का तो नहीं है वहाँ पे वो स्पॉट, या कि और जल्दी अर्ली फाइट तो हमारी नहीं हो जाएगी, कि अर्ली फाइट जिनकी स्टार्टिंग में हुई है वो यहाँ पर उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। काउंट डाउन हमारे सामने आ चुका है जी, मीरामार मैप हेवी को हम भी आ रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे मीरामार मैप में प्लेन पाथ हमारे सामने आने वाला है जी। हमारे सामने प्लेन पाथ को हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे मैप को हम थोड़ी यहाँ देखेंगे, प्लेन पाथ के बाद यहाँ पे लोकेशन देखेंगे थोड़ा सा किस जोन की तरफ करवट लेते हैं, लेकिन राइट नो स्टार्टिंग में प्लेन पाथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेन पाथ से ही हम डिसाइड करेंगे। कहीं ना कहीं सेंटर में कट यहाँ पे किया है, यहाँ पे एक लॉस यूनस के ऊपर से यहाँ पे प्लेन गुजरता हुआ आपको टोटली जो है एक प्रॉपर तरीके से मैप को कट करें, और टीम को अपने स्पॉट्स में जाने में आसानी जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी कि क्या स्टेज पे अर्ली फाइट्स इनको ना लेनी पड़े। मीरामार मैप है, मैप बड़ा है, यहाँ पर
अर्ली स्टेज फाइट्स आपको यहाँ पे कम ही देखने को मिलेंगी, और चूंकि अगर जिसके हाथ में जल्दी गन लग जाती है और उसके सामने अगर कोई यहाँ पे कोई एक किल फ्री किल जिसे हम कह सकते हैं, अगर कोई कोई प्लेयर नजर आता है गाड़ी बैठता नजर आता है तो फायर लाजमी यहाँ पे किए जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अपना रोब बिठाया जाएगा कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में एंटर नहीं करने का। यहाँ पर मैप प्लेन पाथ हमारे सामने टोटली स्प्रेड हो चुकी है। टीम्स किसी किस्म की यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई यहाँ पर आपस में टकराव का यहाँ पे चांसेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन फर्दर यहाँ पर टीम उतरेंगी। उतरने के बाद एक फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद ही हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या जो अर्ली स्टेज में फाइट हुई है या नहीं। मिरामार मैप है कुछ कि अगर मिरामार मैप को जैसे हम मैप के अगर यहाँ पे पीओवी देखें, मैप का पीओवी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि टीम्स के ऊपर टीम्स चढ़ी हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अच्छा खासा यहाँ पे गैप होता है और ठीक ठाक यहाँ फासले में टीम्स होती हैं, और यहाँ पर टीम्स हैं वो अपने यहाँ पर डेस्टिनेशन पर जाती हुई कुछ अगर यहाँ पे पीओवी देखा जाए, वाईटीएफ का मुझे यहाँ पे पीओवी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे उनकी जानेब से देखा जाए तो एक टीम कहीं ना कहीं उनको रोड पे व्हीकल देती हुई साथी नजर आ सकती है। यहाँ पर जा तो जरूर है वाईटीएफ का स्क्वाड, लेकिन क्या पिछले मैप रेंगल की तरह स्टार्टिंग की फाइट हो सकती है, ये देखना अब बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्टार्ट की फाइट को यहाँ पे इग्नोर किया जाए तभी यहाँ पे लास्ट तक सर्वाइवल की चॉइस यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले कहा, एक से बढ़कर एक मंजा हुआ प्लेयर इस टूर्नामेंट में शामिल, फाइट्स यहाँ पे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे अगर यहाँ पर फाइट की नौबत आ गई तो। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे सर्वाइव करना उनको मौका मिले या उनको गन यहाँ पे लूट का मौका मिले तो लूट को यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी रखा जाएगा, क्योंकि अगेन नैनो ओपी, क्या ही कॉन्फिडेंस है कि हमें पिछले मैच में भी नैनो ओपी को यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेक्टेट करने का मौका मिला था, तो नैनो ओपी को बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में यहाँ पे स्पॉट कर लिया जाता है, बहुत अर्ली स्टेज में उनका फाइट हो जाती है। लेकिन अगेन क्या यहाँ पे पिछले मैप की तरह क्या हिस्ट्री रिपीट होगी, क्या रेंगल की मैप की तरह क्या नैनो यहाँ पर पहला किल निकालने में कामयाब हो गए। उसी उनके पास जरूर है लेवल 3 बैकपैक जरूर है, लेकिन उनके पास कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे हेलमेट वेस्ट उनके पास नहीं है, यहाँ पे कोई अपने आप को सिक्योर करने के लिए खास लूट नहीं है, और ये इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगेन ये यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर दोनों टीम्स को एक दूसरे की हियरिंग आ जरूर चुकी है, लेकिन क्या बनता है जी, ऊंट किस कलर में बैठता है ये इस चीज का अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वाईटीएफ का स्क्वाड भी पास में, यहाँ पे सोनिक जो है जो उनकी टीम को लीड कर रहे हैं, सोनिक के पास एकम है, वेस्ट उनके पास उनका हेलमेट नहीं है। अगर यहाँ पे हेलमेट हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान खुद को सिक्योर समझता है और फाइट लेने के लिए मेंटली तौर पर तैयार जरूर रहता है। सोनिक यहाँ फिलहाल यहाँ पर लेट चुके हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं जी, एनालिसिस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के होने वाले यहाँ पे मूवमेंट्स को, और यहाँ पर अगेन लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने भी उनको स्पॉट कर लिया गया, उन्होंने स्पॉट किया है, उनको पता है कि आपकी हियरिंग आ रही है। अगेन अर्ली स्टेज में फाइट को इग्नोर करेंगे ये एक मजबूरी भी है कि आपको सर्वाइव भी करना है, लेकिन बात भाई वहीं पर है कि एक से बढ़कर एक मजा हुआ प्लेयर अगर खेल रहा हो और उनके सामने अगर एक किल उनके सामने आ जाए या उनको वन वन फाइट लेनी पड़ जाए तो हरगिज गुरेज नहीं करेंगे ये लोग। और यहाँ पर अगेन कि यहाँ पर काफी ज्यादा खामोशी का माहौल, काफी यहाँ पे टेंस माहौल, किसी किस्म की फाइट नहीं, कोई यहाँ पे गोलियों की यहाँ पे बोछार नहीं, कोई टैप टैप नहीं, बिल्कुल खामोशी से स्पॉट किया जा रहा है। सबसे पहले एक स्पॉट करेंगे उसके बाद ही हम कुछ यहाँ पे स्टेप लेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पर सिटी का स्क्वाड यहाँ पे उनके आमने सामने, वाईडीएफ का अगेन यहाँ पर मैंने पहले कहा था क्या यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होगी सिटी वर्सेज यहाँ पे वाईडीएफ, ओके आमने सामने क्या यहाँ पे सिटी जो है इरेंगल में उन्होंने एक यहाँ पे अच्छा खासा धचका खास रूल लिया है और उसके बिहाफ पर यहाँ पर क्या यहाँ पे सिटी अब वाईटीएफ से यहाँ पे बदला ले पाएगी, क्योंकि वाईटीएफ ने लास्ट मैच में सिटी को बहुत जल्दी उनके दो प्लेयर इलिमिनेट कर दिए। मैंने कहा कि आपका एक एक प्लेयर आपके बैक बोन है, अगर आपके एक प्लेयर भी यहाँ पे इलिमिनेट होता है तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे आपकी जो है बैक बोन यहाँ पे टूटने का चांसेस होता है और वो पिछले मैच में यहाँ पे करके दिखाया जी। मैप को देखा जाए तो मैप यहाँ पर सिटी का स्क्वाड यहाँ पर वाईटीएफ का स्क्वाड और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, होते नजर आ सकती है। अगेन यहाँ पर इम्पाला के पास तीन स्क्वाड आपस में बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस पे फाइट है, लेकिन क्योंकि मैप यहाँ पर मिरामार है, मैप बड़ा है, आपके पास यहाँ पे बैक फुट पे जाने के चांसेस ज्यादा है। बैक फुट पे यहाँ पर फोर आर स्क्वाड यहाँ पर अगेन किसी किस्म की फाइट लेना नहीं चाहेंगे वो, ठीक है, लेकिन यहाँ सिटी का स्क्वाड अब क्या करें यहाँ पर क्या करें फ्यूरी और जल्दी यहाँ पे लिमिटेड लेकिन जैनी भी यहाँ पे जो लास्ट सर्वाइव कर रहे थे लेके चले थे वो भी डाउन, रेड नॉट ऑफ द स्क्वाड जो राइजन है यहां पे फुल वन एचपी का, यहां पे वो अगेन सिटी के स्क्वाड को वाईटीएफ ने एलिमिनेट किया। यहां पर वाईटीएफ ने यहां पर नैनो ओपी बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पर बैक टू बैक यहां पे एलिमिनेशन नजर आ रही है, रैंगल में भी यहां पे हुआ, अगेन हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने रिपीट होती हुई। वाईटीएफ के स्क्वाड ने सिटी के स्क्वाड को यहां पर लॉबी का रास्ता दिखाया है, यहां पे बहुत ओपी तरीके से यहां पे गेम प्ले बिल्कुल हिचकिचाहट यहां महसूस नहीं की। सोनिक यहां पे डाउन था, सोनिक यहां पे लेट हुआ था, सोनू यहां पे डाउन था, सोनू डाउन होने के बावजूद यहां पे एक बेहतरीन रश, अगेन इनके फाइट होगी फोर आर्क्स यहां पे एक प्लेयर डाउन किया गया, एक प्लेयर डाउन किया गया यहां पे और यहां पे गेम नैनो यहां पे कुछ स्ट्रेटजी अपनाते हुए यहां पे नेट को किया गया, थोड़ी देर नेट को करेंगे क्या परफेक्ट नेट लगेगा, क्या यहां परफेक्ट नेट लगेगा या नहीं, एक प्लेयर तो फुल फिनिश यहां पर, एक प्लेयर यहां पे लिटरली एचपी 1 यहां पर काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला नैनो की बॉल पर, अगेन यहां पे उजी का इस्तेमाल यहां पे ब्रांड को पर वैल देना है, यहां पे दो डाउन किया गया नैनो ने, यहां पे दो डाउन किए, यहां पे कहां जा रहा क्लच पड़ेगा क्या, यह क्लच की यहां पे आ सकती है, यहां पे क्लच हो सकता है या नहीं, नैनो ओपी यहां पे क्लच के बहुत करीब है, यहां पे क्लच के बहुत ज्यादा करीब, तीन प्लेयर यहां पे डाउन है, नैनो ओपी को यहां ब्रांड की तरफ से कॉल दी गई है कि अपनी गेम प्ले करो मुझे रिवाइव, तो एक तरफ यहाँ पे ओके यहाँ पे नैनो ओपी कह रहे हैं कि आप स्टेयर्स के पास ही रहे, ब्रांड को भी रिवाइव किया जाएगा और यहाँ पे नैनो ओपी में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करने के बाद यहाँ पर उन्होंने ब्रांड को यहाँ पे रिवाइव करना ही, यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी समझा, 1v4 या 1v3 की यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते थे, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं अपने टीम मेट को यहाँ पे रिवाइव करना है, ब्रांड को रिवाइव कर दिया गया, स्टिल इज रिवाइविंग यहाँ पर अभी तक रिवाइव क्यों नहीं किया गया, यहाँ पर आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे खलबली यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में कितनी खलबली मच गई है, उसी का इस्तेमाल एक और डाउन पूरा स्क्वाड इलिमिनेट किया, नैनो ओपी यू ब्यूटी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे स्क्वाड को इलिमिनेट किया, नैनो ने ना सिर्फ ब्रांड को यहाँ पे रिवाइव किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा सिटी का स्क्वाड जो रेंगल में इनका टाकरा हुआ, सिटी के स्क्वाड को यहाँ पे दो प्लेयर का नुकसान उठाना पड़ा, दिस टाइम सिटी के स्क्वाड को इलिमिनेट किया, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी हुई, यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से फोर आर के स्क्वाड को यहाँ पे नैनो ओपी ने ओपी तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट किया, दोनों टीम्स बहुत तगड़ी, लेकिन डेफिनेटली ऊंट किसी ना किसी करवट तो बैठेगा, जोन जो है यहाँ पर जो काफी सैन मार्टिन जो एक मेन हब है, यहाँ पे अलजारी अजहर है, यहाँ पे काफी सारे लॉस एंजेलस मेन स्पॉट्स still there in the zone, यहाँ पे आपको जोन में आना है, मैंने पहले कहा स्टार्टिंग का जोन है, आप यहाँ पे जोन के बाहर यहाँ पे डैमेज दे भी लो तो कुछ खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, यही मेरा मार यही रेंगल के मैप में यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएसपी के स्क्वाड जोन से बाहर है, यहाँ पे अगेन काफी स्क्वाड स्टिल मैक्सिमम स्क्वाड जोन में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ईएसआर का अपना स्क्वाड जोन से बाहर है, वाइल्ड का स्क्वाड जोन से बाहर है, तो यहाँ पर एक बेहतरीन फाइट आज के दिन में मेरा मार में वाईटीएफ की जाने से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे टक्कर की यहाँ पे फाइट देखने को मिली, नो डाउट यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर हुई लेकिन नैनो ओपी खुद को यहाँ पे सरवाइव करने में खुद को यहाँ पर पैनिक होने से बचा लिया,
ब्रांड को भी यहाँ पे रिवाइव किया और यहाँ पे एक क्लच भी आपके सामने, यहाँ पे ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे सिटी के स्क्वाड को अर्ली एलिमिनेशन उनके यहाँ पे खाते में यहाँ पे लिख जा चुकी है। जब ई एस आर जो है उनके एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है, डोंट नो जब अर्ली स्टेज पे फाइट हुई है या जोन के बाहर है कि वट एवर, लेकिन यहाँ पर तीन ही प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करें। ये वही टीम है जो कि पिछले मैच में पूरा स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था और नो डाउट अच्छा खेलने वाले। यहाँ पे नॉक एलिमिनेशन तो चलता ही रहेगा, पार्ट ऑफ अ गेम, लेकिन यहाँ पे आपको एक टूर्नामेंट है, यहाँ पे एक हर खेलने वाला प्लेयर एक से बढ़कर एक है, मंजू प्लेयर है, अपने आप फुल गन पावर रखते हैं, अपने आप में एक पूरे पूरे स्क्वाड है, ये पूरा स्क्वाड एक तो अलग तरफ, एक अकेला बंदा भी यहाँ पे मैंने पहले कहा जख्मी शेयर होता है अकेला बंदा, तो वहाँ पे नैनो ओपी ने बाहर, यहाँ पे अगर जख्मी शेयर की कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल जो मैं अक्सर रिपोर्ट किया करता हूँ वो यहाँ पे नैनो ओपी पे यहाँ पे लगी। ई एस आर मॉन्स्टर की यहाँ पे देखा जाए, ई एस आर मॉन्स्टर भी यहाँ पे, ई एस आर का स्क्वाड बाय द वे एक प्लेयर यहाँ पे इलिमिनेट है, किसी किस्म की इलिमिनेशन अभी उन्होंने अपने बैक पैक में नहीं डाली, इनको अपनी रोटेशन करनी है, इनको जोन में जाना है। और आप देख सकते हैं हेल्थ बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा क्योंकि ये मिरामार है और मिरामार में इतनी जल्दी आपको डैमेज नहीं पड़ता। हाँ एक नुकसान को उठाना पड़ सकता है कि अगर ये टाइमली जोन में ना आए, टाइमली अगर जोन में ना आए तो इन पे गोलियों के बौछार हो सकती है। अभी कुछ ही देर पहले जहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था कि सैन मार्टिन और लॉस्ट यूनिट्स में वो जोन में, लेकिन अगेन यहाँ पे जोन जो है टोटली अपनी करवट चेंज करता हुआ अल अजहर की तरफ बढ़ता हुआ, आपकी काफ़ी मैक्सिमम जोन में आ जरूर जाएंगी, लेकिन बात वही है अगर यहाँ पे गोलियों की बौछार हुई तो यहाँ पे व्हीकल का ब्लास्ट होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। यहाँ पर अगेन जी यहाँ पे रोटेशन ली जा रही है और रोटेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कहा रोटेशन यहाँ पे एक अहम किरदार अदा करेगी। ओके जी यहाँ पे अगर नैनो ओपी की बात की, नैनो ओपी को दोबारा इस दफा पीओवी दिखाया जा रहा है, नैनो ओपी यहाँ पे पांच किल्स पांच इलिमिनेशन अपने बैक पैक में उन्होंने डाल ली जरूर है, लेकिन यहाँ पे अब उनको फाइट इतनी अर्ली स्टेजेस पे नहीं लेनी कि आपकी यहाँ पे पांच किल्स है, नो डाउट एक अच्छे किल्स है, एक अच्छे किल्स के भाव पे आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही यहाँ पे एक रश गेम प्ले दिखाएं, बिल्कुल एक ब्लाइंडली आप यहाँ पे रश कर दें। और नैनो ओपी को इस चीज़ का अंदाजा जरूर है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को भी यहाँ पे सर्वाइव किया, बाइटी ऑफ ब्रांड यहाँ पे तीन किल्स निकाले, पांच किल्स अपने यहाँ पे, ये दोनों जो डुओ इनका स्क्वाड चल रहा है फिलहाल काफी ये खतरनाक यहाँ पे साबित हो सकते हैं। यहाँ पे इनको फ्यूल टैंक इनको फुल करना है क्योंकि आपको रोटेशन करनी है, आपके इनके पास बगी है, इनके पास कार है, व्हीकल्स इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, इनको अंदाजा है कि अगर एक ही व्हीकल्स पे अगर यहाँ पे रोटेशन करेंगे गाड़ी ब्लास्ट भी काफी पूरा स्क्वाड का एलिमिनेट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अगेन यहाँ पे इन्होंने हेल्थ किट उठाई, पांच हेल्थ किट इनके पास, हील बैटल के चांसेस भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ सकते हैं। लावा यहाँ पे है, यहाँ पे फिल करते हुए पूरा स्क्वाड इनका सर्वाइव कर रहे हैं जी, बैंडेजेस लगा रहे हैं जी, बैंडेजेस यहाँ पे पावा लावा, ओके जी यहाँ पे अगर यहाँ पर ये चिकन निकालते हैं यहाँ पे अच्छी पोजिशन लेते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि मेरा मार दा पावा लावा इनके स्क्वाड के, इनके स्क्वाड की नेम को हम यहाँ पर एक लाइन में तब्दील कर सकते हैं जी। लेकिन स्टिल मैंने पहले कहा जोन के मिड में है, आप देख सकते हैं जंक यार्ड के बिल्कुल पास में यहाँ पे इनका ठहराव है। अगेन अगर हाइट की बात की जाए तो इस हाइट की मैं बात कर रहा था जहाँ पे गोलियों के बौछार आ सकती है, स्पॉट किया गया, लेट के स्प्रे करेंगे तो अगेन हाइट पे अगर इनको एनिमी नजर आ रहा है डेफिनेटली आप ही स्पॉट जरूर होंगे, आप स्पॉट होंगे तो आप एक को नहीं पूरे पूरे स्क्वाड को स्पॉट होंगे और मल्टीपल टीम जो नीचे रोटेशन लेती हुई नजर आ रही है उनकी नजर भी आप पे पड़ेगी, तो उनका डेफिनेटली और किसी पर नजर पड़े ना पड़े आप उनका टारगेट जरूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन आपको संभल के खेलना है, आपको यहाँ पोजिशन निकालनी है, गिल्स निकालनी है और यहाँ पर जंक यार तीन जोन के अंदर आ जरूर रही है, लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जोन के अंदर आते कोई इनको स्पॉट ना कर ले, YTF की दो प्लेयर सर्वाइव सर्वाइविंग यहाँ पर लावा का स्पॉट यहाँ पे मिड में अगेन और यहाँ पर NA7 सर्वाइविंग और इनके स्पॉट गेंद यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर एक एक प्लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चारों प्लेयर यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। वही जो हमेशा से एक बात कहता था कि
एक एक प्लेयर यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ पे ट्विस्ट लाने में कामयाब हो सकता है, टोटली यहाँ पे टेबल्स टर्न हो सकते हैं, यहाँ पर टोटली यहाँ पर स्नैरियो बदल सकता है। यहाँ पर अगेन अगेन ESR की अगर उन्होंने पिछले मैच में बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया था, उनकी तरफ भी हम जाएंगे जरूर, उनकी भी पोजिशन यहाँ पे देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या स्नैरियो है, क्योंकि पिछले मैच में तो उन्होंने एक कमाल यहाँ पे परफॉर्म किया, लेकिन मिरामार है यहाँ पे स्ट्रेटजी डिफरेंट है, यहाँ पे आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, यहाँ पे जोन डिफरेंट है। ESR के भी एक प्लेयर डाउन जरूर हुआ था यहाँ पे, अगेन ये किसको लूटा जा रहा है, ये किसको लूटा जा रहा है। यहाँ पे DSP का स्क्वाड भी सर्वाइव कर रहा है, KRK का स्क्वाड भी प्रॉपर सर्वाइव कर रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे दे रहे हैं, रेक्स का स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। ये सर्वाइवल गेम की तरह जरूरी है, क्योंकि रेंगल में कुछ प्लेयर ऐसे हैं, रेंगल में कुछ टीम ऐसी हैं जो कि स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो गई थी, उनको रेंगल के मैप के बिहाफ पर उनको कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया होगा कि हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है। रेक्स के प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं जी, जोन जो है यहाँ पर जोन जंक यार्ड के पास में थोड़ा सा अगर मैप को जूम आउट किया जाए तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कहाँ पे जोन जो है वो बना कहाँ पर है, जोन कहाँ पे श्रिंक हो रहा है थोड़ा। ओके जी, जो जंक यार्ड के पास ही है, ठीक है, सैन मार्टिन स्टिल इन द जोन, वो मैप कहीं वो जो सैन मार्टिन कैसा जोन में है। यहाँ पे सैन मार्टिन को ज्यादा इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि सैन मार्टिन ओवरऑल यहाँ पे 3 से 4 जोन में ही रहेगा, और जोन में रहने की वजह से जो टीम सैन मार्टिन के पास उतरी है उनको कुछ खास रोटेशन लेने की जरूरत नहीं होगी, जो कि अभी आपको मैप में रोटेशन आती नजर आ रही है। लावा का स्क्वाड जोन है, YTF का स्क्वाड जोन में, लेकिन YTF को बैकफुट से कोई खतरा नहीं है। अगर सेम केस हम यहाँ पे ESR को देखें तो ESR की फाइट जरूर हो सकती है, वाइल्ड वाले थोड़े से बैकफुट से उनको आसानी है, पाला वाली साइड से कोई भी नहीं आ रहा, लॉस्ट यूनिवर्स वाली साइड से अब जोन में आ चुके हैं। यहाँ पे ESR और आई थिंक KNK और यहाँ पे VK का स्क्वाड भी की लगी जोन में, इनके आपस में झड़प हो जरूर सकती है। ESR की तरफ बढ़ते हैं, ESR अगेन उसी एक किल के एक यहाँ पे एलिमिनेशन के साथ जो उनके एक टीममेट यहाँ पे एलिमिनेट जरूर हुआ, 3 यहाँ पे ट्रायो सर्वाइव कर रहे हैं जी, और कोई भी किल अपने बैकपैक में नहीं डाला क्योंकि उनको अंदाजा जरूर है कि ठीक किल्स मैटर जरूर करते हैं, बट ये मिरामार मैप है, आपको आपकी यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज है, आपके जोन का टाइम चेंज है, जोन की करवट चेंज है, और यहाँ पे आपकी रोटेशन चेंज है। और मैंने पहले पहले कहा कि रेंगल में आप काफी ज्यादा खेलते हो, तो आपको मिरामार में और सैन ऑफ जैसे मैप है उसमें थोड़ा सा आपको कदरे पास स्क्वाड यहाँ पे है, ESR का स्क्वाड यहाँ पे ग्रेवयार्ड के पास, KNK पास में। अगेन मैंने कहा कि मैप को अगर देखा जाए तो वहाँ पे जाहिर तो हमें यूँ लग रहा है कि ESR और KNK बहुत पास में है, लेकिन अगर हम जस्ट ESR का अगर POV देखा जाए तो ESR अच्छा खासा यहाँ पे दूरी पे है KNK स्क्वाड पे, लेकिन अगेन अगर इनका एक प्लेयर भी डाउन हुआ डेफिनेटली, और यहाँ पे बिला जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फायर दे रहे हैं KNK के प्लेयर को, लेकिन यहाँ पर अगर फायर देंगे तो बैकफुट से भी एक टीम उनके पास जरूर आ सकती है, ब्लैक ऑफिशियल टीम उनके बिल्कुल पास में, लेकिन ब्लैक ऑफिशियल बैक पे उसको सपोर्ट किया तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान बढ़ चुका है ESR की टीम का एक प्लेयर। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखना चाहूंगा ESR और KNK का कहीं ना कहीं फाइट नजर आ सकती है, अगर एक प्लेयर डाउन हुआ तो रश किया जा सकता है, KNK का एक प्लेयर डाउन है जी हाँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम POV देख रहे थे कि किसी एक टीम का यहाँ प्लेयर नॉक हुआ था और वो यहाँ पे KNK का प्लेयर था, यहाँ पर बहुत यहाँ पे फोकस होके खेलना पड़ेगा, आपका यहाँ पे एक प्लेयर डाउन है तो आप पे रश जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपके यहाँ पे टीम हर टीम के बीच में फासला ज्यादा है तो आप हर टीम की तरफ रश करते वक्त 100 दफा सोचेंगे, दिस इज नॉट ए रेंगल, दिस इज मिरामार, और मिरामार में मैंने पहले कहा कि आपको जो लगता है जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, आपको लगता है कि टीम सर पे आ गई लेकिन ठीक ठाक फासला होता है, रोटेशन ली जाएगी, यहाँ पे US के पास है 1 63 के पास, इनके पास व्हीकल्स हैं, आपको यहाँ पे अगर एक एक व्हीकल भी ब्लास्ट होती है तो बाकी आपके टीम मेट खुद को बचाने में कामयाब हो सकते हैं, अगर एक ही यहाँ पे व्हीकल में बैठ जाएंगे तो ब्लास्ट होने की सूरत में आप यहाँ पे लॉबी का रास्ता भी देख सकते हैं। यहाँ पे KNK तो यहाँ से अस्तलाविस्ता हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए ग्रेवयार्ड सैन मार्टिन स्टिल इन द जोन, सैन ग्रेवयार्ड और यहाँ पे जंक यार्ड की बात करूँ वो यहाँ पर जंक यार्ड को यहाँ पे धकेल दिया गया है जोन से बाहर, सैन मार्टिन को मैं अगेन मैं सैन मार्टिन को यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, जो ग्रेवयार्ड है ठीक है और यहाँ पे जंक यार्ड है, ये जोन का ऑलरेडी बिट सैन मार्टिन थोड़ा सा जोन का एक साइड बनता है, लेकिन स्टिल सैन मार्टिन पे अगर कोई टीम गई है तो वहाँ पे काफी आसानी DSP का स्क्वाड सैन मार्टिन के पास, KNK यहाँ पे फाइट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टैप टैप दिया जा रहा है यहाँ पे ESR के स्क्वाड को, या लेकिन यहाँ पर आई थिंक टैप टैप देने से बेहतर अगेन KNK यहाँ पे जो है एक प्लेयर थर्ड प्लेयर जो है
जीएलटी जो है वो यहाँ पे डाउन है, फौरन फौरन यहाँ पर रिवाइव तो नहीं कर सकते। यहाँ पे हेल्थ किट बचाई जा रही है, यहाँ पे बैंडेज लगाई जा रही है, यहाँ पे हेल्थ किट को बचाना बहुत जरूरी। क्या हमें मिरामार मैप में कहीं हील बैटल देखने को मिल सकता है या नहीं, ये देखना बहुत ही जरूरी। अपने चैट में अपनी टीम का या फेवरेट टीम के बारे में आप लिख सकते हैं, अपने फेवरेट टीम के बारे में इजहार कर सकते हैं, कौन से बता सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा आप यहाँ पर अपने यहाँ पर राय आपकी बहुत हमारी है, इम्पोर्टेंट है। बैक यहाँ पर कास्टिंग की तरफ वापस आए, अगेन ESR और KNK इनकी फाइट बिल्कुल तब तक चलती रहेगी जब तक जोन श्रिंक या जोन स्क्वीज नहीं हो जाता। आपका श्रिंक जोन श्रिंक होना बहुत जरूरी। ESR बिल्ला जो है, ESR बिल्ला वो बिल्कुल यहाँ पे अभी रिलैक्स है, आपको अंदाजा है। वाइल्ड का स्क्वाड को देखें, अब आप टोटल फोकस करें मैप की जानिब। यहाँ पर देसी का स्क्वाड जो है वो जोन के बिल्कुल बाउंड्री पे है, वाइल्ड का स्क्वाड जोन की बाउंड्री पे है, 4K का स्क्वाड जोन की बाउंड्री पे है, DSP का स्क्वाड अगेन यहाँ पे जोन करवट ले ली, मार्टिन स्टिल इन द जोन। ये जो स्पॉट है, अगर यहाँ पर अगर सैन मार्टिन अगर कोई टीम उतरी है तो वो टीम इस आज के दिन में इस मैप में उनसे ज्यादा लकी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जंक यार्ड बाहर हो चुका है। सैन मार्टिन है यहाँ पे, अगर DSP की बात करें यहाँ पे, अगेन यहाँ पर DSP की बात की, दो प्लेयर डाउन है इस दिन। जी हाँ, DSP का दो प्लेयर डाउन है, और दो प्लेयर डाउन होने का मतलब ये है कि आपको उतना ही यहाँ पे बैक फुट पर रहकर खेलना होगा, क्योंकि आपको रोटेशन करोगे तो यहाँ एक नहीं दो, यहाँ पे तीन नहीं चार नहीं हो, यहाँ पे आप सिर्फ दो ही हो। दो से यहाँ पर एक प्लेयर भी डाउन होगा तो आप पैनिक सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर आपको पोजीशन के लिए खेलना है, और इस चीज़ का अंदाजा बखूबी यहाँ पर DSP के स्क्वाड को है। देसी के स्क्वाड की बात की जाए, देसी का स्क्वाड यहाँ पे सेम, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी किल्स निकाली, पिछले मैच में एक अच्छी लूट उनके पास थी, लेकिन राइट नाउ नहीं यहाँ पे किल्स निकाले जा रहे, यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी रखा जा रहा है। उनके पास बाइक है, यहाँ पर देसी सैम को यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पर एक यहाँ बोल्ड स्टेप यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे इजीली स्पॉट हो सकते हैं, यहाँ पे गोलियों के बौछार आ सकती है। यहाँ पे लेफ्ट पे भी आपकी टीम है, राइट पे भी आपकी टीम है, और यहाँ पर देसी सैम के बीच से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर धूम की तरह यहाँ पे बाइक निकालना चाह रहे हैं। लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पे किस मामले में कामयाब हो पाएंगे, यानी वाइल्ड की टीम बहुत फोन में एंटर तो नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वो फाइट का भी हिस्सा नहीं बनेगी। यहाँ पे देसी सैम ने यहाँ पे डाउन किया एक प्लेयर को, और यहाँ पे फुल फिनिश भी कर दिया जाएगा। अगेन यहाँ पर अगर यहाँ पे देसी सैम के अगर ओपोनेंट जो अगर देखे जाए तो वो यहाँ पर वो कौन है, वो अगर उसकी तरफ देखे जाया जाए तो यहाँ पर एक प्लेयर, यहाँ एक प्लेयर डाउन कर दिया गया NA7। जी हाँ, यहाँ पे NA7 के साथ साथ फाइट चल रही है, एक प्लेयर डाउन, एक प्लेयर सर्वाइव अपना ये नॉक हुआ, लेकिन उसको भी यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया। देसी सैम यहाँ मुझे लगा कि शायद वो कहीं ना कहीं बाइक का उनको डिसएडवांटेज जरूर होगा, लेकिन अगेन उन्होंने एक किल निकाला, एक लेट के स्प्रे दिया, स्प्रे को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर एक लेजर स्प्रे बनाने की फुल कोशिश की, और एक किल निकालने में भी कामयाब जरूर हुए। एक प्लेयर डाउन हुए यहाँ पर, अगेन यहाँ पर एरर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं जी, लेकिन अभी तक तीन किल, अभी तक कोई किल निकालने का कोई किल नहीं निकाला होगी। देसी के स्क्वाड ने उनके लिए काफी यहाँ पे मुश्किल खड़ी की है। रेक्स का स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं जी, रेक्स के स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव करें। जी हाँ, यहाँ पर एक प्लेयर का नुकसान होगा, यहाँ पे अब ये देखना है क्या वो एक प्लेयर जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है, क्या वो यहाँ पर एंड तक उनके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वाड के साथ आपके लिए प्लेयर किस्ते जहाँ मैंने पहले कहा था रोटेशन लोगे तो आपके लिए काफी मुश्किल होगी। देखिए क्या प्लेयर किस्ते दिया, क्या यहाँ पे ब्यूटी बहुत खूबसूरत तरीके से, ये है मिरामार, ये है ब्यूटी, यहाँ पे बहुत यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से, यहाँ पे बहुत अच्छी नॉट का स्क्वाड है, नॉट ऑफिशियल है जी, यहाँ पे गाड़ी से उतार लिया गया। आप देर के स्प्रे देंगे किस इस मौके का इंतजार था, किस पल का इंतजार था, अगर आप रोटेशन लेंगे तो क्यों ना किया जाए आपका स्पॉट, क्यों ना किया जाए आपके बॉडीगार्ड। यहाँ पर BK का फ्यूरी का काफी खतरे में, एक प्लेयर इनके यहाँ पर अगेन ओके एक प्लेयर डाउन, हार्डएक्स खुद यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं जी। यहाँ पे फ्यूरी सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि पिछले मैच के यहाँ पे चिकन निकालने में कामयाब हुई थी टीम यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर अगेन पिछले मैच में नो डाउट इनका पूरा स्क्वाड सर्वाइव कर रहा था, स्टिल इस टाइम तक भी अगर ये सर्वाइव कर रहे हैं तो ये काफी एक अच्छी निशानी है BK स्क्वाड के लिए। मैप जो है यहाँ पे सैन मार्टिन का कोई ना कोई
थ्रू आउट वो लकी रहे हैं। नो डाउट सैन मार्टिन हाफ से ज्यादा आउट ऑफ जोन चला गया, लेकिन आपका सैन मार्टिन काफी हद तक जोन में रहा है और सैन मार्टिन के पास अब आप यहाँ पे बच नहीं सकते, अब आप जोन टू जोन नहीं चला सकते, अब आप बाउंड्री पे नहीं रह सकते, क्योंकि आपको जोन में आते हो तब आप स्पॉट जोन से बाहर रहते हो। तो काफी टीम ऐसी है जिनकी स्ट्रेटजी ही यही है कि हम जोन से बाहर रहेंगे, जोन टू जोन रहेंगे, और आप अकेले नहीं यहाँ पे स्ट्रेटजी रखने वाले। ब्लैक का स्क्वाड है, ये एक्सआर की स्क्वाड देखा जाए सर मोस्टर आई थिंक अकेले सर्वाइव करें, ब्लैक उनके पास ब्लैक स्क्वाड क्लोजिंग की जा रही है, वाइल्ड का स्क्वाड जोन में जरूर आ चुका है, हार्डेस्ट के एनके का स्क्वाड भी यहाँ पे फाइट हो सकती है, नॉर्थ का स्क्वाड अगेन यहाँ पे हाथ धोकर यहाँ पर जी यहाँ पे वीके के स्क्वाड पर उनकी नजर है, वीके का स्क्वाड बाय द वे यहाँ से खुद को निकालने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन डीएसपी के दो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करें, दो एलिमिनेट हो चुके हैं। डीएसपी के स्क्वाड की तरफ से पीओवी दिख रही है, डीएसपी यहाँ पे पर जरूर रही है, लेकिन डीएसपी बाबा को यहाँ पे डाउन किया गया, डीएसपी एहतिशाम अकेले लास्ट सर्वाइवर यहाँ पर, यहाँ हमेशा डीएसपी एहतिशाम पे यहाँ पे कंधों पे जिम्मेदारी, यहाँ पे अगर आपको फाइट ही लेनी पड़े तो आप फाइट ही ले पाएंगे, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, चेक के पास जाना है, यहाँ पर कहाँ से बचोगे, कहाँ से बचोगे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मेरा बात मैप है, आपको जोन में आएंगे तो आपको यहाँ पे लाजमी स्पॉट होंगे, स्पॉट होने का नुकसान यही था, जोन श्रिंक होता जाएगा, आपकी फाइट होगी, अगेन यहाँ पे एक प्रेडिक्शन कि आपको आप जोन में आओगे तो गाड़ियाँ ब्लास्ट होगी, वो चीज़ भी यहाँ पे हमें आते नजर आ रही है। DSP का स्क्वाड नाइस ट्राई, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, कोई भी निकालने में कामयाब नहीं हुए। वाइल्ड का स्क्वाड यहाँ पे फायर, ब्लैक का स्क्वाड यहाँ पे ब्लैक की एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है, वाइल्ड की भी एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक मामा भी डाउन, यहाँ पे अगेन कहीं ब्लैक का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ, लॉबी का रास्ता देखते हुए यहाँ पर अगेन वाइल्ड का स्क्वाड सर्वाइव कर जाएंगे, नॉक पड़े हैं, लेकिन आप जोन में रहें, जोन में होने की वजह से आपको ऑलरेडी एडवांटेज ये है, आपको सर्वाइवल मिलेगा। हार्डेस्ट का देसी के साथ स्क्वाड का मैच, NA7 के स्मैक्सी को यहाँ पे डाउन किया गया, यहाँ पे अगर हार्डेस्ट की स्क्वाड की तरफ अगर देखा जाए, हार्डेस्ट गेमिंग यहाँ पे स्मोक किए जा रहे हैं, हार्डेस्ट गेमिंग को अंदाजा है कि एक प्लेयर के नॉकर को सावा को यहाँ पे रिवाइव करना है, पावा और लावा यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं जी, हार्डेस्ट गेमिंग यहाँ पे जोन में है, स्मोक किया जा रहा है, सावा को रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उनके पास प्लेयर है, उनके पास एकेडमी, उनके पास भी स्क्वाड है, क्या उनको स्पॉट किया जाएगा, पीरो को यहाँ पे डाउन किया गया। अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आप पे किसी की नजर है तो ये चीज मत भूलिए कि आप पे भी किसी की नजर है, अगेन यहाँ पे स्पॉट किया गया, यहाँ पे स्पॉट कैसा, ये ओके जी शेरा को डाउन किया गया, यहाँ पे शेरा को डाउन कर दे जी, हाँ यहाँ पे शेरा को डाउन किया गया, हार्डेस्ट गेमिंग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे 4 किल्स निकालने में कामयाब, सावा यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, ऑल क्रेडिट टू हार्डेस्ट गेमिंग, अगेन हार्डेस्ट की अब यहाँ पर बिल्कुल जी यहाँ पे वापस से हार्डेस्ट गेमिंग को अब सर्वाइव कर यहाँ पे रिवाइव करना पड़ेगा, सावा जो है अगेन नेट के जा रहे हैं या स्मोक करेंगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पर नहीं आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हार्डेस्ट गेमिंग नाइस ट्राई, लेकिन यहाँ पर सावा जो है काफी ज्यादा घिर चुके थे, जोन स्क्वीज हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे स्मोक ही यहाँ पे एक लाइन बनाई जा रही है, और स्मोक जैसे आप अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से अपने गन पावर के लिहाज से यहाँ पे आप फायर कर रहे हैं जी, आपके सामने गूगल गेमिंग है जी, गूगल गेमिंग आपको रिज है उनके पास, रिज होने की वजह से एडवांटेज, वाइल्ड का स्क्वाड यहाँ पर एक चीज अब यहाँ पे नोट करते चले तो वाइल्ड का स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वाइल्ड लीडर अपने स्क्वाड का सर्वाइव करवाते हुए, और वो जो नॉक हुआ वो सब सर्वाइव कर चुके हैं, अगेन नॉर्थ का स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है, यहाँ पर वाइल्ड का स्क्वाड, लेकिन वाइल्ड का स्क्वाड जोन में है, आप जोन में है, अगर बहुत ही देखा जाए 15 मीटर्स दूर है, आप कहीं ना कहीं स्मोक बॉल बना जोन में जा सकते हैं, आप यहाँ पर क्या हमें हील बैटल भी होती नजर आ सकती है, सिचुएशन ऐसे है कि आपके पास जस्ट रिजेस हैं, आपके पास कुछ सॉलिड इस तरह की कोई यहाँ पे कोई यहाँ पर शेक नहीं है, यहाँ पर बिल्डिंग वीके फ्यूरी को यहाँ पे ब्लाइंड फायर दिए, वीके फ्यूरी स्टिल सर्वाइव कर चुके हैं जी, वीके फ्यूरी उनके सामने नॉट का स्क्वाड, नॉट को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया, वाइल्ड के स्क्वाड जाने से वीके भी सर्वाइव करें, अगर हम वीके का पीओवी आप अगर यहाँ पे दिखा सके वीके फ्यूरी का पीओवी, तो यहाँ पे एक अलग सैरियो है, वीके जो है जोन में जस्ट यहाँ पे नॉट का स्क्वाड, वीके फ्यूरी को यहाँ पे कर दिया गया एलिमिनेट, आखिरी सर्वाइवर थे अपनी टीम के यहाँ पर, और यहाँ पर एक वाइल्ड का स्क्वाड और नॉट का स्क्वाड सर्वाइव करते हुए, काफी कठिन सिचुएशन यहाँ पर स्मोक का मुजाहरा, स्मोक की वजह से दोनों टीम यहाँ पर रिलैक्स होकर, उनको अंदाजा है कि जो वीके का स्क्वाड था, वीके के जो प्लेयर थे वो यहाँ पे डाउन हुए,
तो उनको इतना अंदाजा है कि कहीं ना कहीं से उनको कवर जरूर है, कहीं ना कहीं से उनको बचत जरूर है। यहाँ पे वाइल्ड स्क्वाड पे जो नॉर्थ की स्क्वाड थी, नॉर्थ के प्लेयर ने यहाँ पे फाइट दी, कहीं ना कहीं डैमेज दिया, बैक फुट पे धकेल दिया, नॉर्थ का स्क्वाड जोन की तरफ यहाँ पे क्लोज आता हुआ और यहाँ पे नेट किया जा रहा है। क्या यहाँ पे नेट लगेगा? यहाँ पे डायरेक्शन तो बेहतरीन है लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस तरह नहीं। आपका एक अंदाजे के मुताबिक नेट जरूर फेंका लेकिन कहीं ना कहीं टीम काफी अभी दूर है। यहाँ पे नॉर्थ का स्क्वाड है, यहाँ पे वाइल्ड का स्क्वाड है, वाइल्ड स्क्वाड के पास 10 पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर अपने पूरे स्क्वाड के साथ हो और नॉर्थ यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पर एक प्लेयर आपका यहाँ पे डाउन, आप जोन में स्मोक किया जाएगा। अगेन मैंने कहा कि स्मोक यहाँ पे करना बहुत जरूरी, जोन का डैमेज ले रहे हैं वाइल्ड लीडर, जोन का डैमेज ले रहे हैं और जोन में आ जाएंगे, स्मोक किया गया। यहाँ पे गेन एक प्लेयर डाउन, नॉर्थ का एक प्लेयर डाउन। क्या यहाँ पे नॉर्थ के स्क्वाड सर्वाइव कर पाएंगे? यहाँ पे चार के चार प्लेयर यहाँ पे हल्ला बोलेंगे, नेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे नेट्स की बरसात होगी, ये परफेक्ट नेट वाइल्ड लीडर 3-2-1। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज कर ली। अगेन यहाँ पे वाइल्ड लीडर को डाउन, अगेन नॉर्थ का एक प्लेयर, लास्ट प्लेयर सर्वाइव करे वाइल्ड स्क्वाड ने अपनी पूरी टीम को सर्वाइव करने का नतीजा यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे, काबिल तारीफ यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइल्ड के स्क्वाड ने, कि यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे जोन टू जोन खेला, जोन की बाउंड्री पे खेला। और मैं थ्रू आउट यहाँ पे मेरा मार के मैप में यही देखता आ रहा हूँ कि जो वाइल्ड का स्क्वाड है ये बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं, ये सर्वाइव करने के बाद और एक बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लास्ट तक वाइल्ड स्क्वाड, अगर वाइल्ड लीडर यहाँ पे कोई खास एलिमिनेशन तो नहीं निकाली लेकिन डेफिनेटली आपने एक अपनी टीम को गाइड किया। नॉर्थ का स्क्वाड सेकंड पोजीशन पे आपके मैदान पे आया, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ के स्क्वाड को भी यहाँ पर काबिल तारीफ, आपका एक प्लेयर डाउन था और उसके बाद जब वीके की यहाँ पर एग्जिस्टेंस की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ प्रेशर में रहे नॉर्थ का स्क्वाड, जब बीके फ्यूरी डाउन हुए तो वहां से नॉर्थ के स्क्वाड ने यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज इन किया लेकिन ऑलरेडी वाइल्ड के स्क्वाड ने ओवरऑल एक बेहतरीन रोटेशन ली, एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस दी। किल्स को एक साइड पर रखे, चिकन को भी यहाँ पे मद्देनजर रखा, यहाँ पे 6 किल्स निकालने में कामयाब हुए पहली पोजिशन पे, जहाँ पे वाइल्ड का स्क्वाड, नॉर्थ का स्क्वाड, नॉर्थ ऑफिशियल नाइस रहे और यहाँ पर दूसरे पायदान जाने में कामयाब हुए। मैंने पहले कहा था ये एरेंगल मैप नहीं है, ये मेरा मार मैप है, आपको यहाँ पे रोटेशन देखनी पड़ेगी, आपको रोटेशन मद्देनजर रखनी पड़ेगी। बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रोटेशन ली ओवरऑल सब टीम ने लेकिन वाइल्ड जो है पूरे थ्रू आउट द मेरा मार मैप यहाँ पे एक अच्छे बहुत एक कंसिस्टेंट अपने यहाँ पे रोटेशन लेते रहे। और ये जो आज का दिन टूर्नामेंट का पहला दिन ये जो पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ अवर स्पॉन्सर्स, अगर स्पॉन्सर का जिक्र किया जाए तो SIR Narcos एंड प्रो नूब इज लाइव, जी हाँ दोनों हमारी गेमिंग कम्युनिटी के शहजादे और ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अवर स्पॉन्सर्स वंस अगेन फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल टूर्नामेंट। डे वन है जी, दो मैप यहाँ पर इख्तिताम हो चुके हैं जी, एपरेंगल भी ख़त्म और यहाँ पर मिरामार भी ख़त्म। और कुछ ही देर में हम आपके पॉइंट्स टेबल की जाने भी बढ़ेंगे और कुछ ही देर में हम सैनहॉक की सरजमीन पर भी जाएंगे, सैनहॉक पर देखते हैं जी यहाँ पर क्या यहाँ पर अपना माइंड सेट होने वाला, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद हम सैनॉक की जाने बढ़ेंगे, पॉइंट टेबल भी आपके सामने आएगा लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस, आपका साथ हमारे साथ बहुत जरूरी। अपनी टीम, इस टीम को सपोर्ट करें, वो टीम भी आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं, वो अपने चैट में हम अपनी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जी। कुछ ही देर में हम वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
ओके जी, सबका एक बार फिर से वेलकम बैक। दो मैच अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं, रेंगल और मिरामार, और आज का तीसरा मैच होने जा रहा है जी, सैनहॉक के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे जरूर, लेकिन ये टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स को हम कैसे भूल सकते हैं जी। हमारे साथ हमारे जो टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं SIR नार्कोस, प्रो नूबिस लाइव एंड द वन एंड ओनली हमारी जो प्रोडक्शन की बैकबोन सेसर प्लेज है जी, और थैंक यू सो मच टू अवर स्पॉन्सर्स फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल टूर्नामेंट और सच इन सच प्रोफेशनल वे। और हमारे सामने रेस कैजुअल है ग्रुप ए, जिसमें हम पहला मैप हमने रेंगल देखा, रेंगल में एक, उसके बाद हमने एक मिरामार देखा, मिरामार और रेंगल में हमें एक काफी ज्यादा यहाँ पे एक गैप नजर आया, काफी डिफरेंट स्ट्रेटजीज नजर आई, काफी ज्यादा डिफरेंट माइंडसेट नजर आया। सेम केस हमारा सैनहॉक में भी होगा, क्योंकि सैनहॉक से मुझे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस लिहाज से हैं कि आपका सैनहॉक में एक एनिमी स्पॉट करना काफी मुश्किल, और आपको एक जो लूट के लिहाज से बात की जाए यहाँ पे मिरामार की निस्बत आपके पास लूट एक अच्छी खासी आपके पास आ जाती है, लेकिन लूट होने के बावजूद यहाँ पे आपको DPS के यहाँ पे पटखे लाजमी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सैनहॉक में स्पॉट करना बहुत मुश्किल यहाँ पे, और डेफिनेटली मेरे एंड से तो मुश्किल है ही है जस्ट बिकॉज आई एम कास्टर, लेकिन जो हमारी टीम्स जो खेल रही हैं उनके ये बाएं हाथ का खेल जरूर होगा, लेकिन एक एक प्लेयर यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपकी जो दिन रात मेहनत, यहाँ पर जो आपका IQ यहाँ पे सैनहॉक में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लाइनअप में अगर अगर स्टार्टिंग से ही अपनी टीम को ऐसी लेके चले कि अगर लाइनअप में आपका कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको सैनहॉक में यहाँ पे आपको साथ दे सके, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट हो सकता है। सैनहॉक का मैच अभी कुछ ही देर में सैनहॉक की सरजमीन पे हम जाएंगे, देन उसके बाद वापस से हम मिरामार, चौथा मैच आज का लास्ट मैच होगा मिरामार, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तीसरा मैच सैनहॉक में और सैनहॉक के बाद, सैनहॉक में अक्सर अक्सर यहाँ पर हमें हील बैटल देखने को मिलता है, और लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्या आज डे वन में क्या हील बैटल को हम यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मिरामार में हमने क्लच तो देख लिया, क्लच जो है यहाँ पर जो नैनो ओपी की जानिब से हमें क्लच जो देखने को मिला था, उसके बाद अब यहाँ पे सैनहॉक में देखते हैं कि सैनहॉक में यहाँ पर किस तरह यहाँ पे कहीं हील बैटल को प्रायोरिटी दी जाती है या नहीं, या आप अपने गन पावर पे घुसेंगे, फटेंगे और चिकन डिनर निकालेंगे, किल्स भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के दिन के हमने जब पॉइंट्स टेबल देखा था तो उसमें हमने देखा था जो किल्स के बिहाफ पर लोग अपने जो टीम्स हैं वो ज्यादा टॉप पर आ रही है। चिकन डिनर नो डाउट यहाँ पर आपका मैटर करता है, चिकन डिनर जरूर मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने यहाँ पर एक काफी चीजें हैं, स्पॉन्सर्स एक वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया स्पॉन्सर्स का, और यहाँ पर अगेन हम यहाँ पे अगर मैप को देखें तो मैप को अगर हम एक मैप की जानिब से गेंद यहाँ पर मैप को क्या देखना, यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट, और हम यहाँ पे सबसे पहले प्लेन पाथ को देखते हैं, प्लेन पाथ क्या होने वाला है यहाँ पर YTF या नैनो ओपी और ब्रांड, यहाँ पर तीन प्लेयर नजर आ रहे हैं, प्लेयर नजर आ रहा है यहाँ पर, फोर्थ प्लेयर यहाँ पर हमें ही नजर आ नहीं रहा, क्या देखते हैं जी कि क्या उनका जो एक प्लेयर जो है जो उनके साथ अभी शामिल नहीं, क्या उनको इन दी आखिर तक उनको कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा। नैनो ओपी ने अपने आप को प्रूव किया कि वो अकेले ही काफी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगेन प्लेन पास जो है, अगर हमें प्लेन पास दिखाया जाए, मैप दिखाया जाए, तो वो हमारे लिए कुछ ज्यादा, एक दफा प्लेन पास दिखा दिया जाए तो प्लेन पास में हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम बेहतर तरीके से देख सकेंगे कि किस तरफ जो है प्लेन पास गया है और क्या यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है। लेकिन चले प्लेन पास से पहले यहाँ पर अगेन यहाँ पे YTF का स्क्वाड जो है यहाँ पे लैंड होता हुआ, YTF के स्क्वाड के साथ एक और स्क्वाड जरूर लैंड हुआ, उनकी जाने भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आज के दिन YTF किस्मत में स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस पे यहाँ पे फाइट्स हैं या नहीं वो एक तरफ, जी हाँ यहाँ पर मैप आ चुका है जी, और जोन अभी कुछ ही देर में जोन यहाँ पर बन जाएगा, और जोन जब बनेगा तो एक हम डेफिनेटली बेहतर तरीके से यहाँ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फाइट्स भी हमें यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही है, यहाँ पर फाइट्स भी हमें देखने को मिल रही है, कुछ यहाँ पे एलिमिनेशन बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेस पे KNK की जानिब से, यहाँ पे KNK की जानिब से यहाँ पे फाइट्स हो रही है, KNK यहाँ पर फाइट में है, उनके आई थिंक तीन ही यहाँ पे YTF स्पॉट की अगर बात की जाए, YTF स्पॉट पे ऑलरेडी POV है जरूर, चौथा प्लेयर का डाउन नहीं हुआ, चौथा प्लेयर आए के साथ और मैप में शामिल स्मैश में शामिल ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में फिलहाल अभी तक कोई फाइट देखने को मिली नहीं, जो कि चांसेस थे कि अपना रेंगल में मिरामार में YTF स्क्वाड की तरफ से बहुत
बहुत अर्ली स्टेजेस में इनकी फाइट हुई है और फाइट बहुत बखूबी तरीके से उन्होंने निकाला है। पिरो के स्क्वाड की तरफ आए तो पिरो के स्क्वाड की क्या ही बात करें, चिकन एक तरफ और इनके किल्स एक तरफ, जिस खूबसूरत तरीके से ये किल्स निकाल रहे हैं और ये खूबसूरती और किल्स के बिहार पर मैंने पहले कहा, आप यहाँ पे चिकन नो डाउट आपको एक बूस्ट दिलाता है, आपको एक सडन एक पंप मिलता है और फौरन आप एक जस्ट लाइक अ बग्स बनी आप फौरन अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पायदान पे आते हो, वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वाड अपने किल्स के बिहार पर यहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। MFS मारियो यहाँ पर ये लेकिन डाउन कर दिए गए यहाँ पर बहुत ओपी तरीके से और सर्वाइव भी कर जाएंगे। MFS को फौरन रिवाइव दिया जाएगा और एक्स हमजा यहाँ पे टीम को रिवाइव देंगे। बहुत एक कोऑर्डिनेशन आपकी अगर आपकी दो की स्क्वाड में दो प्लेयर्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अगर आपकी एक अच्छी हो तो आप मेरा नहीं ख्याल कि आपका यहाँ पर अपना नाम बनाने में यहाँ पे आप यहाँ पे अपना एक भरम बनाने में यहाँ पे काफ़ी गोली को बौछाड़ करने में एक नाम बनाने में कुछ देर लगती है। आपकी यहाँ पर अगर बात कीजिए YTF के स्क्वाड की, डोंट टेल मी यहाँ पर दो प्लेयर्स यहाँ पे सोनू और यहाँ पे नैनो ओपी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं जी, और यहाँ पे ब्रांड जो है वो अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। DBS उनके पास, M4 इनके पास, लेवल 2 की हेलमेट वेस्ट उनके पास है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान सोनिक इनके साथ अभी तक नहीं हुए शामिल इस मैच में। लेकिन ब्रांड क्या अपने नाम की तरह यहाँ पर एज अ ब्रांड बनकर सामने आएंगे। सिटी के स्क्वाड ने यहाँ पर सीखा एक यहाँ पे कंटिन्यूसली दो दफ़ा यहाँ पे रेंगल की बात की जाए, बिरा मार की बात की जाए, दो दफ़ा यहाँ पर उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन सैन हॉक में बिल्कुल ऑपोजिट केस, यहाँ पे सैन हॉक में उनके पास स्पॉट ऐसी जगह जहाँ पे उनके इर्द गिर्द एनिमी नजर आ नहीं रहे, लूट भी उनके पास है। DBS मैंने पहले कहा था यहाँ पे मेजोरिटी के पास DBS रहेगी क्योंकि सैन हॉक यहाँ पर DBS को लेकर और हेल्थ यहाँ पर अपना हेल्थ फाइट को लेकर हील बैटल को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे इस रेड नॉट यहाँ पर एक किल निकालने में कामयाब है जी। जैनी फ्यूरी यहाँ पे 0-0 किल अभी तक, जो आईजीएल जो है वो एक किल निकालने में कामयाब, लेकिन एक किल निकालने के बाद वो कुछ ज़्यादा फाइट में पड़े नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम भी उनकी काफ़ी उनको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर सिटी का स्क्वाड यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिससे इनको फाइट लेनी पड़े या इनको, लेकिन स्टिल फोकस्ड है यहाँ पर कहा जाएगा, सतर्क है यहाँ पर। लेकिन अगेन रेक्स के स्क्वाड की बात की जाए तो रेक्स का स्क्वाड यहाँ पे उन्होंने स्पॉट किया है यहाँ पर ओके जी डॉक्स के पास उन्होंने स्पॉट किया है, अगेन DBS भी इन्हीं के पास है, लेकिन इन्होंने स्क्वाड को स्पॉट किया हुआ लेकिन कोई फाइट नहीं ले रहे, हेल्थ किट इनके पास नहीं है। अगर कहीं ना कहीं उनको डैमेज मिलता है, अगर कहीं ना कहीं नॉक होते हैं तो इनका सर्वाइव करने का यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है जी। यहाँ पे देसी का स्क्वाड है जी, यहाँ पे देसी सैम वाइटी जो है उनका यहाँ पर अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जिस तरह यहाँ पर स्पॉट किया गया है यहाँ पर अपने स्क्वाड को, वो देसी सैम वाइटी का स्क्वाड है, देयर स्टिल सर्वाइविंग विद देयर होल स्क्वाड, और यहाँ पर उनको अंदाज़ा नहीं है कि एक घात लगाए एक प्लेयर बैठा है जो उनको यहाँ पर रेक्स का एक प्लेयर जो उनको घात लगाए बैठा है, और DBS उनके पास है। DBS अगर क्लोज एम में चिपकाएगी जी हाँ बिल्कुल वही यहाँ पे स्प्रेड होकर बैठे हैं, अगर एक टीम पे अगर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एक घेरा तंग करके अगर आप पे स्प्रे किया जाए, आप पे गोलियों की बौछार की जाएगी तो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं लगेगी यहाँ पर देसी के स्क्वाड को क्या यहाँ पर ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी या नहीं। KNK के प्लेयर यहाँ पे फाइट में जरूर यहाँ पे किल की नजर आ रहे हैं लेकिन नॉक कर रहे हैं, नॉक यहाँ पर फुल फिनिश की जा रही है, यहाँ पर कोई जाए या ना जाए, लेकिन रेक्स के स्क्वाड जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे फुल ऑन रेडी है यहाँ पर फाइट लेने के लिए। अगेन यहाँ पर फाइट चल रही है जी, मौत यहाँ पर मौत का स्क्वाड यहाँ पर अगेन ये फाइट किसके साथ चल रही है, दो प्लेयर ओके जी नॉट के दो प्लेयर डाउन, नॉट का स्क्वाड कौन सा स्क्वाड है जी, यहाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहुंचे, मेरा मार में दूसरी पोजिशन लेने वाला स्क्वाड में अभी दो प्लेयर उनके बहुत ही जल्द अर्ली स्टेज पे
क्योंकि दो प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं जी और दो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करें। ईएसआर की बात की जाए तो ईएसआर यहाँ पर अपने पूरा स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, पूरा स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे बिला की बात की जाए रेंगल में बहुत खूबसूरत तरीके से खेला, एक टीम में एक यहाँ पे चेंज हमें नजर आता है लाइनअप में कि फोर्थ प्लेयर में डेफिनेटली मैंने पहले कह दिया कि आप अपनी टीम को सैन हॉक में आपको लाइनअप चेंज होती नजर आएंगी कि कोई ना कोई एक आध प्लेयर ऐसा है आप में होता है हर टीम में जिसको कोई या सैन हॉक या मेरा मार्क की एक्सपर्टीज उसके पास होती है तो आप उसको एज अ बैकअप प्लेयर लाजमी रखते हैं अपने पास कि आपको सैन हॉक की बारी आप उसको अपने साथ खिला सकें क्योंकि आपको उसकी जानब से एक जो कॉल्स है वो एक बहुत खूबी तरीके से मिल सकती है। यहाँ पे रिजेस का उसको अंदाजा है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स का उनको उसको अंदाजा होता है, यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स का अंदाजा होता है, यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, फ्रंट फुट पे खेलना है बैक फुट पे खेलना है, यहाँ पे किस तरीके से खेलना है, इस चीज का अंदाजा किसी ना किसी एक प्लेयर को होता जरूर है। इस वजह से आप अपनी लाइनअप में सैन हॉक स्पेशली यहाँ पे अपना लाइनअप में चेंज जरूर आता है। ओके यहाँ पर ये नॉर्थ का स्क्वाड के दो प्लेयर डाउन, नॉर्थ के स्क्वाड वापस आते हुए ओके यहाँ पे नॉर्थ के स्क्वाड के दो प्लेयर यहाँ पे डाउन है, दो प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव करें लेकिन नॉर्थ का स्क्वाड नॉर्थ जो क्यूट बनी जो है वो यहाँ पे फाइट नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उनको अंदाजा है कि हमने यहाँ पे सर्वाइव करना है। और यहाँ पे एक सामने एक रोटेशन ली गई, एक रोटेशन को भी बिल्कुल किसी खातिर में नहीं लाया गया, किसी किस्म का यहाँ पे फोकस नहीं किया गया। ईएसआर का स्क्वाड अपनी धुन में यहाँ पर रोटेशन लेता हुआ बीस्ट एफ पी यहाँ पर आई थिंक दो ही प्लेयर बल्कि दो बिल्कुल यहाँ पे दो प्लेयर यहाँ पर व्हीकल पे बहुत कम देखने को मिलेगा सैन हॉक में आपको कि कोई व्हीकल जो है वो यहाँ पर रोटेशन ले रही यहाँ पे रोटेशन ले रही बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेक्स के स्क्वाड यहाँ पे ओके रेक्स का स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव कर रहा रेक्स का, लेकिन यहाँ पे ये देखना बाकी कि रेक्स भी अभी सर्वाइव को ही उन्होंने प्रायोरिटी दी है लेकिन यहाँ पर कब तक देसी का स्क्वाड जो है वो अपने दूर दूर रहोगे, कब तक दूर रहेंगे यहाँ पर अगर यहाँ पर देसी का स्क्वाड खुले में आता है तो यहाँ पर रेक्स के स्क्वाड की जानब से किसी किस्म का भी लिहाज नहीं रखा जाएगा, किसी किस्म की भी यहाँ पर आसानी इनको नहीं देगा। अगेन यहाँ पे मैप का अगर देखा जाए डॉग्स के पास आप देख सकते हैं रेक्स बकरा रेक्स हीरो रेक्स यहाँ पर होकर वाइटी ये तीनों बिल्कुल स्प्रेड हुए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली वेयर इज द फोर्थ वन कहाँ पे है, कोई स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल अलग रखा हुआ या उनको और यहाँ पर ये इनका एक ये रेक्स के स्क्वाड से इनकी एक स्ट्रेटजी को तो एक है क्या ये वाइज स्ट्रेटजी हो सकती है या इसकी कहीं ना कहीं इनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कि नो डाउट रेक्स के स्क्वाड ने देसी को स्पॉट किया हुआ है, रेक्स यहाँ पर स्प्रेड होके बैठे हुए लेकिन रेक्स को भी स्पॉट किया जा सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं देसी का स्क्वाड बल्कि यहाँ पर देसी का स्क्वाड जिस तरह यहाँ पर रोटेशन ले रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री पे जा रहे हैं। जी हाँ देसी के स्क्वाड को अंदाजा था, देसी सैम को यहाँ पे अंदाजा था कि यहाँ पर मेरे पे यहाँ पे गोलियों की बौछार आएगी और आई जरूर लेकिन किसी किस्म का नुकसान नहीं उठाना पड़ा, आप जोन में चले जाएंगे, आप जोन की बाउंड्री में अभी तक उस तरह जोन बना नहीं। अगेन रेक्स बकरा जो है थोड़ा सा पत्थर के पास यहाँ पे लेट के स्प्रे करना चाहेंगे लेकिन देसी सैम वाइटी उनको भी अंदाजा हो चुका है कि हम पर काफी लोगों के निशाने हैं, काफी लोगों की नजरें हैं, काफी यहाँ पर गोलियों की बौछार आ सकती है और जो कि आई भी है यहाँ पर देखा जाए तो गोलियों की बौछार आई भी है और देसी का स्क्वाड है वो इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं शायद क्या यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कहीं ना कहीं यही वजह थी कि आप अपने स्पॉट से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे थे कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पॉट किया गया। अगेन रेक्स कोकर को यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे स्क्वाड है। अगेन रेक्स कोकर यहाँ पे रोटेशन लेकर आ जरूर चुके हैं लेकिन रेक्स कोकर क्या देसी के कोई एक प्लेयर को डाउन कर पाएंगे, ये वही प्लेयर है रेक्स के जो बिल्कुल राइट साइड पे थे रेक्स के अपना स्क्वाड के जबकि देसी ओके दो प्लेयर यहाँ पे निकल चुके हैं। देसी सैम जो है अगर उनकी रोटेशन देखने को मिली तो वो वहाँ पर रेक्स बकरा के लिए काफी खतरनाक साबित होंगे। रेक्स बकरा जो है लेकिन उनकी बिल्कुल गन पावर है देसी की तरफ जाने भी है। रेक्स खोकर बिल्कुल देख रेक्स खोकर को डाउन किया गया यहाँ पे देसी के स्क्वाड से नो डाउट क्या। अच्छा देसी सैम वापस आ रहे देसी सैम यहाँ वापस आते हुए यहाँ पे देसी सैम वापस आते हुए देसी स्क्वाड को यहाँ पे एक स्ट्रेटजी रखी गई कि हम दो जो है रोटेशन लेते हैं आप दो जो है बैक फुट पे संभाले, रेक्स खोकर जो है वो यहाँ पे डाउन है और यहाँ पे बिल्कुल रेक्स खोकर के बचने की यहाँ पे चांसेस नहीं है
कि रेक्स कोकर जो है वो अपनी टीम से काफी दूर रहने पे मजबूर, यहाँ पर रेक्स कोकर को यहाँ पे डाउन किया जाएगा और फुल फिनिश भी किया जाएगा। लेकिन देसी बकरा को यहाँ पर स्पॉट किया गया, लेकिन देसी बकरा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देसी सरदार के हाथों रेक्स बकरा को देखा गया यहाँ पर। लेकिन देसी सरदार जो है उन्होंने यहाँ पे स्पॉट किया, टैप टैप किया, लेकिन अभी कुछ खास यहाँ पे लोकेशन रिवील ना होने की वजह से एग्जैक्ट यहाँ पे फायर नहीं कर पाए। ओके जी, देसी सैम जो है वापस आ चुके हैं जी, स्क्वाड को सर्वाइव कर रहा है जी। अब यहाँ पे देखेंगे, हमारे सामने मैप दिखाया गया, मैप का अब यहाँ पे जो जोन बन चुका है, थोड़ा सा अगर जूम आउट किया जाए मैप को तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पे जो जोन जो है वो किस तरफ गया है। जोन बिल्कुल कैंप ब्रावो की जाने, बिल्कुल यहाँ पैराडाइज रिजॉर्ट है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करें तो पैराडाइज रिजॉर्ट जो है वो 90% जो है उनके वो जोन में रहने के चांस होते हैं। स्टिल यहाँ पे एक या दो जोन ऐसे होंगे जो पैराडाइज रिजॉर्ट के लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि पैराडाइज रिजॉर्ट पे काफी दफा ये देखा जा चुका है कि पैराडाइज रिजॉर्ट जो है वो जोन में ही रहता है और अगर आउट ऑफ जोन जाए भी तो लास्ट के जोन में आता है। तो पैराडाइज रिजॉर्ट पे जो होंगे वो उनको प्लस पॉइंट जरूर होगा। यहाँ पर अगेन ओके फोर आर्स यूज ईमेल को यहाँ पर रिवाइव करेंगे और यहाँ पे फोर रिवाइव करने का कुछ खास नुकसान होगा नहीं, स्टार्टिंग का जोन है और लेकिन अगेन रोटेशन इनके लिए अब मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे टीम इनको सर्वाइव जरूर करवा रहे हैं, यहाँ पे रिवाइव जरूर करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी रोटेशन मुश्किल होगी। रोटेशन पे आप जब जोन जब स्क्वीज होगा तो सब टीम्स की यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे निशाना होता है। सिटी रेड नॉट यहाँ पे रिवाइव कर रहे हैं अपनी टीम की, यहाँ पे अपने प्लेयर को अगेन फोर रेड नॉट यहाँ पर कह रहे हैं जी, यहाँ पे कहीं स्पॉट अगेन फायर आए और एलिमिनेट कर दिया उनके एक प्लेयर को। यहाँ पर रेड नॉट या फ्यूरी और जैनी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं जी, तीन बल्कि ट्रायो सर्वाइव करें, नॉट अलोन यहाँ पर ट्रायो सर्वाइव करें। एक देर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल स्पेक्टेटिंग में जा चुका है जी, यहाँ पे लॉबी का रास्ता देख चुका है जी। अगेन कैंप चार्ली के पास यहाँ पे MFS का यहाँ पे और सिटी का स्क्वाड की फाइट हो रही थी, जिस वजह से आई थिंक यहाँ पे MFS का स्क्वाड एक्स का स्क्वाड ही था वो जिन्होंने यहाँ पर सिटी के एक प्लेयर को डाउन किया। और यहाँ पे मैप पे अगर देखा जाए तो बखूबी देखा जा सकता है कि सिटी का स्क्वाड जो है वो जोन के बाहर है। कब तक जोन के बाहर है इस चीज़ का अंदाजा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ये देखना बहुत अगेन MFS एलिमिनेट हो गए एक्स स्क्वाड अकेले यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो सिटी के स्क्वाड की अगर बाकी प्लेयर्स की अपनी भी दिखाया जाए क्या वो AFK है या दे आर स्टिल मूविंग यहाँ पे, क्योंकि रेड नॉट जो है वो नो डाउट अगेन फ्यूरी यहाँ पर AFK नहीं है, लेकिन वो जोन से बाहर रहना आई थिंक उनकी एक स्ट्रेटजी ये जरूर रहेगी कि वो जो जोन से बाहर इनके अलावा स्क्वाड है क्या उनको आड़े हाथों ले सकें। एक प्लेयर गवाह जरूर किया सिटी के स्क्वाड ने, लेकिन जो सिटी के अलावा जो स्क्वाड जोन से बाहर है उसको भी कुछ खास यहाँ पे फायदा नहीं हुआ। दो से तीन प्लेयर उनकी भी यहाँ पे डाउन जरूर हुए। सिटी के स्क्वाड अब जोन में जाएंगे, बहुत कम देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पे व्हीकल इस्तेमाल करनी पड़े यहाँ पर सैनहॉक में, क्योंकि अगर आप स्पॉट हो गए तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाए। अगेन पिरो का स्क्वाड यहाँ पे डेड कर रहे हैं, यहाँ पे डेड यहाँ पे सही जगह पहुंचे जी हाँ, एक डाउन यहाँ पे परफेक्ट डेड, दो डाउन यहाँ पर DBS का इस्तेमाल। मैंने पहले कहा यहाँ पर एक प्रेडिक्शन, यहाँ पर एक अंदाजा, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस के तहत यहाँ पे सैनहॉक है DBS का, तो यहाँ पे इस्तेमाल देखा जाएगा। पिरो जब 5 kills अपने बैक में डालते हुए और लेकिन यहाँ पे पिरो को डाउन किया गया। यहाँ पे अगेन अगर आपने किसी को स्पॉट किया है तो हरगिज मत भूलें कि आपको स्पॉट करने वाले भी काफी, ये यहाँ पर अगेन वाइजियन का अकेला प्लेयर यहाँ पे आई थिंक अकेले प्लेयर ही यहाँ पे ज्वाइन किए, बाकी जो तीन प्लेयर उनके इस मैच में ज्वाइन नहीं कर पाए, अकेले यहाँ पे सोलो प्लेयर खेल रहे हैं जी। और सोलो प्लेयर यहाँ पर अगेन जख्मी शेर का नुकसान यहाँ पे पिरो को देखने को जरूर मिला होगा। यहाँ पे वाइजियन जो है एक किल निकालने के बाद बैकफुट पे जा रहे हैं, क्योंकि एक किल के बाद अब उन्होंने पोजीशन को भी मद्देनजर रखना है, फाइट अर्ली स्टेजेस पे नहीं ले सकते, आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप ओके स्पॉट किया गया, ये भी यहाँ पे रेक्स बकरा ने डाउन किया, लेकिन किसको डाउन किया, ये सीधी रेड नॉट को यहाँ पे एलिमिनेट किया, यहाँ पे डाउन किया गया, क्या फुल फिनिश कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे रेक्स बकरा जो है यहाँ पे ग्रास में बैठा, मैंने पहले कहा स्पॉट करना मुश्किल है ग्रास में। एक और यहाँ पे डाउन किया जाएगा रेक्स बकरा, डाउन नहीं यहाँ पे डैमेज किया जाएगा। फ्यूरी यहाँ पे बच निकलने में कामयाब, वेक्टर इनके पास
वेक्टर क्लोज रेंज में आपको अस्तलाविस्ता करेगी, यहाँ पे काफी डैमेज देगी। फ्यूरी डीपीएस, डीपीएस का इस्तेमाल यहाँ पे फ्यूरी ने कहा तुम वेक्टर लेकर आओ, हम डीपीएस लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे डीपीएस एक बेहतरीन, आप डीपीएस का यहाँ पर एक नुकसान, एक फायदा यहाँ पे होता है कि डीपीएस का आपका निशाना बिल्कुल ऐसी पैनिक सिचुएशन में निशाना आपका एग्जैक्ट हो, ये बहुत मुश्किल होता है। और इस चीज का फ्यूरी ने यहाँ पे मेक श्योर किया कि निशाना जो है वो कहीं से चूके नहीं। रेक्स हीरो रेक्स स्टार को अंदाजा है कि हमारा एक प्लेयर जो यहाँ पे डाउन हुआ है वो डाउन करने वाले कहाँ मौजूद है और अब हमें क्या स्टेप लेना है। 79 मीटर्स दूर है यहाँ पे जोन से और आपको जोन में जाना है। टोटली यहाँ पर माइंड को यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए, यहाँ पे यूज करते हुए दो प्लेयर यहाँ पर एलिमिनेट जरूर रहे, इमोशनली नहीं खेल रहे, यहाँ पे सेंसिबली खेल रहे हैं। जोन में जाना है, रोटेशन यहाँ पे देने का मौका दिया जा रहा है रेक्स की जानेब से सिटी स्क्वाड को। और यहाँ पर रेक्स हीरो जो है अगेन अब जोन में जाएंगे, थोड़ा सा रोटेशन को यहाँ पर बड़ा करेंगे, रोटेशन को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सीड करेंगे, इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत कि कहीं वो खुद को स्पॉट करवाकर एक और किल ना दे बैठे एनिमी को। और यहाँ पर सिटी, जो सिटी को अगर देखा जाए, जोन जो है वो टोटली पैराडाइज रिजॉर्ट को यहाँ पर, अब ये वाला जोन जो है पैराडाइज रिजॉर्ट को यहाँ पर खुदा हाफिज कह चुका है। डीएसपी के स्पॉट जोन में देसी के सैम को यहाँ पे इलिमिनेट किया, रेक्स हीरोज यहाँ जोन में जाना चाहेंगे। यहाँ पे एसआईआर का स्क्वाड यहाँ पर क्योंकि चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, एसआईआर शेरा यहाँ पे प्रोटेक्स, यहाँ पर अगेन तोता और यहाँ पर अगेन यहाँ पे एसआईआर का स्क्वाड सर्वाइव कर रहे हैं। एक किल निकाला यहाँ पर एसआईआर का स्क्वाड, यहाँ पे क्लियरली अपने स्क्वाड के लिए खेलती हुई, यहाँ अपने टीम के लिए खेलती हुई और यहाँ पे पोजिशन के लिए खेलती हुई, यहाँ पे अकेले प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे पिरो के स्क्वाड के अकेले प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। और यहाँ पे पिरो के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल संभल कर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें यहाँ पर कोई जोन किसी का सगा नहीं, यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन ही कुछ, यहाँ पे आपको रोटेशन ही कुछ ऐसी लेनी है कि कहीं आप जोन के पास में डीएसपी जो अभी कुछ देर कबल आप जोन में आपको नजर आ रहे थे, अब टोटली जोन से बाहर हो चुके हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर डीएसपी को ये जरूर रहेगा कि आप जोकर यहाँ पर हेल्थ किट लगा रहे हैं, हेल्थ किट मैंने पहले कहा था हील बैटल, यहाँ पर हील बैटल तो आपको देखने को मिलेगा, हील बैटल। और यहाँ पे स्पॉट करना मुश्किल, रेड नॉट को उस चीज़ का अंदाजा हो गया होगा रेड नॉट के फिनिश होने के बाद। लेकिन यहाँ पे फ्यूरी जो है उन्होंने अपने टीम मेट का यहाँ पे रिवेंज ले लिया था। डीपीएस का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था कि डीपीएस को पास में रखा जाएगा और यहाँ पे हील बैटल को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। दोनों ही यहाँ पर जो एलिमेंट्स जो है, जो सैन हॉक की जो ब्यूटी जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे अगर एनएस के स्क्वाड जो है देसी के स्क्वाड के अगेन तीन प्लेयर यहाँ पे डाउन है, तीन प्लेयर यहाँ पे देसी के स्क्वाड के यहाँ पे डाउन है, जिसमें देसी सैम वाइटी खुद भी शामिल है, एक प्लेयर अकेला सर्वाइव कर रहा है वो जो क्योंकि वीके, यहाँ वीके जो है जो अपना फ्लॉक फ्लॉकी जो है वो यहाँ पर बल्कि पूरा स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी अगर हम प्रेडिक्शन करें, क्या अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर अपने बिहाफ पर पास करना चाहें तो ये क्या 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 कह सकते हैं कि वीके का स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है, क्या ये पहले मैच की तरह ट्रायंगल मैच की तरह यहाँ पे चिकन निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज जरूर किया उनकी लाइनअप में भी चेंज है, डीएसपी का स्क्वाड यहाँ पे जोन में आता हुआ, यहाँ पर अगेन वीके का स्क्वाड भी यहाँ पे जोन में आता हुआ, सब अब जोन की गेम है, जोन की दौड़ है, रोटेशन की दौड़ है। अब मेरे ख्याल से अगर अब जोन में जाने के बाद व्हीकल को आपको यहाँ पे अस्तलाविस्ता कहना पड़ेगा, जोकर अकेले सर्वाइव करें, आपको जोन में अगर आपकी व्हीकल को स्पॉट किया गया तो यहाँ पे ब्लास्ट होने में कुछ पल एक पल भी नहीं लगेगा, अगेन आपको जोन में जाना है। यहाँ पे वीके का पूरे अगेन फ्यूरी वाइटी हम सर्वाइव करें, अभी थोड़ी देर पहले हम वीके के स्क्वाड की बात कर रहे थे तो वीके के स्क्वाड के एक प्लेयर भी यहाँ पे डाउन नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुका है। बिल आखिर वीके की स्क्वाड अब फाइट में एंटर हो चुकी हुई है। फ्यूरी वाइटीज में आई थिंक उनके सामने कवर है पत्थर का, जो कि अभी तक ओके अगेन यहाँ पे एक डाउन किया गया, अगेन फायर कीजिएगा, फायर किल्स को यहाँ पे चुराया जाएगा, बल्कि किल्स को चुराया नहीं, किल्स कन्फर्म किए जाएंगे। फ्यूरी दो किल्स निकालते हुए यहाँ पर अगेन फ्यूरी के यहाँ पे दो किल्स हैं, तो चार पांच किल्स जो है अगर ओवरऑल देखा जाए अपने बैक पैक बुला चुके हैं जी। यहाँ पे अगेन यहाँ पे रेक्स का स्क्वाड के दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, एस आई आर के एक प्लेयर डाउन हो गया अभी कुछ ही देर कबल, यहाँ पे एस आई आर का स्क्वाड सर्वाइव कर रहा था, एक करके एक यके बाद दीगरे एक एक करके बैक टू बैक एक एक प्लेयर यहाँ पे डाउन होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे जोन श्रिंक हो रहा है। जोन श्रिंक होने का मतलब ये है नाउ यू हैव टू टेक फाइट
यहाँ पे फाइट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे ना चाहते हुए भी डीएसपी का स्क्वाड का एक प्लेयर डाउन, फोर आर जो है वो डीएसपी के पास है जी, यहाँ पर अगेन फोर, यहाँ पे फोर आर और यहाँ पे डीएसपी के स्क्वाड की आपस में फाइट। यहाँ पे ये जानना है कि क्या फोर आर का अकेला सोलो प्लेयर है जो डीएसपी से यहाँ पे झड़प, अगेन रेक्स हीरो भी यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं डीएसपी स्क्वाड के पास, रेक्स का स्क्वाड, फोर आर स्क्वाड यहाँ पे और डीएसपी का स्क्वाड यहाँ पे फाइट में आमना सामना होने वाला है एसआईआर, और एसआईआर को डेफिनेटली उस जोन में ही जाना चाहेंगे। रेक्स हीरो अकेले, मैंने पहले कहा रेक्स हीरो अकेले, अकेला यहाँ पे स्क्वाड, अकेला प्लेयर यहाँ पे जख्मी शेर डीएसपी के शाम को डाउन किया गया, फोर आर का स्क्वाड का प्लेयर भी यहाँ पे डीएसपी भी यहाँ पे हल्ला बोलते हुए, डीएसपी यहाँ पे सैंडविच होते हुए काफी टफ सिचुएशन, और यहाँ पे हीरो का स्क्वाड यहाँ पर इलिमिनेट होता हुआ, एक आखिरी उम्मीद की किरण जो यहाँ पे जोकर थे वो यहाँ पे एसआईआर स्क्वाड के हाथों यहाँ पे इलिमिनेट हो गए। जोकर ने बहुत खूबसूरत तरीके से इलिमिनेट किया यहाँ पे एसआईआर, यहाँ पे जोकर अगेन जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, तो ओके 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 सॉरी माय बैड, यहाँ पे सर्वाइव करते हुए और बहुत खूबसूरत तरीके से, बल्कि यहाँ पे सर्वाइव करें लेकिन अपनी आखिरी लगता है अपनी आखिरी सांस से यहाँ पर या आखिरी कुछ पल यहाँ पे सर्वाइव करें, क्योंकि आपको जोन में जाना है और जोन में आपको स्पॉट किया, मैंने पहले कहा जोन में अगर व्हीकल लेकर आओगे तो आपको ना सिर्फ स्पॉट किया जाएगा बल्कि आपको यहाँ पर उतारा भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे गेम सर्वाइव करने में कामयाब। क्या जोकर ने यहाँ पे एसआईआर स्क्वाड के लिए, अब यहाँ पे बिल्कुल एसआईआर स्क्वाड का एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हुआ था जो कि जोकर की चैलेंज पे डाउन हुआ, रेक्स का प्लेयर अकेले यहाँ पे लास्ट हेल्थ किट लगाएंगे, जोन पास है आपको हेल्थ किट लगाना जरूरी है, क्या यहाँ पे हेल्थ किट लगा पाएंगे, जी हेल्थ किट लगाने में कामयाब हो जाएंगे लेकिन जोन में तो जाना है आपको, और जोन डीके का स्क्वाड जोन में है। NA7 एरर फ्यूरी का सामने, NA7 फ्यूरी आमने सामने, NA7 एरर बैकफुट पे जा रहे हैं, यहाँ पे NA7 और फ्यूरी 1v1 की फाइट की होने वाली बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, और फ्यूरी और NA7 एरर भी बैकफुट पे जा चुके हैं। फ्यूरी जो है यहाँ बज़ाहिर मैप को देखा जाए तो ये बिल्कुल क्लोज जरूर है, जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम के लिए खेलना है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर NA7 एरर में वो डेफिनेटली सोलो है, यहाँ पे वन मैन आर्मी है, तो आपको अपनी टीम के लिए रेक्स हीरो को यहाँ पे फोर आर ने यहाँ पे इलिमिनेट किया, रेक्स हीरो यहाँ पर आप लेवल के पीछे, लेवल आपके पीछे टू मच वन, यहाँ पर ऐसे फोर आर ने यहाँ पर हीरो को डाउन किया और फोर आर को यहाँ पर NA7 एरर डाउन कर दिया। यहाँ पे वीके के स्क्वाड की बात की, बहुत खूबसूरत तरीके से स्क्वाड में है, मैंने पहले कहा क्या क्या ये स्टेटमेंट पास की जा सकती है कि यहाँ पर रेंगल मैप की तरह वीके का स्क्वाड दोबारा यहाँ पर चिकन निकालेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन यहाँ पर सच साबित होते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक सोलो था प्लेयर जो कि NA7 एरर वो यहाँ पे लिमिट हो गई, यहाँ पे वीके का स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है, तीन स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव करते हुए, नॉट का स्क्वाड भी यहाँ पे सर्वाइव करता हुआ, वीके का स्क्वाड भी यहाँ पे सर्वाइव करता हुआ, अगेन यहाँ पे वीके का स्क्वाड जोन में है, आपको जोन में शेरा यहाँ पे डाउन हुए हैं जी, शेरा को यहाँ पे डाउन किया, एसआईआर के लास्ट यहाँ पे प्लेयर सर्वाइव करें, और यहाँ पे एसआईआर का स्क्वाड भी अस्तलाव, इससे यहाँ पे लॉबी की नजर, यहाँ पे दो प्लेयर, यहाँ पे दो टीम सर्वाइव करी नॉट और वीके, क्या यहाँ पे वीके एक और आज के दिन में बैक टू बैक यहाँ पे आज के दो टिकट देना निकाल पाएंगे नहीं, नॉट योर ट्यूट यहाँ पे डाउन है जी, अकेले प्लेयर सर्वाइव करें, यहाँ पर जिस तरह रेंगल के मैप में इन्होंने जोन को देखा, जोन की प्रेडिक्शन देखी, जोन के मिड में गए, जोन पे उन्होंने फाइट्स ली, किल्स ली, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वीके फ्यूरी की तो थोड़ा सा अपने स्क्वाड से हट के खेल रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा एक यहाँ पर एक ऐसा वुल्फ था जो अपने पूरे जो अपना स्क्वाड को यहाँ पे लेके चल रहा था, पूरे स्क्वाड को यहाँ पर 360 एंगल से यहाँ पे कवर कर रहा था और वो इसको उनको काफी फायदा हुआ। नॉर्थ का स्क्वाड यहाँ पे गेन सेकेंड पोजिशन पे, यहाँ पे नॉर्थ का स्क्वाड ने बहुत अच्छा खेला, यहाँ पे आखिरी वन मैन आर्मी थे, लास्ट स्टैंडिंग मैन थे, लेकिन यहाँ पर ऑल इन वेन यहाँ पर अगेन हक में जाता हुआ वीके स्क्वाड के, यहाँ पे सैनहॉक बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डीबीएस का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर ग्रास का बखूबी इस्तेमाल किया गया, रोटेशन यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज हमें देखने को मिली है वो ये यहाँ पे कि लास्ट जोन तक आपको व्हीकल यूज कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे अब व्हीकल जब अगर स्पॉट हो जाए तो डेफिनेटली आपको ब्यूटी ही सैनहॉक की ये है कि आप लास्ट तक यहाँ पे स्पॉट ना हो, अब ग्रास में खुद को इस तरह यहाँ पे छुपा लो, लेकिन यहाँ पर आप व्हीकल लेकर आ रहे हो तो आपको स्पॉट तो किया जाएगा। अगेन रिजल्ट्स की जानब देखा जाए
तो वीके का स्क्वाड यहाँ पे जिकर डिनर निकालते हुए, नॉर्ड का स्क्वाड बहुत खूबसूरत, लेकिन क्या करें जी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आए, कोई यहाँ पे बुरा नहीं, पोजीशन की वजह से आपको आप कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे खासे लीड्स आज के दिन में मिलेगी जरूर, लेकिन अब यहाँ को आपको किल्स भी बहुत मैटर करते हैं, जिसको वीके बहुत बखूबी यहाँ पे अपना बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज करती आ रही है, चिकन भी निकाल रही है साथ ही साथ में वो यहाँ पर किल्स भी निकाल रहे हैं। और ये टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट क्या है जी, यहाँ पर मल्टी गेमर रमजान लीग प्रेजेंटेड बाय मल्टी गेमर ई स्पोर्ट्स की जानिब से, और स्पॉन्सर्स जो है स्पॉन्सर्स को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज का जो समा जो हमारे सामने बंदा है, हमारे सामने ये जो सब सिनेरियो, ये इतना गेम प्ले, ये क्लचेस, ये यहाँ पर रोटेशन देखने को मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ SIR नार्कोस प्रो नूब इज लाइव एंड वन एंड ओनली हमारे द बेस्ट कास्टर सेसर प्लेयर्स की जानिब से, इनकी स्पॉन्सरशिप के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर इनका बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट को यहाँ पर स्पॉन्सर करने के लिए, स्पॉन्सर्स को यहाँ पर अपने ऑडियंस के सामने लाने के लिए, रमदान के मुबारक महीने में एक टूर्नामेंट यहाँ पर अरेंज करने के लिए, और एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर चलने के लिए। सेसर प्लेयर्स इज नॉट ओनली द स्पॉन्सर ऑफ दिस टूर्नामेंट बट ऑल्सो इज द बैकबोन ऑफ आवर प्रोडक्शन टीम, सो ह्यूज यहाँ पे शाउट आउट भी कहूँगा, ह्यूज रिस्पेक्ट भी कहूँगा सेसर प्लेयर्स Pro Noobs Live and SIR Narcos once again। और यहाँ पर मुझे कहते हैं अनप्लग वाईटी, आपको क्या कहते हैं और आप किस टीम को यहाँ सपोर्ट करते हैं चैट में बताना मत भूलिएगा। आज के मैच का, आज के मैप का और आज के दिन का, पहले डे वन का तीसरा मैच भी अपने इख्तिताम को पहुँचता हुआ जो कि सैनहॉक था। अब इसके बाद मिरामार की जानिब हम वापस बढ़ेंगे। पिछले मैच में तो मिरामार में काफ़ी अच्छे तरीके से वाइल्ड के स्क्वाड ने परफॉर्म किया, क्या वो वाइल्ड के स्क्वाड अपनी मिरामार में ग्रिप दोबारा से बना पाएंगे, या वो टीम्स जो मिरामार में परफॉर्म नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ जोन, क्या वो स्मैश में परफॉर्म कर पाएंगी, अभी कुछ ही देर में हमारे वो रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। मैं हूँ आपका अपना प्लग वाईटी, मिलते हैं थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ओके जी, एक दफा फिर से वेलकम बैक है सबका। तीन मैच आज के दिन के मेन यहां पर हो चुके हैं जी। बस फर्स्ट रेंगल, उसके बाद यहां पे मिरामार, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले हम यहां पे सैनॉक मैच देख रहे थे और बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पे वीके ने यहां पर सैनॉक की। दोनों ही मैच जरूर ले रही, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम किल्स के बिहाफ पर भी लोग काफी ज्यादा यहाँ पर जो है पोजीशन में उतार चढ़ाव आ रहा है। आज के डे वन का जो ग्रुप ए जो है उसका लास्ट जो है मैप मिरामार होने जा रहा है। तो यहाँ पर काफी दफा हमने यहाँ पे एक नॉर्मल रूटीन में देखा है कि रेंगल, मिरामार, सैनहॉक, देन उसके बाद रेंगल होता है, लेकिन यहाँ पर मिरामार एक बिल्कुल ट्विस्ट यहाँ पर लेकर आएगा, क्योंकि मिरामार में यहाँ पर एक बिल्कुल रेंगल आज के दिन एक मैप और मिरामार में जो वाइल्ड के स्क्वाड ने रोटेशन ली, अब यहाँ पर काफी जो टीम्स हैं उनकी नजर में वाइल्ड की वो रोटेशन, वाइल्ड का वो गेमिंग स्टाइल, वाइल्ड के वो जो गेम प्ले वो कहीं ना कहीं उनकी नजर में जरूर होगा। तो वो इस चीज को फॉलो करेंगे कि आप किस तरह लास्ट में रोटेशन लेनी है, किस तरह लास्ट में आपने अपने आप को सर्वाइव करवाना है, क्योंकि जो टीम्स पहले तीन मैच में सर्वाइव अपना यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाई उनके लिए ये यहाँ पे डू एंड डाई की सिचुएशन है। क्योंकि आपको ग्रुप ए अपने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आपको यहाँ पर पहले अगर मैच के बिल्कुल आज डे वन की स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्ट में तो आप यहाँ पर चिकन के लिए अगर फॉर सपोज अगर चिकन के लिए ना भी खेलते, चिकन ना भी निकाल पाते तो एक वो उस तरह आपको धचका नहीं लगना था। लेकिन तीन मेन मैच हो चुके हैं जिससे आपकी पोजिशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और जो यहाँ पे डाउन होते जा रहे हैं वो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो जो स्ट्रॉन्ग वन है उनकी पोजीशन को, उनकी यहाँ पे पकड़ को यहाँ पे तोड़ना जरूर चाहेंगे। तो मिरामार मैप आई थिंक एक ऐसा यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है मिरामार मैप को यहाँ पे देखने के बाद कि यहाँ पर पॉइंट्स टेबल आई थिंक यहाँ पे जो टेबल्स जो है वो यहाँ पे टर्न हो सकते हैं और मिरामार मैप में काफी नॉट के स्क्वाड जो सेकंड पोजीशन पे है और काफी मैचेस में सेकंड पोजीशन पे आए जरूर है। लेकिन देखते हैं जी आज के लास्ट मैच में जो कि ये आपके सामने स्टार्ट हो चुका है जी, कैसा यहाँ पर परफॉर्म होता है यहाँ पर। और प्लेन पाथ की बात की जाए यहाँ पर, प्लेन पाथ ने यहाँ पर बिल्कुल सैन मार्टिन के ऊपर से जाता हुआ, अगर हम लास्ट टाइम जो हमने प्लेन पाथ देखा था उसमें और जो जोन देखा था, सैन मार्टिन मार्टिन जो था सैन मार्टिन वो वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट रही है और वो उस मैप की फेवरेट स्पॉट रही है कि सैन मार्टिन जो है लगातार आई थिंक 6 से 7 जोन या 4 से 5 जोन जो है ऐसे हैं जिनमें वो सैन मार्टिन विद इन जोन रहा है। तो जो टीम सैन मार्टिन उतरी थी उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर था कि किसी किस्म की फाइट भी ना लें और साथ साथ जोन में सर्वाइव भी कर जाए, क्योंकि डेफिनेटली आप जहाँ मर्जी लैंड करें, जहाँ चाहे आप बिल्कुल एक बिल्कुल अपना टॉप ऑफ द नॉर्थ में चले जाए, ईस्ट में चले जाए, वेस्ट में चले जाए, जब आप या अपना साउथ में चले जाए आपको बिल आखिर लौट कर आपने जोन का सेंटर ही पकड़ना है, जोन की बाउंड्री ही पकड़नी है। तो जोन की बाउंड्री के दौरान पकड़ने, जोन को यहाँ पे लेके चलने के दौरान आपको काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे काफी ज्यादा चीजों को यहाँ पे फेस करना पड़ता है, जिनमें से जो मेन चीज है वो यहाँ पर एनिमी की यहाँ पे स्पॉटिंग है। अगर एनिमी आपको स्पॉट करता है देन आपकी रोटेशन जो है उसके लिए आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर अगेन जोन जो है ना तेरा ना मेरा, जोन जो है वो यहाँ पर टोटली अपनी नेचर को यहाँ पर सबके सामने रिवील करते हुए एज यूजुअल यहाँ पे प्रेडिक्शन जो है पिछले मैच में यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे जब अपना अल अजहर की जानिब जो है जो जोन बना था आपका, लेकिन दिस टाइम है लॉस यूनिवर्स है, सैन मार्टिन कहीं ना कहीं जोन में जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली कि क्या यहाँ सैन मार्टिन जोन में रहेगा 3-4 जोन। और अगर हम यहाँ पर डीएसपी स्क्वाड की बात करें तो डीएसपी के स्क्वाड जितना मर्जी जोन की एक साइड को उतर जाए लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ एक और टीम भी अगली स्टेज में फाइट को देखने को मिल सकती है। यहाँ पे वाईटीएफ के स्क्वाड को देखा जाए, वाईटीएफ के स्क्वाड को तो अगेन वाईटीएफ का स्क्वाड यहाँ पर रोटेशन लेते हुए सिग्मा सोनिक जो है वो वापस आ चुके हैं यहाँ पर, अपने टीम के आईजीएल भी हैं और इज द बैकबोन ऑफ हिज टीम। यहाँ पर डीएसपी के स्क्वाड हुज़ैफा यहाँ पर काशान जो है यहाँ पर सामने, और काशान की बात की जाए तो काशान हमेशा से वो लास्ट सर्वाइवर रहते हैं टीम में, जो
जो अपनी टीम को पोजीशन दिलाने में और लास्ट तक सरवाइव करवाने में यहाँ पर सरे फेरिस रहते हैं, बस दिस टाइम यहाँ पे कुछ बात अलग है। यहाँ पे एहतिशाम जो है वो बहुत जल्दी इलिमिनेट हो गए। अब सारा जो है जिम्मेदारी है वो बाकी तीन प्लेयर पे है, जिनको यहाँ पर अपना एहतिशाम की जो जिम्मेदारियाँ जो है वो भी यहाँ पे निभानी होंगी। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ESR का स्क्वाड यहाँ पे सर्वाइव करता हुआ, और ESR स्क्वाड के भी एक प्लेयर यहाँ पे डाउन है और दो और यहाँ पे स्टिल से लूट जारी है। अगेन ये अर्ली स्टेज पे फाइट काफी नुकसान देती जरूर है, लेकिन यहाँ पे आप इनको काफी संभल के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे एल्पोजो के पास यहाँ पे नॉर्ड का स्क्वाड यहाँ पे, और एल्पोजो एक ठीक ठाक लूट यहाँ पे नॉर्ड का स्क्वाड मिल सकती है। DSP स्क्वाड के काशान, क्योंकि यहाँ पर काशान एक हमेशा से ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमेशा से DSP को यहाँ पे सर्वाइव करवाने पे और एक लास्ट मैन स्टैंडिंग हमेशा से नजर आए हैं। और हमेशा से ना किए जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही नजर आए हैं, लेकिन दिस टाइम ये जिम्मेदारी जो है ये यहाँ पे DSP के बाकी प्लेयर्स पे है। NA7 की बात की जाए तो एरर वो लास्ट प्लेयर थे जिन्होंने सैन हॉक में यहाँ पर NA7 को यहाँ पर टॉप 5 आई थिंक जो है पोजिशन में से एक पोजिशन दिलवाई है। लेकिन यहाँ पर NA7 को हरगिज ये चीज नहीं भूलनी चाहिए और ना ही और ये चीज को इस चीज का काफी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि गन पावर नो डाउट गन पावर इनके पास है, एक एक्सपीरियंस टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है, लेकिन यहाँ पर जब आपके ओपोनेंट सब ही प्रोफेशनल हो देन आपको बहुत सोच समझ के आप खेलना पड़ेगा। यहाँ पर NA7 के साथ साथ अगर रेक्स के स्क्वाड देखा जाए पिछले मैच में, अगर हम YTF स्क्वाड की बात करें तो YTF के एक प्लेयर यहाँ पर शामिल नहीं हुए जो के सोनिक थे, जो के सैनॉक में शामिल थे। यहाँ पर सेम कंडीशन रेक्स के स्क्वाड की, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर के साथ शामिल नहीं है, फोर्स वन प्लेयर नहीं है। सेकंड पॉइंट कि उनका एक प्लेयर उनका यहाँ पे डाउन हो चुका हुआ है, वो यहाँ पे इलिमिनेट हो चुका है, वो लॉबी की नज़र हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर रेक्स पर स्क्वाड में काफ़ी यहाँ पर भार है। अगर यहाँ पर रेक्स के स्क्वाड की बात की जा रही है तो साथ में अगर मैप को भी लेके चला जाए तो यहाँ पे पीरो का स्क्वाड जोकर जो कि अपने की पूरा स्क्वाड जो है वो चिकन निकाले या ना निकाले, लेकिन जो जिस तरह जिस स्पीड से वो किल्स निकाल रहे हैं मेरे ख्याल से चिकन तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है जो उनकी जिस तरह वो किल्स निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जोकर की नज़र से काफ़ी दूर चले गए रेक्स के स्क्वाड, कि जोकर लास्ट टाइम भी उन्होंने सर्वाइव किया, काफ़ी अच्छा सर्वाइव किया। हीरो की बात करें वो सीरियस की बात करें और इस पूरा स्क्वाड काफ़ी तगड़ा स्क्वाड गन पावर को लेकर किल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक सरे फहरिस्त है। रेक्स के स्क्वाड का रेक्स के प्लेयर जो हीरो और बकरा जो कहीं ना कहीं खुद को अपने हीरो के स्क्वाड की नज़र से ओझल करने में कामयाब जरूर हो गए, हाइट लेना चाह रहे हैं। कि हाइट का सबसे प्लस पॉइंट को ये हो सकता है कि यहाँ पर एक तो इनका टीम फौरन इनको नॉक करने के लिए नहीं अपना आएगी, अगर आई भी सही तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पॉट ये पहले कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनका हाइड एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पे हाइड होगी, एडवांटेज होगी। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा हाइड से यहाँ पे गाड़ियों की जो टायर जो है वो अपना ब्लास्ट करने के चक्रों में है, और ये स्ट्रेटजी बस इनको इसी हद तक काम आ सकती है कि कोई भी इन तक आने से पहले गाड़ी में बैठता है तो वो ये जरूर देखेंगे कि यहाँ पे रेक्स तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि गाड़ियों के टायर ब्लास्ट हैं। 4R के प्लेयर यहाँ पर उनके सामने बैठे, अगर हम 4R के प्लेयर देखना चाहें, 4R की तरफ अगर हम जो POV लेके जाएं मैप में हमें 4R स्क्वाड नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ 4R जो है वो अकेले सर्वाइवर है या वो अकेले किसी स्ट्रेटजी के तहत वो बिल्कुल अकेला खेल रहे हैं, क्योंकि सोनी का स्क्वाड उनके सामने जरूर है, लेकिन 4R जी हाँ 4R यहाँ पे स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे अकेले हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो कितने हद तक कितने फीसद उनको यहाँ पे हेल्प आउट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर फवाज में वो यहाँ पे अकेले सर्वाइव करें, उनके सामने YTF का स्क्वाड है जिन्होंने आज की इस डे वन में 1v3 और 1v4 जैसी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है। और यहाँ पे YTF ब्रेन है और यहाँ पे अपना नैनो ओपी है और यहाँ पे सोनू है और यहाँ पे अगेन सोनिक भी वापस आ चुकी है, और जैसे हमने मैच की स्टार्टिंग बात की सोनिक इज द आइडियल ऑफ हिज टीम, आल्सो बैकबोन भी है कि यहाँ पे आपकी कॉल्स और यहाँ पे आपके पैनिक सिचुएशन से निकालने के लिए आपका जो आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना बाकी जोन जो है यहाँ पे सैन मार्टिन अब मैं सैन मार्टिन को ज्यादा फोकस करने वाला हूँ इस मैप पर, जस्ट बिकॉज के
पिछले मैच में अगर कुछ टीम्स अगर पिछले मैच की अगर रोटेशन को जोन को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जो सेंट मार्टिन जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पे काफी ज्यादा काफी रोटेशंस में काफी जोन में उन्होंने टीम का साथ दिया, लेकिन यहाँ पर मिरामार है स्टार्टिंग में जोन जो है उतना डैमेज नहीं करते, 3 से 4 जोन आप खुद को सर्वाइव करवाने भी यहाँ पे करवा सकते हैं। अगेन NA7 की बात कीजिए, कोई किल्स अपने बैक पैक में डाले लेकिन फिलहाल यहाँ पर सर्वाइव जरूर कर रहे हैं NA7, और यहाँ पे NA7 को अंदाजा है कि उनको यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट सर्वाइव करना। अब यहाँ पे सिटी का स्क्वाड जाने वापस है, सिटी का स्क्वाड यहाँ पर रेंगल में उनको काफी ज्यादा यहाँ पे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरा मार की बात किया जाए जो कि सेकेंड मैप आज का जो रहा था उसमें भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, दिस टाइम यहाँ पर गाइड किया गया यहाँ पर आपको फॉरन फाइट नहीं लेनी अनलेस अंटिल कि आपको यहाँ पर खुद यहाँ पे धकेला जाए फाइट की जाने, जब आपके पास या आपके पास फाइट के अलावा और कोई मौका ना हो। सिटी के स्क्वाड का जिक्र चल ही रहा है तो यहाँ पर सामने जो स्क्वाड है वो NA7 का स्क्वाड है, NA7 और सिटी के स्क्वाड इनके लिए डू और डाई की कंडीशन है क्योंकि NA7 भी कोई खास पोजिशन नहीं निकाल पाई और सिटी की स्क्वाड भी पोजिशन यहाँ पर तो नहीं निकाल पाई, लेकिन हाँ किल्स कहीं ना कहीं इनके स्क्वाड ने निकाले हैं, किल्स निकालने की यहाँ पर NA7 और यहाँ पर सिटी के स्क्वाड का एक तगड़ा मैच हो सकता है, लेकिन इतनी स्टार्टिंग स्टेजेस पे आई डोंट थिंक सो कि दोनों टीम ये चाहेंगी कि हमारा यहाँ पे एक दूसरे टाकरा हो, कि यहाँ पर एक शेयर है तो दूसरा यहाँ पे सवा शेयर है, यहाँ पे NA7 यहाँ पर जंप कर दिए, यहाँ पे अगेन सिटी के स्क्वाड NA7 यहाँ पे आमने सामने और भी जल्दी यहाँ पे ओके NA7 स्मैक्सी वहां से यहाँ से बैक फुट पे जाते हुए यहाँ पे अगेन या ये स्ट्रेटजी है या ये वाकई रोटेशन लेके आके कुछ यहाँ पर सिटी पे हल्ला बोलेंगे। NA7 की एक प्लेयर डाउन है, यहाँ पे बिगड़ा जो है वो NA7 की रिवाइव कर रहे हैं और जस्ट बिकॉज कि ये मेरा मार है इतनी जल्दी रश नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक मेरा मार का मैप है और आपको काफी दूर से दौड़ कर आना है, यहाँ पे NCT स्क्वाड के यहाँ पे दानू है और यहाँ पे NA7 एक मौली लगी, यहाँ बिगड़ा को मौली जरूर लगेगी, फौरन यहाँ पे लेट जाएंगे क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस के तहत आपको अंदाजा है कि अगर मौली लगने के बाद लेट जाने से आपको जो आपकी हेल्थ है वो स्पीडली डाउन नहीं होती एज कम्पेयर टू अगर आप पैनिक होके भागे। सिटी फ्यूरी यहाँ पर स्पॉट जाने से यहाँ पे नेड और यहाँ पे जो मौली है उसका यहाँ पे मुजाहरा किया जा रहा है, फ्रंट फुट पे तभी जाएंगे जब एक आध नॉक होगा, आई थिंक एक नॉक होने के बाद यहाँ पे सिटी रेड डॉट पे उसकी तरफ से काफी क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पे NF क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कुछ किल्स नहीं निकाले, NA7 दे आर स्टिल सर्वाइविंग ठीक है और स्टिल उनका एम सिटी के पे होगा और यहाँ पे NA7 जो है सोल जॉर्ज जो है वो यहाँ पे बार बार यहाँ पे जो खिड़कियाँ जो है वो यहाँ से बिल्कुल बदल की यहाँ पे लोकेशन देख रही है कि कहीं से यहाँ पे सिटी की लोकेशन पता लग जाए, कहीं से हमें अंदाजा हो जाए कि हमने कहाँ से बचना है कहाँ से नहीं बचना। यहाँ पे एक बेहतरीन यहाँ पे आपका एक NA7 को एडवांटेज ये है कि आपके पास बिल्डिंग ऐसी है कि आप अपने लोकेशन टोटली चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक भी करते डाउन हुआ उस यहाँ पे सिटी के स्क्वाड से की जानब से बिल्कुल यहाँ पे हाथ हल्का नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल की जानब से यहाँ पे हाथ बिल्कुल यहाँ पे सिटी फ्यूरी और NA7 सोल जॉर्ज यहाँ पे आमने सामने सिटी फ्यूरी यहाँ पे कंज्यूमेबल्स यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे अगेन ब्रेक पीते हुए यहाँ पे NA7 सोल जॉर्ज में यहाँ पे रैंडम फायर दे रहे हैं, यहाँ पर पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं दूर यहाँ पर भेजने की कोशिश सिटी फ्यूरी यहाँ पर जो उनके पास S12 की है S12 रेड नॉट के पास S12 के यहाँ पे क्लोज रेंज के लिए आई थिंक इनकी एक स्ट्रेटजी है, ये मिलकर डिसाइड किया कि अगर क्लोज रेंज फाइट करेंगे हम S12 के को यहाँ पे मद्देनजर रखेंगे या यहाँ पे S12 के और UMP में से कौन जीतेगा, एरर के पास UMP है और यहाँ पर एक बात नोट कीजिए क्या ये महज इत्तफाक है कि NA7 के पास सबके पास UMP है और सिटी के पास स्क्वाड के पास S12 के है, ये देखना बहुत जरूरी, देखते हैं कि ऊंट के स्कर्बट बैठता है जी, देखते हैं यहाँ पर कौन बाजी लेकर जाता है कि सिटी के स्क्वाड को ऑलरेडी दो मैचेस यहाँ पे धचका लगा यहाँ पे S12 के इस्तेमाल यहाँ पे स्मोक में से S12 के मैंने पहले कहा था अगर डाउन हो गए उसके बाद यहाँ पे रश किया जाएगा S12 के बूम यहाँ पे कौन यहाँ पे FPP करके पाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अगेन सिटी के स्क्वाड अब यहाँ पे NA7 बिगड़ा भी डाउन है, रेड नॉट भी डाउन है, यहाँ पे डाउन यहाँ पे क्लोजिंग आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई काफी देर कर दी
बैरमा आते आते अगेन यहाँ पर NA7 के प्लेयर जो नॉक प्लेयर थे वो भी डाउन, NA7 का पूरा स्क्वाड यहाँ पे असलाविस्ता लॉबी की नजर करते हुए सिटी फ्यूरी बहुत ओपी तरीके से यहाँ पे जंप शॉट की। अगर मुझे अगर यहाँ पे मुझे कंफर्म किया जाए या यहाँ पे एन ए अगर मुझे एलिमिनेशन दिखाई जाए प्लेयर्स की जो टीम लिस्ट दिखाई जाए क्या उसमें से NA7 टोटली एलिमिनेट हो गई है या कहीं ना कहीं उनका एक प्लेयर सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि एक प्लेयर यहाँ पर कहीं ना यहाँ पर एक प्लेयर जो है उसकी रोटेशन थी यहाँ पर, वो देखना बहुत जरूरी। अगेन मैप आपके सामने जो सीरियस स्क्वाड काफी दूर रहने पर मजबूर, बीके का स्क्वाड जोन से बाहर है, सावा जो है जो उनकी टीम है सावा है लावा है देन पावा है जो है इनके स्क्वाड की ये प्लेयर दे आर स्टिल सर्वाइविंग। स्टैन मार्टिन इस तरफ से यहाँ पे क्लोज इन कर रहे हैं और जोन की जहाँ पे बाउंड्री पे जरूर है DSP का स्क्वाड जो है इस टाइम आपको जोन से बाहर नजर आ रहा है। सिटी का स्क्वाड यहाँ पर जो है दे आर स्टिल सर्वाइविंग और बहुत खूबसूरत तरीके से NA7 को एलिमिनेट किया दिस टाइम काफी सेंसिबली, काफी यहाँ पर S12K का जो स्ट्रेटजी उन्होंने माइंड में सोची हुई थी वो काफी हद तक यहाँ पे कामयाब होती नजर आई है। अच्छा नॉट एक प्लेयर यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा सिटी के स्क्वाड को, लेकिन जी हाँ यहाँ पर जो NA7 का स्क्वाड सारा स्क्वाड ही यहाँ पे एलिमिनेट। अगेन देसी के स्क्वाड की बात की जाए तो देसी के स्क्वाड यहाँ पे सिटी के स्क्वाड नजर है, लेकिन ये मेरा मार है यहाँ पर अगर आप एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन करते हो, डाउन करने के बाद आप ये हरगिज नहीं सोच सकते कि अब हम इस पर रश करें, क्योंकि आपको रश करने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे सफर तय करना पड़ता है और उस दौरान जो एनिमी है वो ना सिर्फ रिवाइव हो जाते हैं बल्कि वो हेल्थ किट लगाकर आप पर गोलियों की बौछार करने को भी तैयार बैठे होते हैं। देसी सरदार दो किल्स अपने बैक पे डालें, देसी सैम वर्टी दो किल्स उन्होंने अपने बैक पैक में डाले, ओवरऑल चार किल्स अपने बैक पैक में डाल चुके हैं और पूरी टीम अब यहाँ सर्वाइव करेगी। जबकि अगर सिटी स्क्वाड की बात की जाए जो कि यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे गवा चुकी है, लेकिन एक प्लेयर के साथ साथ एक स्क्वाड भी उन्होंने रिवाइव जरूर किया है, कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस उनका यहाँ पे बूस्ट हुआ होगा कि यहाँ पे अब यहाँ पे फाइट लेने के लिए नेक्स्ट फाइट में वो अब थोड़ा सा बेहतर और यहाँ पर अच्छा और काफ़ी सेंसिबली और विदाउट या गेटिंग पैनिक सिचुएशन वो यहाँ पर खुद को सर्वाइव करवा सकते हैं। जी जैसी सैम स्टिल यहाँ पे ईगल आई यहाँ पर सिटी स्क्वाड पे यहाँ पर जमी हुई है और सिटी की स्क्वाड जो है वो भी बिल्कुल अपना इतनी जल्दी फाइट को खातिर में नहीं लाएंगे। जैसी स्क्वाड वो ऐसे यहाँ पे सिटी स्क्वाड जो है अब सिटी फ्यूरी अगर प्यू भी देखा जाए दोनों जानब से तो आपको एक चीज प्लस पॉइंट हमने जिक्र किया S12K का और UMP का, जो कि मैंने कहा कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक स्क्वाड के पास UMP है और एक के पास यहाँ पर S12K। जी हाँ वो इत्तेफाक नहीं, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे देखा गया था। राइट नाउ अब आप हर किसी के पास R98 है, एक के पास यहाँ पर UMP है और यहाँ पे ओके ठीक यहाँ पे सिटी रेड नॉट को यहाँ पे स्पॉट किया गया। ठीक है आपको हाइट का एडवांटेज जरूर है लेकिन आप इस तरह से फाइट नहीं ले सकते, इवन तो आप यहाँ पे अपनी अगर कोई डाउन करते भी हैं तो यहाँ पे वो एरेंगल या सैनऑक मैप की तरह आप क्लोज इन नहीं कर सकते, आपके पास यहाँ पे व्हीकल्स हैं आप फोर फोर रिवाइव करके आप यहाँ से जा सकते हैं। जैफा को यहाँ पे अब जोन में जाना है और यहाँ पे कॉल आ चुकी है देसी की स्क्वाड की तरफ से कि राइट नाउ हमें अब जोन की तरफ मूव ऑन करना है और सबके पास अपनी व्हीकल्स अगर दिखाई जाए यहाँ पे मैप दिखाया जाए तो मैप अगेन यहाँ पे सैन मार्टिन बाउंड्री पे जरूर है। आप भी कहते होगे कि क्या सैन मार्टिन, लेकिन यहाँ पर एक चीज जस्ट बिकॉज कि आपने यहाँ पर टूर्नामेंट पूरा देख खेलना है उस कहीं ना कहीं स्पॉट्स कहीं ना कहीं वो मेन लैंडिंग पॉइंट्स कहीं ना कहीं जोन जो है उसकी रोटेशन के बाद पे आप नेक्स्ट डे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी स्पॉट ऐसी थी जो कि थ्रू आउट टूर्नामेंट में आपके साथ रही है। और अगर हम सैनऑक की बात करें वहाँ पे पैराडाइज रिजॉर्ट है, जहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सैन मार्टिन है, 4R5 में वापस अपनी टीम के साथ वापस आ चुके हैं। यहाँ पर बीके का स्क्वाड यहाँ पे फाइट नजर आ रही है, 4R5 यहाँ पे डाउन करेंगे, क्या डाउन कर पाएंगे या 4R5 बिल्कुल यहाँ पे स्पॉट नहीं करेंगे या फवाद या बिल्कुल फाइट में जाना नहीं चाह रहे। अगेन यहाँ पे 4R के एक प्लेयर ने यहाँ पे हार्डेस्ट के एक प्लेयर डाउन किया गया। अगर हम बीके की साइड से अगर हम उनका व्यू भी देखना चाहें एक प्लेयर उनका डाउन जरूर हुआ है, यहाँ पे 4R यहाँ पे शैतान एक किल अपने बैक में डाला है और यहाँ पर वीके का स्क्वाड जो है अगेन वीके बिल्कुल यहाँ पे हार्डेक्स जो है वो यहाँ पे लेट हुए, यहाँ पर अगेन यहाँ पर POV लेट आया, लेकिन POV लेट आने के बाद एक चीज जो मेरे लिए काफी ज्यादा वो एक हैरानी वाली बात है,
क्योंकि वीके का एक प्लेयर स्क्वाड का एक प्लेयर यान के साथ नहीं है, नहीं जुड़ सका, और ना जुड़ने की वजह से आप पे पैनिक सिचुएशन ही उस लिहाज से बनती है, उस लिहाज से ही आप अपनी अपना गेम को आपका नजरिया बदलता है कि अब हम रश करें। अब देखिए जिस तरह अभी यहाँ पे वीके का स्क्वाड बैकफुट पे जा रहा है जस्ट बिकॉज के हार्डेस यहाँ पे डाउन हुए। अगर यहाँ पे ट्राई होता तीन प्लेयर होते तो आई डोंट थिंक जिस तरह ये बैकफुट पे जाते, जिस तरह इन्होंने थ्रू आउट अपने आज के डे वन परफॉर्म किया, तो बैकफुट पे जाना यहाँ पे डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, बट राइट नो कोई स्ट्रेटजी जस्ट अपने फोर्थ प्लेयर के ना होने की वजह से अपनानी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली शेयर जंप करने के लिए एक कदम बैकफुट पे जरूर जाता है, देसी का स्क्वाड जो है वो यहाँ पे सर्वाइव करे। इसी के उनका पैन है क्या यहाँ पर दूर से पैन मारकर 1v4 करने के चक्करों में क्या सीन है यहाँ पर, ये देखना बाकी। ओके मिराडो में बैठेंगे देसी सरदार यार, ओके जी देसी सरदार यहाँ पे मिराडो में यहाँ पर जोन की जाने बढ़ते हुए, और उनके साथ एक और प्लेयर भी है जी, ओके एनएस उनके साथ उनके जो है टीममेट उनके साथ जोन में। यहाँ पर अगर देसी सैम जो है वो अगर देखा जाए तो वो अगर किसी सिटी की स्क्वाड की बात की जाए फ्यूरी है, ओके यहाँ पे इमरजेंसी पिकअप का इस्तेमाल किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रेटजी, यही वो बात थी जिस वजह से यहाँ पे देसी स्क्वाड स्क्वाड फाइट नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि पास एमरजेंसी पिकअप था, वो जोन में इजीली आ सकते थे जो कि आते हुए नजर आ गए। और अगेन यहाँ पर अलाफिज कह दिया गया सैन मार्टिन के स्क्वाड को, अपना यहाँ पर अपना स्क्वाड को अगेन यहाँ पे अगर सिटी के स्क्वाड किया थोड़ा सा पीओवी यहाँ पे जूम इन किया जाए तो सिटी के स्क्वाड यहाँ पे फाइट ली जा रही है। यहाँ पर अगेन नेड स्मोक किया जा रहा है, यहाँ पे सिटी वर्सेस यहाँ पे भी नैनो, अगेन वाइट डी स्क्वाड की नैनो, क्या नैनो यहाँ पे 1v3 1v4 यहाँ पे रिपीट कर पाएंगे, यहाँ पे वाइट डी स्क्वाड भी पास सिटी का स्क्वाड वंस अगेन YTF यहाँ पर हैट्रिक होगी। अगेन यहाँ पे ब्रांड को डाउन किया गया, गेम ब्रांड को डाउन किया जरूर जाएगा, लेकिन रेड नॉट बैकफुट पे जंप करेंगे, यहाँ पे रेड नॉट गेन की जंप पे थर्ड पार्टी SIR स्क्वाड जाने से यहाँ पे रेड नॉट को यहाँ पे डाउन किया गया। YTF स्क्वाड को एडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पे बैकफुट से यहाँ पे सिटी को काफी यहाँ पे नुकसान, ब्रांड को यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिटी का स्क्वाड क्या, सिटी का स्क्वाड का पीओपी दिखाई दे कि क्या सिटी का स्क्वाड सारा एलिमिनेट हुआ है या उनके सिर्फ और सिर्फ रेड नॉट ही एलिमिनेट हुए। सिटी का स्क्वाड कम्प्लीटली यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ, यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से सैंडविच, यहाँ पर अच्छी ट्राई की, एक बैक यहाँ पर YTF ब्रांड को यहाँ पे डाउन किया। ब्रांड को डाउन करने के बाद हरगिज नहीं सोचा था यहाँ पे SIR का स्क्वाड भी यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आ टूटेगा उन पर, और इस तरह की क्यामत उन पर टूट पड़ेगी। एक सैंडविच बना बहुत बुरे तरीके से, पर ये अपना मेरा मार में बहुत कम देखने को मिलता है इतना क्लोज रेंज में सैंडविच। हाँ मेरा मार में हिल्स अगर नॉक होने के बिहाफ पे दूर से टैप टैप देके हिल्स चुराए जाते हैं जो कि एक ऑफ गेम का हिस्सा है, लेकिन इस सिचुएशन में इस तरह सिचुएशन बहुत कम बनती है कि बहुत क्लोज रेंज में एक सैंडविच बन जाए। और अगेन जोन जो है बिल्कुल यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक खुले में बनता हुआ, यहाँ पे कोई खास बड़ी बिल्डिंग्स अपने घेरे में नहीं ली, जोन के बाहर यहाँ पर रेक्स का स्क्वाड जोन के बाहर है, 4R का स्क्वाड जोन में आ जरूर जाएगा, लेकिन रेक्स हीरो को देखा जाए वो जोन के बाहर क्या कर रहे हैं, जोन के बाहर अकेले हैं, रेक्स का स्क्वाड अकेले प्लेयर है, ब्लैक्स का स्क्वाड जो जोन में चलो आना जरूर चाह रहे हैं, यहाँ पे देसी का स्क्वाड जोन में, ओके अगेन दो जो किल्स अपने बैक में डाले थे, अगेन वही दो 4 किल्स ही अपने उनके पास अभी तक बटोर सके हैं, अगेन चारों प्लेयर सर्वाइव करें। जैसी सैम ने इस चीज को मेक श्योर किया है कि अपने स्क्वाड के सारे प्लेयर्स में वो यहाँ पे सरवाइव करें, नॉट स्क्वाड के दो प्लेयर डाउन है, दो प्लेयर यहाँ पे सरवाइव करें, 3 किल्स निकालने में यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, और यहाँ पे अगेन नॉट स्क्वाड को अब यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पे फोकस होके खेलना पड़ेगा, बैक फुट पे रह के खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा कि यहाँ पे नॉट का स्क्वाड इतना सिक्योर है, क्योंकि पास भी से यहाँ पे पास में से यहाँ पे रोटेशन नजर आ रही है, लेकिन फौरन गाड़ी में बिठाएंगे और वहां से छू मंत्र होने की यहाँ पे फुल ऑन स्पीड यहाँ पे गाड़ी देखा, यहाँ पे बुलेट्स की यहाँ पे बहुत चार्ज, यहाँ पे राइज दूर, लेकिन यहाँ पे निकलने में कामयाब देसी के स्क्वाड की नाक तले यहाँ पे उसको निकाल लिया गया। नॉट का स्क्वाड यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से बैकफुट में चला गया, आपको यहाँ पे बैकफुट पे जाना भी इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, आपको एक बैकफुट पे जाएंगे तभी तो आप संभल के वापस से कम बैक करेंगे। डीएसपी का स्क्वाड जोन में आना चाह रहा है, लेकिन देखते हैं कि जोन में क्या केयर की उनका एक बेहतरीन वेलकम करेंगे या नहीं। डीएसपी का स्क्वाड यहाँ पे YTF का स्क्वाड भी आप रश कर रहे हैं, यहाँ पे फाइट ले रहे हैं,
ब्लैक का स्क्वाड ज्वाइन करना चाह रहा है, सैयर का स्क्वाड ज्वाइन करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर रेक्स हीरो क्या कर रहे हैं वो भी हम कुछ देर तक देखेंगे। सिग्मा वाईटीएफ का स्क्वाड, ओके जी, यहाँ पे अनकरीब एक फाइट देखने को हमें मिल सकती है वाईटीएफ स्क्वाड और यहाँ पे देसी की स्क्वाड जाना चाहिए। वाईटीएफ स्क्वाड अगेन यहाँ पे ओके जी ब्लस्ट फायर यहाँ पे किए जा रहे हैं जी, बस्ट फायर किए जा रहे हैं और यहाँ पे सिग्मा सोनी की जानब से, लेकिन सिग्मा सोनी की ये सिग्नेचर स्टाइल है कि बस्ट यहाँ पे लाजमी मारते हैं और बस्ट का यहाँ पर एक उनका अंदाजा है कि इतने बस्ट के बाद या इतनी बुलेट्स के बाद वो प्लेयर्स को डाउन, जस्ट बिकॉज इनकी प्रैक्टिस भी कुछ ऐसी है और इनका पास अगर गेम प्ले देखा जाए, पास टूर्नामेंट्स देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ही रही है, लेकिन दिस टाइम यहाँ पर सोनी को अंदाजा जरूर है कि अब यहाँ पे आपके सामने कोई रैंडम प्लेयर्स नहीं है, कोई आप रैंडम लॉबी नहीं खेल रहे, यहाँ पे आपके सामने मंजे हुए प्लेयर है। बिल्कुल सोनिक यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि सोनिक के सामने सोनिक लेवल प्लेयर ही हैं और यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्लेयर है। यहाँ पे देसी सरदार बिना कोई अपना प्लेयर गवाए, ठीक है, बिना कोई अपने यहाँ पे कोई किल गवाए, बिना अपना कोई एलिमिनेशन किए यहाँ पे अपना कोई स्क्वाड का प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करें। एस आई आर का स्क्वाड यहाँ पे पहले देसी स्क्वाड ने ब्लैक स्क्वाड टीम को एलिमिनेट किया और यहाँ पे M3-14 का इस्तेमाल, M3-14 का इस्तेमाल और यहाँ पे जोन की नजर यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक अपना एक और किल जोन, यहाँ पे देसी सरदार यहाँ पे 3 किल हो चुके हैं। यहाँ पे ओवरऑल बात की जाए 6 एलिमिनेशन अपने बैक पैक में डाल चुके हैं। हुजैफा बैठना अपना यहाँ पे कोई किल निकालने में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी यहाँ पर एग्जिस्टेंस ही बहुत होती है, आपका यहाँ पे टिक के गेम खेलना, आपका यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे जोकर का स्क्वाड, यहाँ पे जोकर सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे पीरो डाउन हो चुके हैं और यहाँ पे जोकर क्या टीम के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पे किल्स निकाल पाएगी। अगेन यहाँ पे फाइट हुई, नेक्स्ट हीरो खेले सर्वाइव करें, खेला बंदा अगेन वही लाइन जख्मी शेर है जी। और अगर यहाँ पे अगर रेक्स हीरो को कोई यहाँ पे फाइट नजर आया नेक्स्ट हीरो बिल्कुल यहाँ पे हरगिज खतराएंगे। यहाँ पे अगेन S12K का इस्तेमाल और यहाँ पे जोकर ने अपनी गन पावर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे डाउन किया, यहाँ पे 4B का एक प्लेयर डाउन, यहाँ पे सॉरी 4B नहीं, यहाँ पे SIR का एक प्लेयर डाउन। बॉलिंग बिल्कुल पास नहीं की कि रेक्स हीरो यहाँ पे बैकफुट से फायर जरूर दे रहे हैं। बीके का स्क्वाड को कोई खास नुकसान तो नहीं हो पा रहा रेक्स की बुलेट से, लेकिन बीके के स्क्वाड की यहाँ पे जो रोटेशन है, बीके के स्क्वाड की यहाँ पर जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पे मैनिपुलेट जरूर किया जा रहा है, उसको यहाँ पे डिस्टर्ब जरूर किया जा रहा है। अगेन बैक से जोकर को देखा गया, जोकर यहाँ पे जोकर को डाउन, यहाँ पे रेक्स हीरो क्या ही हीरो, यहाँ पे हीरो एक तरीके से यहाँ पे खेला जा रहा है, अकेले 2 किल्स मेरे ख्याल से यहाँ पर अब हीरो जो है उसको यहाँ पर अब किल्स यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस जो अभी सिचुएशन आने वाली है तो अब जोन पे जाना है 250। अगेन SIR का एक प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर, SIR का हेल्थ बहुत कम है, एम बिल्कुल खत्म, यहाँ पे हटाएंगे नहीं। यहाँ पे रेक्स हीरो जो है, ओके, रेक्स हीरो की हेल्थ बहुत कम और SIR शेरा जो है, आई थिंक शेरा जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जोन में जाने का लालच की वजह से उन्होंने फुल ऑन यहाँ पे फाइट नहीं ली। आप बग्गी के पास ऑलरेडी मौजूद है, बग्गी यहाँ पर अगर बिल्कुल सही तरीके से ड्राइव की जाए तो यहाँ पर अगर बग्गी उल्टे ना तो यहाँ पर शेरा को भी जोन में जाना है। रेक्स हीरो जो है, और रेक्स हीरो बाय द वे काफी दूर, रेक्स हीरो काफी दूर, लेकिन दूर से काफी लोगों को यहाँ पटखे जरूर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे वाईटीएफ के स्क्वाड के यहाँ पे नैनो ओपी यहाँ पे डाउन है और यहाँ पे दूर से हीरो जो है अगेन लड़के हीरो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं बहुत खूबसूरत, लेकिन उनको अंदाजा है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बन सकता, जस्ट बॉस के 300 मीटर दूर है, आपकी हेल्थ भी डाउन हो रही है, अब आपको किल्स चाहिए। वाईटीएफ कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे, वाईटीएफ उठा लिया गया यहाँ पे नैनो ओपी को और यहाँ पे सर्वाइव कर देंगे। आपको जोन में जाना है, जी हाँ, जोन में आगे गाड़ी का यहाँ पे भागते चोर की लंगोटी ही सही, यहाँ पे गाड़ी का डूबने को तरीके का सहारा, ये अगर मैं कोटेशन कहीं पे ना बोलूँ वो उसके बगैर मेरी कास्टिंग कम्प्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कार एक व्हीकल के पीछे यही खूबसूरती है। आप किस तरह इस छोटे से यहाँ पे सिनेरियो में किस तरह आप गेम चेंज करते हो, किस तरह सर्वाइव करते हो, किस तरह एक अपनी टीम को भी लेकर चलना है, हेल्थ भी लगानी है। अगर यहाँ पे देखा जाए सावा यहाँ पर लावा और हार्डएक्स गेमिंग जो है सर्वाइव कर रहे हैं, हार्डएक्स गेमिंग बहुत खूबसूरत है कि यहाँ पे हैट्रिक करते हुए अपने किल्स की 3 किल्स उनके पास बैक बैक पे, लेकिन फिलहाल उनको भी सर्वाइव करना है, पोजिशन यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे 3 प्लेयर यहाँ पे स्मोक किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर M24 उनके पास, यहाँ पे M24 के पटखे क्या लास्ट पे काम आएंगे या नहीं, जोन यहाँ पर
बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल ही जोन यहाँ पे श्रिंक हो चुका है। जोन किसी का नहीं, जोन किसी का नहीं। यहाँ पे वाइटिफ स्क्वाड जोन से बाहर, जो लावा जो है जोन में एंटर हो चुके हैं। केन के बिल्कुल अपना बाउंड्री पर है जोन की। डीएसपी का स्क्वाड भी जोन की, डीएसपी के स्क्वाड की हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि ये हमेशा बैकफुट तरह के खेलते हैं और ये चिकन के लिए खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज, वाइल्ड का स्क्वाड यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया और लास्ट मेरा मार मैं भी इतना उस तरह यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छे खासे किल्स यहाँ पर निकालने में जरूर कामयाब हुए हैं और यहाँ पे चिकन निकालने में भी और डे वन में कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी वापस अगर आए जो मौजूदा टीम है उसमें सिग्मा सोने को डाउन किया गया और यहाँ पे नैनू ओपी को डाउन किया गया और उसके बाद यहाँ पे डीएसपी बाबा और लावा का बस भी मैच है जी। यहाँ पे क्लोज फाइट है जी। यहाँ पर अगेन एम टू फोर यहाँ पटका गेन नेड और ये इट्स अ कार ब्लास्ट, इट्स अ बगी ब्लास्ट और इट्स अ नेड। यहाँ पर ओके आई थिंक यहाँ पर जो है नेड नहीं था, काफी फासले पर है, ये बगी ही ब्लास्ट की गई है। जी हाँ, बगी बिल्कुल बगल में बगी और एक बेहतरीन बगी को यहाँ पे डाउन, यहाँ पर ब्लास्ट करके डीएसपी बाबा को यहाँ पर डाउन किया गया। डीएसपी बाबा यहाँ पर अपने डीएसपी स्क्वाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 एलिमिनेशन डीएसपी बाबा की हैं और यहाँ 5 एलिमिनेशन का मतलब आपकी अच्छे खासे यहाँ पर पोजिशन बिल्कुल आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या डीएसपी बाबा को यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बिल्कुल इमोशनल होकर यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पर अगर सेंसिबल नहीं खेलते, ये नहीं, यहाँ पर डीएसपी मुंडा जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए मुझे अपनी टीम को रिवाइव करना है। लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छी अप्रोच होगी या नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको इमोशनल नहीं होना। नो डाउट आपका डीएसपी जो प्लेयर है डीएसपी बाबा ने 5 किल्स जरूर निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप केन के जट है वो यहाँ पर स्मोक कर रहे हैं, आपको जोन में जाना है। ओके अगेन केन के सामने लावा जो है सावा अगेन यहाँ पर डीएसपी मुंडा यहाँ पे डाउन और यहाँ पर अगेन की जो डीएसपी बाबा भी आप डाउन हो। देखिए किल्स ज्यादा होने का मकसद हरगिज ये नहीं कि आप जोन में आप यहाँ पे अपनी अपने अपनी बलि चढ़ा दें, क्योंकि आप खुद भी यहाँ पर एक एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है डीएसपी इंसाम मैंने हमेशा का लास्ट सर्वाइवर और अकेले सर्वाइव करें, 314 का सवाल 314 से यहाँ पे किल निकालने की कोशिश करें। केन केन के यहाँ पे सर्वाइव करें, हार्ड एक्स गेमिंग भी यहाँ पे सर्वाइव करें, केन के यहाँ पे फाइट है। लेकिन केन के कोई अंदाजा नहीं कि बैक फुट पे भी एक बंदा जरूर है। एहतसाम यहाँ पे हील बैटल करें। यहाँ पे मैं ये देखना चाहूंगा कि एहतसाम के पास हेल्थ किट्स कितनी है। अगर एहतसाम के पास हेल्थ किट्स और केन के का पूरा स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ बहुत खूबसूरत तरीके से, यहाँ पे अगर आप डीएसपी एहतसाम का अगर पीओवी दिखा सके, मैं ये देखना चाहूंगा कि कितनी हेल्थ किट्स उनके पास है। यहाँ पर जरूर कीजिएगा, यहाँ पर कितनी जो यहाँ पर अगेन यहाँ पर नहीं, यहाँ से पहले कि हम हेल्थ किट देखें यहाँ पर हो गए जोन की नजर। यहाँ पे हार्डेस्ट गेमिंग बहुत तरीके से यहाँ पर डिनर निकालते हुए मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर लगातार मैचेस में अगर परफॉर्म नहीं कर पाई वो बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, उनकी कोशिश यही होगी कि हम जस्ट लाइक अ बग्स बनी हम ऊपर आए और अपने आप को पोजिशन निकालें, किल्स भी निकाले और यहाँ पे चिकन भी निकाला। केएनके की टीम जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा अपना वो उनसे हुई थोड़ा सा भूल चूक हुई कि उन्होंने सारे टीममेट्स को यहाँ पर जो उनके ओपोनेंट से उनको यहाँ पे स्पॉट नहीं किया, जिस वजह से उनको आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अपना उनको स्पॉट करने से पहले उन पर कुछ इससे पहले कि मैं कोई राय देता इससे पहले कि उन पर कोई मैं कोई कमेंट पास करता वो एलिमिनेट हो गए और वो हार्डेस्ट गेमिंग ने उनके स्क्वाड ने बिल्कुल कोई यहाँ पर झिझक महसूस नहीं की और फौरन उनको एलिमिनेट करके डीएसपी एग्जाम हमेशा से कहा लास्ट सर्वाइवर अपनी टीम को सेकंड पोजीशन पे लेकर आए हैं और किल्स हो ना हो सेकंड पोजीशन पे लेकर आते हैं डीएसपी एग्जाम क्यू ब्यूटी। और यहाँ पर आज के दिन का डे वन का ये लास्ट मैप था और यहाँ पर लास्ट मैप था और यहाँ पर कुछ ही देर में हम पॉइंट्स की जाने भी बढ़ेंगे और पॉइंट्स के बिहाफ पे हम ये देखेंगे आज के डे वन के बिहाफ पर डे वन पे उनकी पोजिशन के बिहाफ पर किल्स के बिहाफ पर कि आप किस तरह कौन सी टीम जो है वो टॉप थ्री में है किस पायदान पे है। यह भी कुछ रिजल्ट्स आपके सामने हम शो कर देंगे। आज की डे वन के 4 मैचेस इख्तिताम पजीर होते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से, यहाँ पे हर एक टीम ने यहाँ पे परफॉर्म किया और अभी कुछ देर में हम पॉइंट्स टेबल की जानेब बढ़ते हैं। तब तक के लिए थोड़ी सी हम बढ़ते हैं हम शॉर्ट अपना ब्रेक की जानेब, वापस आते हैं कुछ देर में।